Hey guys, good morning. So we are live. नमस्ते भालो गेमर्स टॉक से मैं हूं दीपक नागमोती AKA ची की आप सभी का स्वागत है आज के इस फैंटास्टिक स्ट्रीम में गाइस. वेलकम बैक टू येट अनदर awesome स्ट्रीम. और आज हम लोग फ्लाई करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में. ऑजी बहुत टाइम के बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया में फ्लाई कर रहे हैं और आज की फ्लाइट होने वाली है सिडनी से एडलेड तक. और जहाँ पे हम लोग फ्लाई करेंगे हमारा जेट स्टार का A320 विद द रियलिस्टिक लिवरी, सब कुछ चीज़ें जो आपको रियल ही मिलेगी यहाँ पे. सो बुए ऑडियंस स्वागत है आपका. पांडा प्रिंस गेमिंग, धीरज कुमार कैसे हो, वोक्सो FF खिलाड़ी, गौतम माना, वेलकम गाइस, सभी का स्वागत है. ओम इंगड़े, सिद्धांत कुलकर्णी, का साइज भावा, वेलकम टू द स्ट्रीम. सुकमित ब्रार कैसे हो सुकमित भाई, मुस्तफा मुमरा वेलकम, आयुष नंद गवली, का साइज आयुष, स्वागत है स्ट्रीम वरती, तुझा खूब स्वागत है. आहान पदिहार, मयूख मेरा दोस्त, जोए जीत तरफ दर कैसे हो, सौरभ जादव का साइज भावा, चला ऑस्ट्रेलिया, आई एम एक्साइटेड, थैंक यू सो मच प्रणव, अप्रिशिएट बड़ी. और मैं यहाँ पे जो है वो गेम को सिम्युलेटर को स्टार्ट कर रहा हूँ. समहाउ मुझे एक प्रॉब्लम आया सिम्युलेटर को स्टार्ट करते, वो मुझे लॉगिन के बारे में पूछ रहा है, जो कि ऐसे पूछता नहीं है क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जो लिया नहीं है. आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, मैंने उसको फिर से रिस्टार्ट किया हुआ है. होपफुली अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि कल रात को मैंने टेस्ट किया था, एवरीथिंग वॉज वर्किंग फाइन. चिराग चौधरी कैसे हो, द प्रवीण चतुर कैसे हो प्रवीण, एक्साइटेड आए भावा, ऑजी भावा, लेट्स गो, एक नंबर मजा इलाज. अरे फिर से वही आ गया यार, पासवर्ड क्यों मांग रहा है ये, पासवर्ड क्यों मांग रहा है यार, ये दो मिनट देना. ये सारी चीजें फिर से क्यों मांग रहा है, ठीक है. इंटीरियर सिक्योरिटी कोड स्ट्रेंज. हेलो केशव अय्यर कैसे हो, केशव भाई क्या हाल है, सब बढ़िया. हेलो वी संपत वेलकम टू द स्ट्रीम. और सिक्योरिटी कोड मेरा आ गया यहाँ पे, सिक्योरिटी कोड को मैंने डाल दिया है. सेट अ न्यू पासवर्ड, पासवर्ड हमने सेट कर दिया है, ओके. फोन नंबर मांग रहा है ये, क्यों हो गया, क्या हो गया भैया, इतनी इंफॉर्मेशन काहे मांग रहे हो. जो बुआ पे गाइस हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो जल्दी से, और वहां पे ओके पासवर्ड अपडेटेड, अभी फिर से साइन इन करना है. ये भी ठीक है ओके. होपफुली अभी वर्क कर जाए. लेट्स गो बोल रहा है मुझे, यार लेट्स गो कर दिया मैंने. बट यार ये वाली स्क्रीन तो बहुत पहली वाली है. आपकी शादी हो गई है क्या? हाँ भैया मेरी शादी हो गई है. हेलो तनिष कोरमा कैसे हो, केशव अय्यर, YT प्रिंस गेमर, वेलकम टू द स्ट्रीम. किंग ऑफ द सेवन सीज, एवरीवन गोइंग टेक्नो ब्लेड मोड, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम. ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस, ये वाली स्क्रीन क्यों आ रही है यहाँ पे? ये तो जब लॉन्च हुआ था गेम तब की ये स्क्रीन थी, ये अभी क्यों आ रही है? और उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन क्यों पूछे फिर से एक बार डालने के लिए, आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड. 43 वॉचिंग हो चुके गाइस, जैसे 50 वॉचिंग हो जाएगी मैं ड्रॉप देना शुरू करूंगा. बट उसके पहले आप लोगों को जो है हमारे बुया क्लब को ज्वाइन करना होगा. अगर आप बुया क्लब को ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ड्रॉप नहीं मिलेगा, और आपको वहाँ पे फ्री फायर वाली कस्टम रूम में आपको आपका UID भेजना है. सो जो बंदे मुझे अपना UID भेजेंगे हमारे क्लब में, द गेमर्स टॉयज सिमुलेशन गेमिंग क्लब, वहाँ पे जो है आपको ड्रॉप जीतने का मौका मिलेगा. सर आप अलोन फ्लाई कर रहे हो क्या, चेनसो आर नहीं, चेनसो फ्लाई कर रहे, रियल लाइफ में फ्लाई कर रहे आज. सो चेनसो नहीं रहेंगे आज, आज कोई नहीं होगा शायद से, बहुत कम बंदे होंगे ग्रुप फ्लाइट में. बट आज मज़ा आएगा, आज हमें सब कुछ खुद से ही करना है एंड वी आर अप फॉर दैट. बट मैंने पता है आधा घंटा लेट स्ट्रीम चालू की क्योंकि मुझे सब कुछ चीज़ें रेडी रखनी थी. आई थॉट कि आज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हम लोग आज टाइम पे शुरू करेंगे. और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो साला ये अब ये गेम नाटक कर रहा है. वी आर डेयर, हेलो मान, लॉन्ग टाइम नो सी ब्रो, व्हाट ये क्या हो रहा है भाई, ये रीसेट क्यों हो रहा है ये. भाई ये देख रहे हो क्या, ये जैसे कि मैं पहली बार इंस्टॉल कर रहा हूं ऐसे आ रहा है यहां पे.
एनेबल स्क्रीन नरेटर, मिनिमम टेक्स्ट साइज और ये सब क्यों आ रहा है? स्किप प्री फ्लाइट सिनेमैटिक्स, ये क्या है गाइस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस गाइस? किसी को पता है ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? जो कोई MSFS का प्लेयर है जिसको पता है कि ये व्हाई दिस इज हैपनिंग, मेरा फिर से स्टार्ट से रिस्टार्ट क्यों कर रहा है ये? शुरू से ये ओपन क्यों हो रहा है? आई हैव नो आइडिया. लव फ्रॉम बैंगलोर, लव यू ब्रदर. सर नो प्रॉब्लम, यू नो A320 बेटर नाउ, प्रोफेशनल हो गया हो. अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यार. अरे आपके पापा सही हो जाएंगे शिवम मंडल, डोंट वरी यार, एवरीथिंग विल बी फाइन. सेम प्रॉब्लम यस्टरडे, मान आपको भी प्रॉब्लम आया था क्या? बट ऐसे क्यों हो रहा है? लाइक व्हाई इट स्टार्टिंग अगेन? स्किप प्री, वेट वेट वेट, ये क्या यार? हुआ? ये क्या बकचोदी है? ये फिर से इंस्टॉल करने के लिए क्यों बोल रहा है? मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यार गेम. ये अपडेट के लिए क्यों बोल रहा है? बट अभी क्या करना है गाइस जरा बताओ. स्टार गेमिंग स्पैम मत करो ब्रदर. माय मदर इज इन हॉस्पिटल. तनिष वर्मा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सही हो जाएगा, डोंट वरी. आपकी मॉम जो है वो बहुत जल्दी ठीक होकर घर आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो. स्टार गेमिंग लास्ट वार्निंग है आपको यार, आप चैट में 100 बार स्पैम करोगे तो ऐसा नहीं होगा. 500 MB का अपडेट है. बट यार ये ऐसा क्यों दिखा रहा है कि स्टार्ट से जो है वो इंस्टॉलेशन करना है? हेलो पोंक्षा, अरे पोंक्षा तुला काल कॉल करो, तुझा फोन नव्हता लागत, तुझ्याशी खूप दिवस बोलणं नाही झालं, म्हटलं काय चाललंय विचारू याला, तुमचा फोन नाही लागला. वेलकम टू द स्ट्रीम गाईज. ड्रॉप देणे जा रहा हूं मैं हमारे बुई ऑडियंस के लिए, सो रेडी हो जाओ गाईज, सबको ड्रॉप मिलेगा अभी. बट जब तक मैं ड्रॉप शेड्यूल नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से जाके हमारे क्लब में, द गेमर्स टॉय सिमुलेशन गेमिंग क्लब में, फ्री फायर कस्टम लॉबी वाले रूम में जाके आपका UID दे देना मुझे. जो लोग हमें उनका UID देंगे उनको जो है हम लोग ड्रॉप भेजेंगे, सरप्राइज ड्रॉप्स आएंगे उनको, रेयर ड्रॉप्स आएंगे. तो जल्दी से जाइए गाइज, मैंने ड्रॉप शेड्यूल कर दिया यहाँ पे, आई हैव शेड्यूल द ड्रॉप. फैंटास्टिक फैंटाबुलस, जय माता दी. ये सबके साथ हो रहा है क्या गाइज? ऐसा अपडेट आया हुआ है? इज इट हैपनिंग विथ एवरीबडी? जस्ट सेट ऑल थिंग्स, नो अदर ऑप्शन आएगा. सबके साथ हुआ क्या ये? हाँ, आज फोन कर झालं की बोलूया आपण. गाइज हमें बस एक मेंबर चाहिए हमारा 98 का मेंबर गोल पूरा करने के लिए. होपफुली आज जो है हमारे 100 मेंबर्स पूरे हो जाएंगे. आई रियली होप सो. तो मैं यहाँ पे मेंबर गोल को 98 सेट कर देता हूँ. एक मेंबर चाहिए गाइज 98 मेंबर्स पूरे करने के लिए. और यहाँ पे अपडेट हो रहा है गाइज, डोंट वरी, अपडेट हो जाएगा. नो नीड टू वरी. बट ये अपडेट सबको आया है क्या? P3D स्टार्ट कर लो, ऐसा नहीं होता यार. स्ट्रीम पूरा सब कुछ सेटअप करना पड़ता है पहले. तो आज जो MSFS की स्ट्रीम होगी ब्रो, वो क्लाउड रैप फॉर स्पीड इशू. ब्रो यूज क्लाउड रैप फॉर स्पीड इशू, ये क्या है? क्या हो गया रोन डिसूजा, सैड क्यों फील कर रहे हो? आर्क सर्वाइवल इवॉल्व खेलो, जब नया उसका नया वर्जन आने वाला है तब खेलेंगे. अभी तो आर्क सर्वाइवल का कोई प्लान नहीं है स्टार गेमिंग. प्लीज स्पैम मत करो. हेलो शरल गोंजाल्वेस, कैसे हो? प्लीज टेल मी फ्लाइट सिम, माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर 2020 है ये. नेक्स्ट स्क्वाड गेम प्ले लवकर होणार आहे भावा. मे बी आता जो कमिंग वीक आहे त्याच्यामध्ये आपण 2 दिवस मिलिट्री सिम्युलेटर खेळणार आहोत. सो जल्दी होगा. तो गाइज हमने हमारा ड्रॉप शेड्यूल कर दिया है. जिन लोगों ने अभी तक हमारे क्लब को ज्वाइन करके वहाँ पे अपना UID नहीं दिया है, जल्दी से ज्वाइन करके UID दे दो. नीड योर सपोर्ट एंड लव. ओके गाइज, यहाँ पे बुआ ड्रॉप का टाइमर मैंने ऑन कर दिया है. बुआ ड्रॉप क्यों नहीं आ रहा है भैया? ये बुआ ड्रॉप क्यों नहीं आया? मैंने तो शेड्यूल कर दिया इसको. ये क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों हुआ? ये ऐसे क्यों हो रहा है भाई? व्हाट डू हैक?
आज क्या हो रहा है गाइस, आज आज इतने प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? वियर्ड, आज इतने प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? ठीक है गाइस, टाइमर दिखेगा नहीं बट आपको तो पता चल जाएगा कि कितना टाइम बाकी है, सो उससे जो है वो मैनेज कर लेना। गियर की याद आ रही है भाई, इज़राइल में हूँ। घर की याद आ रही है, इज़राइल में हूँ, ओके कोई बात नहीं यार, स्ट्रीम देखो हमारी घर की याद नहीं आएगी। स्टार गेमिंग, हम लोग आज माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर खेल रहे हैं। आपको जो भी गेम की रिक्वेस्ट करनी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, प्लीज़ चैट में स्पैम मत करना, आज जो गेम चल रहा है उसको एंजॉय करो। How much GB? यार ये बहुत बड़ा गेम है, 150 GB का गेम है ये। Yes, it happens with me, but I restarted the PC, my problem solved. तो पहले बोल देना था ना यार, पहले बोल देता मैं रिस्टार्ट कर देता PC को। 40 GB नहीं यार, वो 40 GB तो बेसिक सेटअप है, उसके बाद जब आप सारे एडॉन्स सारे वर्ल्ड अपडेट ऐड करते हो तो 150 GB के ऊपर चला जाता है। हेलो तनिष्क वर्मा, हेलो डॉक्टर अभिद लोन, कैसे अभिद भाई, बहुत दिनों के बाद स्ट्रीम पे, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या हालचाल। हाउ टू डाउनलोड, आपको परचेस करना पड़ेगा तनिष्क, परचेस करोगे स्टीम से, परचेस करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। विघ्नेश्वरन ड्रॉप तो मिलेगा आपको, आपको हमारे बुया क्लब को ज्वाइन करना होगा। What happens about LOL? क्या, हेलो एंड्रॉइड पी सर, मैं नहीं आपके पुराना स्ट्रीम देखा, P3D कैथिक पैसिविस का एकदम रियलिस्टिक था, मज़ा आया ना प्रणव। P3D का अपना अलग मज़ा है, MSFS का अपना अलग मज़ा है। हेलो किरण नागरकर, कैसा है किरण। फेल गेम को जानते हो, WWE खेलता है ना, पता है मुझे, जानता हूँ मैं स्टार गेमिंग। हेलो क्रैक, फाइन ब्रो, थैंक यू अभित भाई, अच्छा लगा आप आए स्ट्रीम पे आज। गुड मॉर्निंग सर, संस्कार इज बैक, आपका फेसबुक वीडियो लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू सो मच संस्कार। 2 hours अर्ली OP, हाँ 2 hours अर्ली नहीं बे, ऑन टाइम स्ट्रीम स्टार्ट किया हमने। सुकमित ब्रार एक्सक्लेमेशन GTA टाइप करो, आपको पता चल जाएगा। चिकी नाम है मेरा तनिष्क। गाइज लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया हो तो, और गाइज वेरी क्लोज टू 100 लाइक्स, जिसने भी लाइक बटन नहीं दबाया स्मैश दैट लाइक बटन। यार ये अभी अपडेट आया हुआ है क्या, ये जो 250 MB का अपडेट जो है वो, ये आप सभी को अपडेट आया है क्या, जरा बताना मुझे, जो जो MSTS खेलते हैं। बेटर करो ना टाइटल में, क्या मतलब। थैंक यू तनिष्क, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो यूनिक टेक, व्हाट्सअप, क्या ले ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। ये फिर से सब कुछ स्टार्ट ना कर दे यार। थैंक गॉड, नहीं यार ये तो ओके, ये अपडेट आया था क्या, इसकी स्क्रीन वगैरह ऐड किया उन्होंने मैवरिक टॉप गन की, नहीं यार ये पहले भी तो था। अच्छा ये सबको आया क्या मान, ओके गॉट इट। हाई चिकी भाई, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू आफ्टर मेनी डेज। हेलो साई विघ्नेश, गुड टू सी यू ब्रदर, अच्छा लगा आपको फिर से एक बार देख के स्ट्रीम पे, कैसे हो आप, क्या हाल है गाइज। एक बार ड्रॉप हो जाए हमारा तो बोल देना मुझे कि चिकी भाई ड्रॉप हो गया है, क्योंकि यार ये भुया का ड्रॉप यहाँ पे दिखना चाहिए था, वो दिख क्यों नहीं रहा है, मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, ये दिख क्यों नहीं रहा है, ये मुझे वियर्ड लग रहा है थोड़ा सा। एक और मैं फिर से इसको अगर सिलेक्ट कर लूँ, नहीं ये वो नहीं है, ओके ये स्क्रीन है वो, इसको अगर मैं ओके करूँगा तो मुझे दिख नहीं रही है बेसिकली, स्क्रीन ही दिख नहीं रही मुझे। ओके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रुक जाओ, और तब तक मैं इसको ऐड करता हूँ। स्क्रीन कैप्चर होता है ना, वीडियो कैप्चर, विंडो कैप्चर होता है वो। एड एग्जिस्टिंग बुया ड्रॉप, इसको ऐड कर दिया हमने, ओके आ गया आ गया आ गया, हो गया गाइस हो गया। ठीक है गाइस हैप्पी, अभी आपको स्क्रीन पे ड्रॉप का टाइमिंग पता चलेगा, कितना बाकी टाइम बाकी है ड्रॉप के लिए। कूल, चलो फैंटास्टिक गाइस। इट्स बटर ओनली मक्खन लैंडिंग, बोगुयार पोंक्षा का होता आज। नमस्ते प्रणव, कैसा है, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। क्लोज टू 100 लाइक्स, बस एक कितना चाहिए हमें, 10 लाइक्स चाहिए 100 लाइक्स पूरे करने के लिए। जिसने भी लाइक बटन दबाया गाइस, स्मैश दैट लाइक बटन। यार ये क्या हो रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग।
सब कुछ ये आपको भी हुआ क्या गाइज? ये आपको भी सारी सेटिंग फिर से करनी पड़ी क्या? ये सबके साथ हो रहा है या सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? सैटेलाइट स्ट्रीमिंग, ये पूरा नया सेटअप हो रहा है यार, दिस इज वियर्ड। इफ योर डेटा कंस्ट्रेंट्स यू कैन लिमिट योर डेटा स्पीड। नहीं यार, अरे यार ब्रो, थैंक यू तनीश। गैस थोड़ा सा इशू चल रहा है यहाँ पे यार, थोड़ा सा इशू यहाँ पे चल रहा है। ये सारे मुझे क्यों पूछ रहा है? मतलब लाइक यू हैव डिटेक्टेड द फॉलोइंग डिवाइसेस एंड हैव अपलोडेड डिफॉल्ट। ओह माय गॉड, ये सब कुछ यार, मेरी सारी सेटिंग चली गई यार ये। यस फिर से करनी पड़ी। आपके साथ भी हुआ यार? सबके साथ हुआ क्या ये ब्रो? यस फॉर मी एज वेल। ओ ये सब फिर से एक बार करना पड़ा आप लोगों को? ओके सबके साथ हो रहा है। एयरक्राफ्ट सिस्टम हार्ड फेल्योर एंड डैमेज, नेविगेशन एड, क्या यार, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इजी, यू कैन चेंज असिस्टेंस लेवल। एविएशन मास्टर आपके साथ भी हुआ क्या ये? ओ सबके साथ हुआ ये, सैड यार। ऑल असिस्ट फॉर ऑल न्यू फ्लाइट सिमुलेटर मिडल ग्राउंड ट्रू टू लाइफ फॉर दोस कंट्रोल विद द फ्लाइट सिमुलेशन एंड वांट टू मोस्ट ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। इफ यू विश टू कस्टमाइज असिस्टेंस सेटिंग फर्दर एक्सपेंड सब कैटेगरी ऑन द लेफ्ट मेनू। अच्छा यहाँ पे है ना, ऑटो मिक्सर सब कुछ ऑफ चाहिए यार। फेल्यूर एंड डैमेज इसको डिजेबल रखते हैं यार। इसका आइसिंग इफेक्ट को ऑन रखेंगे हम लोग। स्ट्रेस डैमेज, स्क्रैच डैमेज, ओके क्रैश डैमेज इनेबल रखेंगे। नेविगेशन एड, रूट वे पॉइंट्स, टैक्सी रिबन, लैंडिंग पाथ, स्मार्ट कैम मोड हार्ड रखेंगे। इस पार्ट स्मार्ट कैम मोड क्या होता है? नोटिफिकेशन पायलटिंग एंड कंट्रोल नोटिफिकेशन एयरक्राफ्ट सिस्टम। नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब ऑफ चाहिए। पायलटिंग ईजी असिस्टेड योक, नहीं भैया ऑफ। AI ऑटो ट्रिम, एंटी स्टॉल प्रोटेक्शन, असिस्टेड लैंडिंग, असिस्टेड चेकलिस्ट, POI में लैंडिंग मार्कर, सिटी मार्कर, एयरपोर्ट मार्कर्स। नहीं भैया सब ऑफ करो बहन, कुछ नहीं चाहिए मुझे। यूजर एक्सपीरियंस हार्ड, ATC UI पैनल ओपन एट स्टार्ट, शो मैसेज लॉग इन, इसको ऑफ कर दो यार। शो मैसेज लॉग इन द ATC मेनू ऑफ, ATC वॉइसेस ऑन, चेकलिस्ट यू आर पैनल ओपन एट स्टार्ट ऑन, VFR मैप, इंस्ट्रूमेंट हेडसअप, कॉकपिट कैम, जेट पायलट, इन फ्लाइट व्हेन एयरक्राफ्ट शट्स डाउन, इन फ्लाइट एयरक्राफ्ट शट्स डाउन ऑन, जी सूट, जी इफेक्ट, इंस्ट्रूमेंट हेडसअप डिस्प्ले। ओके इसको अप्लाइन सेव कर देंगे, इसको हमने अप्लाइन सेव कर दिया, इसको डन करते हैं। वाओ व्हाट्सअप अकवास गेमिंग कैसे हो दादा? तुझा कोणत्या फायबर कनेक्शन आहे ॲक्च्युअली? किती डाउनलोड स्पीड? माझे दोन फायबर कनेक्शन आहेत, एक गेमिंगसाठी एक स्ट्रीमिंगसाठी, दोघं 100 Mbps आहे। गाइज ड्रॉप हो चुका है, गाइज नेक्स्ट ड्रॉप देंगे। 10 ड्रॉप चाहिए आपको तो चलो गाइज 10 ड्रॉप देंगे। आपने बोला 10 ड्रॉप चाहिए तो 10 ड्रॉप देंगे। पहले आपको हमारे क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा गाइज, अगर हमारे क्लब को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर देना जाके फटाक से। पहले हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स। अब मैं 10 ड्रॉप दे रहा हूँ आप लोगों को, और ये 10 ड्रॉप मैंने शेड्यूल कर दिए हैं स्पेशली हमारे बुआ ऑडियंस के लिए। और ये हो गया गाइस 10 ड्रॉप, जैसे आपने कहा मैंने शेड्यूल के भी। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको जो है हमारे क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फाइनली, ये स्क्रीन देखने को मिली मुझे। एक बार देखने दो कि सारे अपडेट्स फिर से तो करने नहीं पड़ेंगे मुझे। कंटेंट मैनेजर में जाऊँगा मैं, थैंक गॉड गाइस ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस वो उतना ही फिर से एक बार करना था। कूल तो गाइज वी आर गुड, गाइज वी आर गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और फ्रेम लिमिटर यहाँ पे ऑन किया हुआ है, ओके सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। फैंटास्टिक फैंटाबुलस, जय माता दी। ओके कूल गाइज, जल्दी से 100 लाइक्स कर दो यार, एक लाइक चाहिए हमें 100 लाइक्स पूरे करने के लिए। कौन है वो एक बंदा जो हमारे 100 लाइक्स पूरे करेगा? तो चलो गाइज, कल मैंने जो है वो एयर फ्रेम को जो है ऐड कर दिया है हमारे जेट स्टार एयरवेज के। और जब मैं माइक पे बात करूँ तो बैकग्राउंड पे से खरखर खरखर साउंड आ रहा है क्या आपको? नहीं ना, माइक एकदम क्लियर है, राइट? एकदम मक्खन आवाज आ रही है। जरा मुझे चैट में बताना कि चिकी भाई माइक का कोई इशू नहीं है, ऑल गुड। अगर स्ट्रीम में वेरीफाई फाइल्स किया हो तो मतलब सब
रिसेट हुआ होगा। नहीं यार, मैंने कुछ वेरीफाई फाइल वगैरह नहीं किया था आर्यन पुत्रन, बट एनीवे चलो हो गया ना। VH VFI हमारा जो है ये है। सो हम लोग यहाँ पे VH VFI A320 को हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया है। कम ऑन गाइस, वेरी क्लोज टू 300 लाइक, जल्दी से लाइक बटन दबा देना। लियोन अल्बर्ट स्पैम मत करो उस मैसेज को, मैं उसको पिन नहीं करूंगा, आपको हर 5 मिनट के बाद उसको जो है टाइप करना है। ऑल ओके है, क्लियर है? यस ब्रो, ओके, थैंक यू सो मच करम भाई। सो हम लोग डिपार्ट करेंगे सिडनी से। गए सिडनी में अभी अंधेरा हो गया या फिर अभी भी डे टाइम है, जरा बताना टाइम सिडनी का क्या है। एडलेड अभी है हमारा YPAD, सो YPAD एडलेड हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर दिया और ये हमारे 7687647667770। सो हम लोग जो है 770 वाली फ्लाइट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा फ्लाइट नंबर हमारा ATC कॉल साइन है GST770। सो जेट स्टार 770 और कॉल साइन है हमारा JST770। गाइस इसका कॉल साइन क्या, मतलब ATC इसको क्या बोलता है? जेट स्टार ही बोलता है ना, इसी को पता है चैट में बता देना, क्योंकि आज हमारे प्रो बंदे नहीं है। इसको हम लोग जो है वो इजी जेट वाला कर देंगे, दिस इज कूल। और ये टाइमिंग हम लोग कर देंगे हमारा 6730 या फिर 25 कर देते हैं, 725 हमने यहाँ पे कर दिया है। एवरीथिंग इज गुड गाइज, डे टाइम है ना हर्षिल वहाँ पे, अभी भी आई थिंक 4 बज रहे होंगे शाम के सिडनी में एटलीस्ट। ओके सो सिडनी और ये 629 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस है, 2 घंटे की जर्नी है वो, मतलब फ्लाइंग टाइम 2 घंटे का है। सो लेट मी जनरेट द प्लान, इसको हमने जनरेट कर दिया है। जेट स्टार ही बोलते हैं ना आर्यन इसको, ओके परफेक्ट, जेट स्टार 770 परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। सिडनी में ओके, तो गाइज हमें ऑलमोस्ट सनसेट पे जो टेक ऑफ करने को मिलेगा और बाकी की जर्नी हमारी शायद से इधर हम लोग सनसेट पे लैंड करेंगे या फिर टेक ऑफ करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सिडनी से टेक ऑफ करेंगे और एडलेड पे जाएंगे। मैं प्रीफाइल कर रहा हूँ उसको वैटसिम पे प्रीफाइल कर देंगे। सिडनी पे कोई टॉवर वगैरह है क्या? हेलो फ्लाइंग गेमर आएगा साथ में फ्लाई करने के लिए? आ जा भाई, मज़ा आएगा। वैटसिम पे मैंने अपलोड कर दिया है, प्रीफाइल मैंने कर दिया है। अपडेट प्लान एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, फ्लाई नाउ कर देंगे हम लोग यहाँ पे सीधा। और यहाँ पे हम लोग MSFS सिलेक्ट करेंगे, MSFS हमने सिलेक्ट कर दिया है। मीटर भी यहाँ पे आ चुका है, ब्यूटीफुल गाइस, गुड गुड गुड। अभी हम लोग जाएंगे वर्ल्ड मैप में जाएंगे और ओके गाइस जल्दी अंधेरा होने वाला है यहाँ पे, जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। एयरक्राफ्ट सिलेक्शन में जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे एयरलाइंस में और उसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे फिनिक्स। लिवरी में जाएंगे और हमारी जेट स्टार की लिवरी आ चुकी है, दिस इज़ अ जेट स्टार लिवरी, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, फैंटास्टिक। यहाँ पे जाएंगे और YSSY सिडनी एयरपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, जूम करेंगे यहाँ पे और अंधेरा ऑलरेडी हो चुका है गाइस थोड़ा सा वहाँ पे, और मीडियम गेट पे हमें जाना है। सो D3 पे चले गए हम लोग। सो गेट नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, गेट जो है हमारा वो है गेट D3। ओके गाइज गेट भी हमने लिख दिया है। सनसेट का टाइमिंग है, वेदर हमारा लाइव रहेगा, लाइव प्लेयर्स नहीं सॉरी, वेदर लाइव रहेगा हमारा, कूल। और थोड़ी सी क्लाउडी कंडीशन है वहाँ पे, बाहर जा रहा है। अच्छा तो बाहर जा रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, दिस इज ऑल गुड। लेट मी क्लिक ऑन फ्लाई पे क्लिक कर देंगे। हेलो गोराज कैसा है, ज्वाइन क्लब क्या होता है? अरे हमारे इस पे जाओ ना चैनल पे, आपको क्लब वाले सेक्शन में द गेमर्स टॉय सिमुलेशन गेमिंग क्लब दिखेगा, उस क्लब को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि सारे डायमंड्स गिव अवे सब कुछ जो है उसी क्लब से होता है। सर शेयर फ्लाइट्स करो, शेयर फ्लाइट MSFS में नहीं है अभी। हेलो डेविल ओपी कैसे हो, हेलो चिकी भाई गुड मॉर्निंग, द डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस इज गोना स्टार्ट फ्रॉम June 22 भाई, विल यू मेक अ ब्लॉग? यस यस ब्लॉग बनाएंगे हम लोग डेक्कन क्वीन का। ओह माय गॉड मैं भूल गया था फिनिक्स के ऐप को ऑन करना है मुझे, सो फिनिक्स के ऐप को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है, स्टार्टिंग फिनिक्स, उसको अपडेट भी कर दिया मैंने, ये सभी गेम चालू हो रहा है। मैं भी आ रहा हूँ फ्लाई करने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ सिडनी पे आ जाओ। और क्वांटस वगैरह लेना यार, बोइंग एयरक्राफ्ट लेके क्वांटस फ्लाई करना, क्योंकि डिफरेंट एयरक्राफ्ट देखेंगे वैटसिम पे तो मज़ा आएगा। अभी है क्या वैटसिम पे, वहाँ पे कंट्रोलर वगैरह है, कोई चेक करके बताएगा? एनीवे अभी हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे। मीन टाइम गाइज मैं बाकी की चीज़ें कर लेता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम लोग वोलंटा ऑन करेंगे, वोलंटा को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। उसके बाद
नेविग्राफ सिम लिंक को भी ऑन कर देंगे, वो भी मेरी ऑन हो चुकी है। एफ एस यू आई पी सी को एफ एस यू आई पी सी 7 को ऑन कर दिया है, ये भी हमारा चल रहा है। वैट सिम पे हम लोग आ चुके हैं, इसको कनेक्ट कर लेंगे एक बार स्पॉन होने के बाद। एड फ्लाइट प्लान में जाएंगे हम लोग और वाई एस एस वाई वाई पी ए डी एडलेट टू ये। ओके गाइस, ओ हो हो, सिडनी पे अभी फिलहाल अप्रोच है, सिडनी पे अप्रोच है अभी, सिडनी अप्रोच इज देयर, कूल। एंड हियर वी गो गाइस, हम लोग आ चुके हैं, हम लोग जो है वो गुलशन भाई, गुड टू सी यू, कैसे हो आप? मैं डिस्कॉर्ड पे जा रहा हूँ गुलशन भाई। ये म्यूजिक वगैरह क्यों बज रहा है यार, ये म्यूजिक वगैरह क्यों बज रहा है? ए सॉरी सॉरी सॉरी, वेट वेट वेट, ऑप्शंस में जाना है मुझे, जनरल ऑप्शंस में जाना है। अरे आज नशे कर दिए इसने। मेन डिवाइस आउटपुट सिलेक्शन कम्युनिकेशन डिवाइस, मेन डिवाइस आउटपुट सिलेक्शन सिस्टम, मेन कम्युनिकेशन डिवाइस आउटपुट सिलेक्शन, दोनों आउटपुट सिलेक्शन क्यों बता रहा है? इफ यू वांट टू यूज अनदर आउटपुट फॉर रेडियो कम्युनिकेशन एग्जांपल हेडफोन्स आउटपुट डिवाइस, सिलेक्ट योर आउटपुट डिवाइस फॉर द मेन साउंड एयरक्राफ्ट एनवायरमेंटल साउंड, और इफ यू वांट टू यूज अनदर आउटपुट फॉर रेडियो कम्युनिकेशन लाइक हेडफोन्स यू कैन सिलेक्ट डेडिकेटेड आउटपुट। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम ही रहेगा हमारा ये भी। ओके और मास्टर वॉइसेस म्यूजिक नहीं चाहिए भैया हमें। ओके ओके इसको रिज्यूम कर दे गाइस, हियर वी आर गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सनसेट हो रहा है यहाँ पे, कुछ ही समय में जो है अंधेरा हो जाएगा। गुलशन भाई अगर फ्री हो ऐसे चिल मारना है तो आ जाना डिस्कॉर्ड पे, मैं स्ट्रीमर एरिया में हूँ हमारे। सो कूल गाइस, रेडी टू फ्लाई पे क्लिक कर देंगे हम लोग यहाँ पे। और यार ये क्या ओपन हो रहा है, चेकलिस्ट विकलिस्ट दुनिया भर की चीज़ें ओपन हो रही है, बेसिक कंट्रोल वगैरह नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी हेल्प नहीं चाहिए आप लोगों से। ओके सो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे देखना है कि कोई मेरे कंट्रोल्स वगैरह जो है वो ये तो नहीं हुए है। ओके एवरीथिंग इज़ फक्ड अप गाइस, ये कंट्रोल्स वगैरह भी रीसेट हो गया लग रहा है मुझे, ये कंट्रोल्स और सब कुछ रीसेट हो चुका है। ये ऐसे टट्टी अपडेट क्यों देता है यार MSFS, जो कि लोगों की पूरी धज्जियां उड़ जाए यार सारे सेटअप की। अच्छा TCA की है ना, मेरा TCA क्यों नहीं यार, कौन से वाले में था मेरा, ओके गाइस मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, मैंने कंट्रोल चेक कर रहा हूँ। ओके ये वर्क कर रहा है सब कुछ, ओके दिस इज़ वर्किंग फाइन, और इसको हटा दो भैया पहले। ओके पार्किंग में भी वर्क कर रहा है, ऑटो ब्रेक भी वर्क कर रहा है, ओके गियर भी वर्क कर रहा है। ओके गाइस सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, होपफुली। अरे यार ये क्या भाई, भगवान उठा ले, ये क्या हो रहा है, रिसेट पैनल ATC पैनल नहीं चाहिए मुझे, चेकलिस्ट नहीं चाहिए मुझे, बेसिक कंट्रोल्स नहीं चाहिए मुझे, नैव लॉग नहीं चाहिए मुझे, ऑब्जेक्टिव्स नहीं चाहिए मुझे, ट्रैवल टू नहीं चाहिए मुझे, फ्यूल भी मत दो यार मुझे, कुछ मत दो, ऊपर सब क्लीन रखो। और इसको कैसे हटाना यार, ये जो बता रहा है ना यहाँ पे जाने के बाद, इसको कैसे हटाएंगे? असिस्टेंस में जाना पड़ेगा क्या मुझे? कंट्रोल ऑप्शन में नहीं होगा वो, आई थिंक असिस्टेंट में होगा, एक मिनट, जनरल ऑप्शन में जाएंगे और मिसलिनियस एक्सेसिबिलिटी इंस्ट्रूमेंट नेम टूल टिप, अबे शुरू कर प्रवीण कुमार यार, मैं मतलब मुझे मजा थोड़ी आ रहा है यार कि मैं टाइम पास करूँ यहाँ पे, कुछ चल रहा है यहाँ, दैट्स द रीजन ना। अरे पूरा अपडेट कर दिया यार, स्टार्ट से सब कुछ अपडेट कर दिया, मतलब पता नहीं यार क्या सोच के करते यार,
सबटाइटल ऑफ, या ये क्या इंस्ट्रूमेंट नेम टूल के एडजस्ट वेदर डिस्प्ले नेम ऑफ द ईच कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट व्हेन मूविंग द कर्सर. नहीं भैया इसको ऑफ कर दो, ये ऑफ कर दो, आई थिंक ये वही होगा. ओके ओके थैंक गॉड. चलो गाइज ये फिक्स हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज. अबे ये एयरक्राफ्ट कहाँ से आ गए यार. ओ भाई क्या है यार, मैंने इतनी मेहनत की थी गाइज पता है आज ऑन टाइम स्टार्ट करने के लिए, इतना सब कुछ किया था. ये देखो यहाँ पे फक यू ओसोबो, फक यू. हक दिया यार पूरा उन्होंने अपडेट में, पूरा हक दिया. ट्रैफिक में रियल टाइम ऑनलाइन नहीं चाहिए मुझे, ये ऑफ कर दो भैया. शो ट्रैफिक नेम प्लेट्स मुझे ऑफ करने दो. उसके बाद यूजर जेनरिक प्लेन मॉडल यार ट्रैफिक ऑफ, यूजर जेनरिक प्लेन मॉडल्स मल्टीप्लेयर ऑफ, ट्रैफिक वैरायटी अल्ट्रा देन एडजस्ट अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट मॉड्यूल यूज इन द रैंडमली जनरेटेड ट्रैफिक ग्राउंड व्हीकल्स एंड हाई वैल्यूज में अफेक्ट द. और इसमें कुछ तो करना पड़ता है. शिप एंड फेरीज रोड व्हीकल्स ये है. एयरपोर्ट व्हीकल डेंसिटी ग्राउंड एयरक्राफ्ट डेंसिटी को मुझे जीरो करना है और वर्ल्ड डेंसिटी 50 है. हमें वैटसिम के लिए गाइज पायलट भी पेशेंट ब्रो. अरे यार ये देखो ना यार असोबो ने कांड कर दिया, मैं क्या करूँ अभी गाइज. नेक्स्ट ड्रॉप दे रहा हूँ मैं, दो मिनट देना मुझे. वो ऑडियंस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है यार, स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स. एक तो डे फ्लाइट करनी थी आपको, मुझे नज़ारे दिखाने थे ऑस्ट्रेलिया के. कौन ऐसे अपडेट देता है बे, कौन ऐसा अपडेट देता है कि भाई बंदों का पूरा सेटिंग खराब हो जाए. क्या मंदबुद्धि लोग भरे हुए यार उसमें. ये वैटसिम के लिए गुलशन भाई, एआई ट्रैफिक के लिए आपको हमें यही करना होता है ना, ग्राउंड एयरक्राफ्ट डेंसिटी जीरो करना होता है ना. ओके ये भी कर दिया है. और एक चीज़ करनी है हमें, ये ऑन स्क्रीन जो असिस्टेंस आ रहा है ना मुझे वो नहीं चाहिए भैया. फेल्योर एंड डैमेज ये क्या है, जायरो ड्रिफ्ट क्या है. एडजस्ट वेदर यू वांट टू जायरो ड्रिफ्ट टू अकर ड्यूरिंग द फ्लाइट, इफ दिस एनेबल द जायरो विल रिक्वायर मिड फ्लाइट रिकैलिब्रेशन इन द नेविगेशन एड्स ऑफ 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 नोटिफिकेशन. पायलटिंग क्या है ये, POI ऑफ यूजर एक्सपीरियंस. इंस्ट्रूमेंट हेड्स अप डिस्प्ले चेस कैम फुल एनेबल डिसेबल HUD वाइल चेस कैमरा इन चेस कैमरा मोड ऑफ. ओके ठीक है बढ़िया. ओके गाइज वो एक एक करके हम लोग इश्यूज को फिक्स कर रहे हैं. वैटसिम पे जाएंगे अभी हम लोग और वैटसिम पे कनेक्ट करेंगे. हमारा एफिस रियलिस्टिक ऑन हो चुका है, फिनिक्स A320 की प्रोफाइल है हमारी. कूल गाइज एक एक करके हम लोग इश्यूज़ को फिक्स कर रहे हैं. सेटिंग में जाएंगे, होपफुली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. ऑडियो में जाएंगे, ये हमारा सही है. कनेक्ट करेंगे हम लोग और हमारा कॉल साइन जो है वो JST है ना, Jetstar 770. तो JST 770 और हमारा टाइप कॉल है A320 और हमारा सेल कैल जो है वो है EQFJ इज द सेल कैल. सो इसको EQ-FJ करेंगे हम लोग. कूल गाइस इसको कनेक्ट कर देंगे और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है. फैंटास्टिक कनेक्ट यहाँ पे हो चुका है. बस वैटसिम की ट्रैफिक मुझे दिख रही है क्या, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा. वैटसिम की ट्रैफिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट. ओ वहाँ पे मुझे एक एयरक्राफ्ट दिख रहा है मुझे. मैं कैमरे में जाऊँगा और शोकेस में जाऊँगा, इसको ये कर दूंगा और ऊपर चलेंगे हम लोग. वहाँ भी मुझे एक एयरक्राफ्ट दिख रहा है जिसने अभी भी लैंडिंग की हुई है. मेरा स्पीड क्यों नहीं बढ़ा, सॉरी मैंने जूम लेवल बढ़ा दिया. ओके नाइस, एक बार देखते हैं कि मॉडल मैचिंग सही है क्या हमारी. ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, अच्छी खासी ट्रैफिक दिख रही है हमें. एंड लेट मी चेक दिस आउट कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसने अभी भी लैंड किया हुआ है. क्वांटस की ये है क्या, विंटेज लिवरी है क्या उनके, विंटेज बोलते क्या बोलते हैं उसको यार, पुरानी वाली. देखो लेटेस्ट वाली नहीं दिख रही थी. ओके
एयरपोर्ट अच्छा दिख रहा है गाइज, एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे और एक एयरक्राफ्ट, ओके गाइज जेट स्टार यहाँ पे आ चुका है, जेट स्टार ने लैंडिंग कर दी है। तो एक कॉन्टस दिख गया, जेट स्टार दिख गया, जो कि रीजनल एयरलाइंस है। यहाँ पे भी और एक है, ये कौन है भैया? ये वही था क्या, कॉन्टस ही था क्या जो हमने देखा था? हाँ ये वही है, कॉन्टस ही है। ये भैया कौन है हमारे? वर्जिन ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, सो वर्जिन ऑस्ट्रेलिया सही से दिख रहा है। यहाँ पे भी जो है वर्जिन ऑस्ट्रेलिया है। ये रियल फ्लाइट्स है ना, मतलब वैटसिम वाली ना? वैसे मैंने तो सारी रैंडम ट्रैफिक को जो बंद कर दिया है, बट डजंट लुक लाइक वन। अच्छा यहाँ पे ओके, और ये हम लोग यहाँ पे है। ओके कूल गाइस, मुझे लग रहा है कि सब कुछ सही है। एयरक्राफ्ट हमें दिख रहे हैं। हेलो छपरी गेमर्स, कैसे हो? रेट्रो, रेट्रो वर्जन बोलते हैं उसको। यस करेक्ट, रेट्रो बोलते हैं उसको, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ थैंक गॉड, ये सब बढ़िया है, दिस इज़ ऑल गुड। अगर यहाँ पे देखूंगा तो अप्रोच भी है, टावर भी है यहाँ पे सिडनी पे, तो मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे इससे, लेट मी वन मोर चेक, वन मोर। ओके F3 से ये है, F4 से यहाँ पे है, F5 से ओवरहेड पैनल है, X6 से ये पैनल है। ओके नाइस, और ये मेरे कैमरा एंगल्स है। ओके कैमरा एंगल्स आर ऑल्सो वर्किंग फाइन, दिस इज़ ऑल गुड, दिस इज़ ऑल गुड। ओके कूल, सो यहाँ पे आएंगे हम लोग, सबसे पहले फिनिक्स पे जाएंगे। चैट पढ़ लेता हूँ गाइज मैं, पुट डाउन योर थ्रॉटल, या माय बैड गाइज, थ्रॉटल को मैंने डाउन कर लिया है। ओके सो एक बार प्री फ्लाइट चेक हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। प्री फ्लाइट चेक में हमने थ्रॉटल चेक कर लिया, हमारा थ्रॉटल सही से है, रिवर्सल्स आर वर्किंग फाइन, रिवर्सल सही से वर्क कर रहा है। हमारा जो इंजन सिलेक्टर नॉर्मल पे है, फ्लैप सेट टू ज़ीरो, हमारे स्पॉयलर्स डिसआर्म्ड है यहाँ पे, पार्किंग ब्रेक हमने सेट करके रखा हुआ है, और गियर डाउन ऑब्वियसली। ओके बिफोर फ्लाइट चेक्स आर चेक्ड, प्री फ्लाइट चेक्स हमने कर दिया। यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे सिमब्रीफ से। हेलो एजी स्टाइल, कौन से देश में हो? अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में फ्लाई कर रहे हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 44 मिनट से हमें डिपार्ट करने के लिए, और यहाँ पे हमारा फ्लाइट प्लान आ चुका है सिमब्रीफ से, हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे हमारा सिडनी का मीटर आप देख सकते हो, QNH जो है वो 1007 का QNH है, और ये हमारा रूट है सिडनी से एडलेड तक का। सो करेक्ट गाइस, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे ग्राउंड सर्विसेज में, और ग्राउंड सर्विसेज से पहले हम लोग मास एंड बैलेंस में जाएंगे। और जैसे मुझे चेंसवा ने बताया था, गुलशन ने बताया था, तो जो भी फ्लो है उस फ्लो के हिसाब से मैं करने की कोशिश करूंगा। हेलो एपिक हैक्स, कैसे हो? इट मींस 100 मेगाबिट्स पर सेकंड बट द कंप्यूटर टेक डेटा। ओके आरिफ खान, कैसे हो? स्टार्ट को स्टार्ट तो कर दिया हमने, राम राम कॉमेडी वीडियो, कैसे हो गाइस? जल्दी से लाइक बटन दबा देना, 108 की वॉचिंग हो चुकी है, कैन वी हैव 200 लाइक्स गाइस? टेक ऑफ के पहले हमें 300 लाइक पूरे करने, बहुत मजा आने वाले गाइस आज ऑस्ट्रेलिया से टेक ऑफ करने के लिए, चीज़ों को जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, सिमब्रीफ से हमने डेटा को इंपोर्ट कर लिया, तो ऑलरेडी हमारे पैसेंजर्स जो है वो 158 पैसेंजर्स हमारे जो है वो आज हमारे साथ फ्लाई करने वाले, मतलब आप सभी लोग हो जो फ्लाई करेंगे। हमारा प्लान फ्यूल जो है 9.2 टन्स का हमारा फ्यूल है, ऑलरेडी 3000 टन्स जो है टैंक में भरा हुआ है। यहाँ पे जीरो फ्यूल वेट आपको दिख रहा है, तो दिस इज़ ऑल गुड। सबसे पहले मैं जो है वो जेटवे कनेक्ट करने जाऊंगा, तो मैं जेटवे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। सो डोर्स को मैं ओपन कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड के, एंड आई विल टॉगल द जेटवेज। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि जेटवेज को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, जैसे जेटवे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके गाइज, ये जो कॉन्टेस्ट वाला बंदा था हमारे बाजू में ही आ रहा है, लुकिंग ब्यूटीफुल गाइज, वैटसिम की रियल ट्रैफिक हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ये बंदा जो है वो यहाँ पे आ चुका है। भाई टैक्सी लाइट बंद कर दे, फाइनल पार्किंग कर रहा है तू, यू आर सपोज टू स्विच ऑफ द टैक्सी लाइट्स गाइज, बस आपके नैव लाइट्स ऑन होने चाहिए, क्योंकि यार वो जो बंदा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मार्शल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, उसकी आग आग चली जाएगी यार उसकी। ओके कूल, चलते यहाँ पे। हमने लेफ्ट डोर ओपन कर दिया है, और FTs की स्टेज की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉरवर्ड कार्गो FT कार्गो भी हम लोग यहाँ पे ऑन कर देंगे, ओपन कर देंगे, और टक को कनेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल गुड, दिस इज़ ऑल गुड, PCA ओके परफेक्ट गाइस। मास एंड बैलेंस में जाएंगे, और हम लोग यहाँ से जो है वो रिसेंट लोड शीट कुछ की जरूरत नहीं, लोड एयरक्राफ्ट कर देंगे। एक बार मैं बस ज़ीरो फ्यूल वेट चेक करना चाहूँगा ऑपरेशनल फ्लाइट प्लान में जाके। सो
59.1 है यहाँ पे 44 point, वो बाद में ये हो जाएगा क्या? मतलब इसको मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है ना? द अबव फिगर्स आर लाइव, ओके लेट मी चेक, रियल टाइम में कर लेंगे हम लोग, 26 मिनट लगेंगे हमारे। और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैसेंजर बोर्डिंग जो हमारी अभी स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही समय में। और यहाँ पे गाइज सबसे पहले यहाँ पे रिफिलिंग स्टार्ट हो चुका है, और उसके साथ साथ जो है गाइज बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। 158 प्लान्ड है, एक ऑलरेडी बोर्ड हो चुका है, और यहाँ पे कार्गो भी जो है वो लोड होना चालू हो गया है। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कार्गो डोर भी ओपन हो चुका है हमारा, बस अभी ये रैंप और वो ये लगता नहीं है, तो ये उसके लिए कोई एड ऑन आएगा कि या फिर ऊपर से हम लोग ऑप्शन से कंट्रोल कर पाएंगे मुझे पता नहीं है। इस बंदे ने अभी भी टैक्सी लाइट्स को ऑन नहीं किया हुआ है। ओके सो दिस इज स्टार्टेड, ओके गाइज जीरो फिल वेट हमारा बढ़ेगा और बाद में जो है वो जीरो फिल वेट हमारा मैच हो जाएगा। साजिद मजुमदार कैसे हो, आज प्लेन चला रहे हो तो पायलट के गेटअप में हो, कल फार्मिंग किए थे तो चड्डी बनियान में थे जस्ट फॉर फन डोंट। अरे नहीं नहीं यार साजिद भाई, तो इसको इसी को तो कॉस्प्ले बोलते हैं मेरे दोस्त। भाई एक बार हैदराबाद एयरपोर्ट से भी फ्लाई करो, जरूर फ्लाई करेंगे हम लोग। भाई वंदे भारत का वीडियो जल्दी आएगा यार, जब लोग वंदे भारत को बनाएंगे उसका एक्ट बनाएंगे तो वंदे भारत कर लेंगे हम लोग भी। तुकाराम सनस कसा है, तुकाराम 45 बदमाश क्या हालचाल, गॉड ऑफ डेथ क्या हाल है ब्रदर, छपरी गेमर्स प्रवीण कुमार वेलकम गाइज वेलकम टू द स्ट्रीम, प्रेम गेमर आरिफ खान कैसे हो, मोहित डीजे पॉइंट भाई वंदे भारत भी लेके आएंगे हम लोग, हेलो निकस्टार कैसा है मेरा भाई आइकॉनिक वेलकम टू द स्ट्रीम। सो यहाँ पे आ चुका है पैनल स्टेट, सिम सेटिंग में जाके कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या, एयर फ्रेम में जाके हमें यहाँ पे एनालॉग करना था वो हमने एनालॉग कर लिया। ओके गाइज फैंटास्टिक सो फार सो गुड, अभी हम लोग जो है वो और जब भी रिफिलिंग स्टार्ट होती है, फ्यूलिंग स्टार्ट होती है या फिर पैसेंजर बोर्डिंग स्टार्ट होती है, हमें जो है वो फिर बाकी के जाके एक्सटर्नल हमें चेक्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे कोन्स यहाँ पे सेट है, उसके बाद चॉक्स हमने सेट किए क्या इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक बार जाके हम लोग ग्राउंड सर्विसेज में जाएंगे और चॉक्स हमारे लगे हुए हैं क्या, शायद लगे हुए रहेंगे चॉक्स, या चॉक्स और कोन्स दोनों हमारे सेट है तो ये भी बढ़िया है। यहाँ पे हमारा कार्गो डोर ओपन हो चुका है, पैसेंजर्स की ऑनबोर्डिंग चल रही है, पार्किंग ब्रेक भी हमारा लगा हुआ है। तो गाइज एक्सटर्नल वेरिफिकेशन या फिर एक्सटर्नल क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटरिंग हमारी हो चुकी है। ड्रॉप हो गया गाइज भैया के लिए, मैं नेक्स्ट ड्रॉप देने जा रहा हूँ, नेक्स्ट ड्रॉप के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे। और अगला ड्रॉप जो है हमारा शिवा का ड्रॉप हम लोग देंगे, शिवा का, ए शिवा, ओके बढ़िया। सो ये हो चुका है, तो गाइज हमारा एक्सटर्नल ये हो चुका है, एक्सटर्नल चेक्स हमारे हो चुके हैं, अभी हम लोग फ्लाइट के अंदर आएंगे और बाकी के चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करने, तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क चेक करेंगे, दिस इज ऑल गुड। पीछे जाएंगे हम लोग, इसी के साथ जाते थे ना पीछे, या सो पीछे जाएंगे और हम लोग लैंडिंग पिन वगैरह भी चेक करेंगे हमारी, और यहाँ पे जो लैंडिंग पिन होती है, लैंडिंग पिन एंड एवरीथिंग इज सेट, कॉकपिट डोर हमने बंद किया हुआ है क्या वो भी चेक करेंगे, या कॉकपिट डोर भी जो हमने यहाँ पे बंद किया हुआ है गाइज वहाँ पे। और आपको दिखाना चाहता हूँ मैं गाइज यहाँ पे जो है वो एक्चुअल इंटीरियर से गाइज, ये जो जेट स्टार के जो इंटीरियर है ना रियल लाइफ में, वैसे के वैसे इंटीरियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये भी सब कुछ बढ़िया है। हम लोग हमारे सीट पे जाके बैठेंगे अभी। ओके यार ये कॉकपिट कैमरा में जाएंगे कैसे हम लोग, ओके इसको हिलाना नहीं चाहिए था मुझे, ये फिर से मेरा कैमरा जो है वो ये कर देगा एनीवे। सो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, दिस इज़ द कैमरा, ओके आई होप कि ये कैमरा एंगल सही है हमारा। सो टू पे जाएंगे, वन पे आएंगे हम लोग, ये वन पे आ गए हैं। ओके नाइस, या फिर और थोड़ा सा पीछे चले जाओ, मैं और थोड़ा सा पीछे जाना है क्या कैमरा के लिए, और थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ओके दिस इज ओके, ओके फैंटास्टिक। तो ये सारे चेक्स भी हमने कर दिए, अभी हम लोग जाएंगे हमारे ओवरहेड पैनल पे, और ये है हमारा ओवरहेड पैनल, और ओवरहेड पैनल पे हमें जो है बैटरी परसेंटेज सबसे पहले चेक करने होते हैं। तो प्रेस एफ फॉर कॉकपिट, इज इट ओके, ओके प्रेस एफ फॉर कॉकपिट, तो इस एफ, अच्छा ये कैमरा परफेक्ट है ना, इज इट करेक्ट शिवा,
परफेक्ट है ना, ऑल गुड. ओके सो हम लोग जाएंगे ओवरहेड पैनल पे और हमें जो है वो देखना होता है कि 25.5 से ज़्यादा जो है हमारा बैटरी का ये होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए. अगर हम लोग यहाँ पे देखोगे तो दोनों बैटरी जो 26.8 और 27.5 है, सो विच इज़ कूल. अगर इसमें से कोई भी बैटरी 25.5 से कम होगी तो हमें पहले एक्सटर्नल पावर कनेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद जो है उसको एक रिचार्ज, एक रिसाइकल, हमें एक साइकिल देना पड़ता है, चार्ज साइकिल देना पड़ता है बैटरी के लिए. तो हम लोग यहाँ पे बैटरी वन ऑन कर देंगे. बैटरी वन हमने ऑन कर दिया है. अब नेक्स्ट चीज़ जो है कि हम लोग यहाँ पे बैटरी टू को ऑन कर देंगे. बैटरी टू भी जो है हमने यहाँ पे ऑन कर दिया. सो बोथ द बैटरीज आर ऑन. आप बैकग्राउंड पे सुन सकते हो, फैंस वगैरह चालू हो गए हैं. कैन यू लिसन टू दैट साउंड गाइस? चिकी भाई वैसे पायलट बियर्ड नहीं रखते तो आपने क्यों रखा हुआ है? ऑक्सीजन मास्क पहनना होता है. नहीं यार, अभी बियर्ड का ऑप्शन आ गया है बकवास गेमिंग. ज़्यादा बड़ी बियर्ड नहीं चाहिए होती, बट ट्रिम की हुई बियर्ड जो है वो अभी सेट कर सकते हैं. ओके सो बोथ द बैटरीज आर ऑन. अभी हम लोग जो एक्सटर्नल पावर को ऑन कर देंगे. एक्सटर्नल पावर को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है. ब्यूटीफुल गाइज. और हमारे जो एयरक्राफ्ट में अभी जान आ जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सारे सिस्टम जो यहाँ पे ऑन हो रहे हैं. बाहर जाके देखेंगे गाइज जो हमारी, आय हाय हाय क्या सनसेट हो रहा है गाइज वहाँ पे, प्यारा सा सनसेट गाइज. What a beautiful view this is. फोटो ले लेंगे इसका एक बार. Unfortunately हम लोग डे टाइम में जो टेक ऑफ करने वाले थे ऑस्ट्रेलिया से वो हमारा नहीं हो पाएगा, नाइट टाइम टेक ऑफ होगा. बट आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द नाइट जर्नी? क्या आप लोग नाइट जर्नी के लिए एक्साइटेड हो? आई एम सुपर एक्साइटेड गाइज. क्लोज टू 200 लाइक्स, जल्दी से लाइक बटन दबा दो गाइज. 100 वॉचिंग है हमारी. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं दबाया तो गाइज प्लीज लाइक बटन दबा देना. यहीं पे जाएंगे हम लोग, देखेंगे जो हमारी बोर्डिंग फिलहाल चल रही है. सो 42 पैसेंजर्स ने जो है बोर्ड कर लिया है. मैं बोर्डिंग म्यूजिक को यहाँ पे ऑन कर दूंगा, लगा दूंगा. तो बोर्डिंग म्यूजिक के लिए जाएंगे हम लोग हमारे लैनी लॉजिक में, सेल्फ लोडिंग कार्गो में, कैबिन साउंड पैक्स में, डिफॉल्ट में जाएंगे, कैबिन म्यूजिक में जाएंगे और ये हमारा कैबिन म्यूजिक यहाँ पे लग जाएगा. ओके कैबिन म्यूजिक हमारा ऑन हो चुका है. परफेक्ट गाइस. तो चलो गाइस ओवरहेड पैनल पे फिर से एक बार चलेंगे. यहाँ पे मैं डोम लाइट्स ऑन कर दूंगा थोड़े टाइम के लिए. डोम लाइट्स हमने ऑन कर दिए. इसको ब्राइट कर दूं क्या? ओ ये सॉरी, ये नहीं, ये तो टेस्टिंग है ये. लॉल या ये लाइट्स हमने ऑन कर दिया. तो गाइज वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. सबसे पहले हमें जो है वो क्रू सप्लाई को ऑन करना है. क्रू सप्लाई को ऑन करने के बाद हमें यहाँ पे जो है वो ग्राउंड कंट्रोल को ऑन करना है. ग्राउंड कंट्रोल को हमने ऑन कर दिया है. उसके बाद हमें जो है CVR टेस्ट करनी होती है. तो CVR टेस्ट के बटन को ऑन कर देंगे हम लोग. लास्ट में जो हमें बीप सुनाई दी है, सो दैट मीन्स CVR टेस्ट हमने सक्सेसफुली कर दिया है. एडलेड से पर्थ करो अभी यार, कोई बात नहीं स्वप्निल, अभी सिडनी से हमने शुरू कर दिया. ऑलरेडी आज लेट हो गया बिकॉज ऑफ दैट फकअप ओसोबो अपडेट, बट कोई बात नहीं. अगर फ्री है तो आ जा थोड़ी देर के लिए डिस्कॉर्ड पे. ऊपर जाएंगे हम लोग, ये हमारा हो चुका है. इसके बाद हमें जो है इसको कैप्टन पे करना होता है, इवैक को. इवैक सिस्टम को हमने यहाँ पे कैप्टन पे कर दिया है. उसके बाद ऊपर आएंगे हम लोग और ऊपर आने के बाद हमें नैव वन को ऑन करना है. नैव वन हमने ऑन कर दिया है. उसके बाद नैव टू ऑन करेंगे. ब्यूटीफुल. एंड देन वी विल स्विच ऑन द नैव थ्री. ये करने के पहले हमें APU की फायर टेस्ट करनी होती है, तो APU की फायर टेस्ट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे. APU फायर टेस्ट डन. उसके बाद हम लोग सेंटर पैनल पे आएंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप. यहाँ पे हमें जो है वो नैव लाइट्स को ऑन करना है. स्ट्रोब लाइट्स को हमने यहाँ पे ऑटो पे डाल दिया है. हमारी रीफिलिंग चले तो सीट बेल्ट साइंस विल रिमेन ऑफ फॉर द टाइम बींग. नो स्मोकिंग साइंस को हम लोग ऑन करेंगे और इमरजेंसी एग्जिट को हम लोग यहाँ पे आर्म कर देंगे. उसके बाद ऊपर जाएंगे. ये सब बढ़िया है हमारा. दिस इज़ ऑल गुड. डिक 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 डिक. अभी हम लोग पहले हम लोग जो है वो फ्यूल पंप्स को जल्दी ऑन कर देते थे, बट अभी हम लोग फ्यूल पंप्स को बाद में ऑन करेंगे. उसके बाद हम लोग इंजन वन की फायर टेस्ट करेंगे. इंजन वन फायर टेस्ट डन. उसके बाद हम लोग इंजन टू की फायर टेस्ट करेंगे. इंजन टू फायर टेस्ट भी हमने यहाँ पे कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे. वाइपर से यहाँ पे कुछ हमें करना नहीं है. ये पैनल हमारा सब सही है और यहाँ पे बस हमें ये चेक करना होता है कि ये जो बटन है हमारा, ये जो है वो ऑन रहे, जो हमें चेंसो ने बताया था. सो दिस इज़ ऑन. वहाँ पे वाइट लाइट दिख रही है. तो ओवरहेड पैनल हो चुका है गाइज. रिफिलिंग चल रही है हमारी. पैसेंजर बोर्डिंग यहाँ पे चल रही है. फिलहाल मैं यहाँ पे टॉवर पे कनेक्ट कर दूंगा और हमें जो है IFR क्लियरेंस लेना है सबसे पहले. और IFR क्लियरेंस लेने के बाद जो है हम लोग आगे का मगडू कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे. सो अगर मुझे टॉवर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखनी है तो हमारी टॉवर है यहाँ पे 120.500. सो यहाँ पे जाएंगे. मेरा जूम का स्लो हो रहा है क्या? एक मिनट गाइज. फ्री लुक स्पीड, जूम लेवल, आई डोंट नो.
ओके कोई बात नहीं. सो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है टावर की वो है 120.500. सो 120, अरे यार 500. ओके इसको ट्यून कर लेंगे हम लोग. हमने ट्यून कर लिया और अप्रोच चला गया है गाइस, सिडनी अप्रोच चला गया है. ओके सो आईएफआर क्लियरेंस ले लेते हम लोग. बाय द वे हु मेड दिस लिवरी, बिकॉज जेटस्टार डजंट हैव सीएफएम बर्ड्स. बोले तो पता नहीं यार, मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली क्या बोलते हैं यार flightsim.to से सीएफएम बर्ड्स. बोले तो वो क्या होता है, गलत है क्या लिवरी है ये, लिवरी गलत है क्या हमारी, हो सकता है. ओके एनीवे सो लेट मी टेक द क्लियरेंस एक बार. मैं स्टार बिर की मुझे आइडिया नहीं यार इस एयरपोर्ट पे क्या है. कैडोम 1 करके एक यहाँ पे सीट दिया हुआ है, पता नहीं ये मुझे अभी क्या देगा. ओके अरे यार ये बाइंड्स भी हमें फिर से करने पड़ेंगे गाइस. अभी भी हमारा ये हुआ नहीं यार, अभी भी लॉन्ग वे टू गो है वाला सीन है. अभी ये मेरा बाइंड हटाना पड़ेगा, ये कैमरा चेंज कर रहा है मेरा, कंट्रोल्स में जाना पड़ेगा यार. ऐसे अपडेट मत किया करो यार, उसको माइंड फक हो जाता है पूरा. Velocity 957 on Lima, cross runway 34 left. Taxi Alpha, holding point Alpha 6, runway 34 left. Can we please have a Lima departure? Velocity 7, report. Okay, toggle smart camera, previous pilot positioning. इसको मुझे clear कर देना है, clear current input, okay. Validate. Okay. Please enter. ठीक है यार यहाँ पे कर ले. ओके ओके ये हो गया है कूल. मेरा ये वर्क कर रहा है क्या, बस यहाँ पे देख लेते हैं. वैट सिम या दिस इज वर्किंग फाइन. सिडनी टावर गुड इवनिंग, जेट स्टार 770 फ्लाइट मॉडल एयरबस A320ceo एट गेट D3 रिक्वेस्टिंग IFR क्लियरेंस टू एडलेड एज फाइल्ड. जेट स्टार 770 सिडनी टावर क्लियर टू एडलेड बाय कैडोम फ्लाइट प्लान रूट रनवे 34 लेफ्ट कैडोम 1 डिपार्चर क्लाइम वाया द सिड 5000 स्क्वॉक 4304 departure frequency 129.8. Departure via runway 34 left via Kadom 1. Departure initial climb 5000 feet. Squawk 4304. Departure frequency 129.8. Jetstar 770. Jetstar 770. Jetstar 770. ओके गाइस तो हमने IFR क्लियरेंस ले लिया है यहाँ पे. हेलो रूडी सिन्हा, थैंक यू फॉर द सर, वेलकम टू द फैमिली. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना यार, एस कॉम्प्लिकेटेड तो यार एयरक्राफ्ट सिस्टम है, कॉम्प्लिकेटेड तो होगी बट बहुत फन है यार. अगर आप एक बार सीखना चालू कर दोगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका. आप बोलोगे कि मुझे एविएशन ही करना है ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना है, इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाएगा आपको, इससे प्यार हो जाएगा आपको बेसिकली. क्या हो जाएगा गाइस, प्यार हो जाएगा. बुआ ऑडियंस क्या होगा, बुआ ऑडियंस भी हमारी अभी एविएशन फ़ैन हो चुकी है पता है. लोग आके बोलते कि चिकी भाई वो फ्लाइट वाला करो ना, वो फ्लाई करो ना, वो देखने में मज़ा आता है. माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर है. कहाँ के रहने वाले, मैं महाराष्ट्र पुणे से रहने वाला हूँ. अरमान राजा हेलो सिंह भाई, MSTS के लिए भी कंट्रोल खरीदना है, वो भी खरीदेंगे हम लोग. ओके तो ये हो चुका है. तो चलो गाइस हम लोग हमारा अभी मगडू कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देंगे. सबसे पहले हम लोग जाएंगे
एफएमजीसी में, यहाँ पे हमने हमारा इंजन चेक किया, इंजन इज सही है, हमारा एयर साइकिल अपडेटेड है, दिस इज ऑल गुड। उसके बाद हम जाएंगे एडसू पे, उसके बाद हम जाएंगे एओसी मेनू पे, और उसके बाद हम लोग फ्लाइट इनिट पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इनिट डेटा रिक्वेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा फ्लाइट प्लान है सिमब्रीफ का वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। सो फ्लाइट प्लान सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभी। सो गाइस यहाँ पे देखो फ्लाइट नंबर आ चुका है हमारा JST 770, डिपार्चर हमारा सिडनी है, अराइवल हमारा एडलेड है, अल्टरनेटिव है यांकी माइक अल्फा विक्टर, एस्टिमेटेड टाइम एंड रूट जो है वो 1 hour 56 minutes है। ऑल गुड गाइस, ऑल गुड, ये हमने इंपोर्ट कर लिया है। एओसी मेनू में जाएंगे अभी हम लोग यहाँ पे, उसके बाद फिर से इनिट पे जाएंगे, इनिट पे जाने के बाद हम लोग इनिट रिक्वेस्ट कर देंगे, इनिट रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे हमारा डेटा आ जाएगा सारा। Guys, 200 likes के लिए बस 10 likes चाहिए, कौन है वो 10 बंदे जो हमारे 200 likes पूरे करेंगे? Please hit the like button, guys. Please, please hit that like button. Flight number है हमारा Juliet, Sierra, Tango, 770. ये हमने डाल दिया है। Cost index for today's flight is हमें भी हमारा यहाँ पे open करना है, क्या बोलते हैं फ्लाइट प्लान, तो हमें डॉक्यूमेंट्स में जाना होता है यहाँ पे, पायलट ब्रीफिंग में जाएंगे हम लोग। थैंक यू फॉर द सब ब्रदर, वेलकम टू द फैमिली, पायलट ब्रीफिंग में आ गए हैं। हेलो GW फाइज, पता ना ये गेम एंड्रॉइड, ये एंड्रॉइड के लिए नहीं है ब्रदर, दिस गेम इज नॉट फॉर एंड्रॉइड माई डियर फ्रेंड। एविएशन मास्टर आ जाओ यार फ्लाई करने के लिए, जो जो है कन्फर्म एक्सपोर्ट, यस इसको प्रोसीड कर लिया। ओके तो गाइस हम लोग यहां पे आ चुके, तो कॉस्ट इंडेक्स फॉर टुडेस फ्लाइट इज 5। अच्छा जेट स्टार जो है वो लो, मतलब लो बजट वाला ये है क्या, मतलब बजट कैरियर है क्या, तो इसका कॉस्ट इंडेक्स जो यहां पे 5 है, कूल। सो कॉस्ट इंडेक्स हम लोग यहां पे 5 डाल देंगे, इसको हमने डाल दिया है। उसके बाद हमारा फ्लाइट लेवल जो है, फाइनल फ्लाइट लेवल जो है हमारी वो है हाउ मच, फ्लाइट लेवल इज 360, सो इसको हम लोग 360 करेंगे, स्लैश टेम्परेचर जो होगा हमारा वो है क्रूज टेम्परेचर -51, सो इट विल बी 51 डाल देंगे तो भी वो ले लेगा, माइनस ही लेगा वो, ओ नहीं लेगा, चेंसो ने मुझे बोला था कि ये माइनस अपने आप ले लेता है, बट उसने नहीं लिया, ये बग है क्या या दिस इज हाउ इट वर्क्स? ओके ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम लोग IRS init नहीं करते, मतलब अच्छा ये IRS init हो चुका है, अलाइन ऑन ड्रिफ्ट नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली कर देता है। ओके गाइस ग्राउंड टेम्परेचर हमें चेक करना है, ग्राउंड टेम्परेचर का पहले हम लोग जो है ये चेक करेंगे हमारा, ये ट्रोपो कहाँ पे मिलेगा मुझे? अच्छा ट्रोपो यहाँ पे 35063 है, ट्रोपो 35063, ये ट्रोपो हमने यहाँ पे डाल दिया है, ब्यूटीफुल गाइस 3507, परफेक्ट। और अभी हमें ग्राउंड टेम्परेचर चेक करना है, ग्राउंड टेम्परेचर एट सिडनी इज माई फ्लाइट और मेटार जो है यहाँ पे डिपार्चर के YSSY के 16 degree टेम्परेचर है अभी सिडनी पे, सो 16 degree टेम्परेचर हमने यहाँ पे कर दिया। ओके परफेक्ट, इसलिए तुम जो मशीन आगे लेकर खेल रहे हो वो जरूरी है क्या? हाँ यार मतलब एटलीस्ट स्टिक तो चाहिए। हेलो मिजोन अधिकारी, कैसे हो मिजोन, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, वेलकम टू द फैमिली, अप्रिशिएट मैन, वेलकम ऑन बोर्ड, वेलकम वेलकम ऑन बोर्ड गाइस, अच्छा लग रहा है गाइस हमारी एविएशन फैमिली यहाँ पे एंजॉय करते हुए बैठी हुई है। ओके गाइस तुम्हारा इनिट पेज हो चुका है, इनिट के बाद हमें जाना होता है फ्लाइट प्लान पेज में, सो यहाँ पे फ्लाइट प्लान पेज में आ जाए, YSSY पे गए हैं, डिपार्चर पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा रनवे जो है वो 34 left है, एक्टिव रनवे इज 34 left, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है, और कैडम 1 जो है हमारा सीड है, कैडम 1 को हमने सिलेक्ट कर दिया है, ब्यूटीफुल। एंड या दैट्स इट आई थिंक, ट्रांजिशन अभी ऑप्शन है क्या ट्रांजिशन का? यहाँ पे नहीं ना, ट्रांजिशन डन है। ओके सो इसको इंसर्ट कर देंगे हम लोग, हमने इसको इंसर्ट कर दिया है, ब्यूटीफुल, कोई डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी जो कि YPAD के पहले है, बट अभी उसको टाइम है तो इसको हम लोग अभी से डाल के नहीं रखेंगे, मिनटम में इसको अभी प्लान मोड पे डालूंगा और इसका डिपार्चर हम लोग अभी चेक करेंगे, यहाँ से हमने डिपार्ट किया हुआ है, कूल गाइस, इसके आगे का हम लोग जो है वो बाद में ये कर देंगे। तो हमारा फ्लाइट प्लान जो है वो हमने, ओके फैंटास्टिक, ये भी हो चुका है। फ्लाइट प्लान के बाद वो क्या होता है यार, वो फ्रेज क्या होती है जिसके इनिशियल से हम लोग जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीज़ें करते हैं,
डी डी डिफ डिफ डिफरेफ डिफरेफ ना डिफरेफ ऐसा कुछ होता है ना. सो डिफ मतलब डेटा हो गया, इनिट हो गया, डिफ फ्लाइट प्लान हो गया, आर फिर रैंडनेव देखना होता है हमें. सो यहाँ पे हमें वी ओ आर डालना है हमारे इसका वाई एस एस वाई का. तो उसके लिए हम लोग जाएंगे हमारे नेविग्राफ पे. ब्रो एनीवन इज फ्लाइंग विथ यू? आई डोंट थिंक सो, चेक करना पड़ेगा. ट्रोपो मैंने लॉन्ग रॉन्ग डाला हुआ है स्टेटस बॉय, क्या बात कर रहे हो? रूट इंपोर्ट कंफर्म कर लेंगे हम लोग और हमारे रूट को यहाँ पे इंपोर्ट किया जाएगा. येस गाइस हमारा रूट इंपोर्ट हो चुका है. एक मिनट गाइस मैं ट्रोपो चेक कर लेता हूँ. और ये बोल रहे हो कि मैंने रॉन्ग डाला हुआ है, लेट मी चेक द ट्रोपो. भाई ट्रोपो है 35063 है और मैंने डाला हुआ है 35063. माय बैड गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस. अच्छा वो वही लेता है वो, मतलब आई थिंक राउंड फिगर करता है वो क्लोज का. तो उसने 35060 लिया हुआ है, सो दैट इज करेक्ट. अरे हो गया, ट्रोपो सही है, ट्रोपो सही है गाइस. अच्छा एविएशन मास्टर फ्लाई करा, कहाँ पे तू एविएशन मास्टर? मेरे आसपास ही है क्या तू? वेर आर यू फ्लाइंग? मेरे आसपास में तो कोई आया नहीं है, मेरे आसपास में तो कोई दिख नहीं रहा. एनीवे ओके नेविग्राफ पे आ गए हम लोग और इसके बाद हम लोग जाएंगे. हमें जाना है हमारे अप्रोच पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी आईएलएस उठा लेंगे हम लोग. और हमें यहाँ पे वीओआर चेक करना है सिडनी का. सो सिडनी का वीओआर जो है ये तो आईएलएस फ्रीक्वेंसी है 110.9. अब इसके पर वीओआर नहीं है क्या सिडनी पे? क्या बात कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पे कोई वीओआर नहीं दिख रहा यार. ओके इंटरेस्टिंग. द ओनली थिंग विच आई कैन सी हियर इज ये 80s वैल्यू, ये है ये पता है एलओसी है फाइनल अप्रोच कोर्स है. ओके 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 आई डोंट नो ये क्या है, नॉर्थ और साउथ 124.41 वी आर अप्रोच राइट. ओके ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक. ओके नेक्स्ट ब्लॉक में हो क्या आप? ओके ब्रो टेक ऑफ करायला किती टाइम आहे अजून? स्पॅम नको करू फ्रागर गेम, थोडा सा वेळ आहे अजून, जास्त वेळ नाही आहे. होईल आपला टेक ऑफ पण होईल, नो प्रॉब्लेम. ग्राउंड चार्ट्स में जाएंगे हम लोग यहाँ पे और हमारा एयरपोर्ट चार्ट्स देखेंगे. एयरपोर्ट इन्फो ओके, इसको मैं फेवरेट करके रखता हूँ. एंड हियर वी आर गाइस, हम लोग यहाँ पे है. हेलो द प्रवीण चतुर, कैसे हो? ओके नाइस. सो फिलहाल अभी यहाँ पे हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वी आर वगैरह हम लोग कुछ डालेंगे नहीं. सो दिस इज़ फाइन. उसके बाद प्रोग्रेस में जाएंगे, प्रोग्रेस में टू हमें वाई एस एस वाई ही डालना है अगर इनकेस हमें रिटर्न आना पड़े तो. सो इसको वाई एस एस वाई डालेंगे, ये हमने यहाँ पे डाल दिया है. कूल ये भी हमारा हो चुका है. ये डालने के बाद शायद रैंडम पे कुछ आता है क्या? नहीं. हेलो आरिफ खान कैसे हो? हेलो चिकी भाई, बोर्ड का पेपर है 7 तारीख के बाद मिलते हैं. चलो बाबा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ब्रदर. हेलो गाइस 200 लाइक्स कर दो, बस 2 लाइक चाहिए. कौन है वो दो बंदे जो हमारे 200 लाइक्स पूरे करेंगे? सिंडी इज जी एन एस एस इक्विप्ड, वो क्या होता है गुलशन भाई थोड़ा सा बता देना. मतलब वी ओ आर की जरूरत नहीं होती क्या जी एन एस एस इक्विप्ड है तो? ओके जी एन एस एस रिक्विट इक्विप है तो ओके. वो हो गया, हमारा प्रोग्रेस भी हो चुका है. अभी इनिट बी पे शायद हमें जाना है राइट. मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि हमारा रीफिलिंग सारा हो गया है या फिर नहीं. बोर्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फैंटास्टिक. मास एंड बैलेंस में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे कि ओके 150 बोर्ड हो चुके हैं. कार्गो हमारा हो चुका है और रीफिलिंग भी हमारी हो चुकी है, फैंटास्टिक गाइस. ये हमारा हो चुका है, दिस इज ऑल गुड. और जीरो फिल वेट को हम लोग एक बार टैली कर लेंगे और जीरो फिल वेट है हमारा 59.1, यहाँ पे 59.1 हो चुका है, फैंटास्टिक गाइस. मुझे बस गुलशन भाई ये बताना कि ये जो जीरो फिल वेट सीजी जो होता है वो मैक जीरो फिल वेट वाला होता है या फिर मैक सीजीडब्ल्यू वाला होता है जो मुझे इनिट बी पे डालना है? मुझे ये 29.2 डालना है ना इनिट बी पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके सो इनिट पे आ चुके हैं, अभी हम लोग इनिट बी पे जाएंगे. विल गो टू इनिट बी पेज और
यहाँ पे हमें जीरो फिल वेट डालना है, यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा एक्चुअल में जीरो फिल वेट। सो इट्स 59.2 है, सो इसको डालेंगे हम लोग 59.2 स्लैश, ये जो सीजी जो है ये मुझे 29.2 डालना है ना गुलशन भाई, या फिर 31.5, 29.2 ही होगा यार। ओके ये हमने डाल दिया है, कूल। ब्लॉक फ्यूल जो है वो है हमारा 9.3 टन्स ऑफ ब्लॉक फ्यूल, 9.3, नाइस एंड ईजी। हेलो बेउल, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर द सब ब्रदर, वेलकम टू द फैमिली। ये हमने डाल दिया है, दिस इज परफेक्ट। ये बाकी ऑटो कैलकुलेट वो कर लेता है, बट हमें यहाँ पे आई रिमेम्बर कि चेंसो ने चेंजेस किए हुए थे यहाँ पे। ट्रिप विंड, ये क्या हेड विंड 0-0, बिल्कुल कोई विंड वगैरह नहीं है क्या यहाँ पे? मेउल स्पैम मत करो, लेट्स गो स्पैम मत करो मेरे भाई। ये क्या है अल्टरनेट, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं क्या हमें? डू वी नीड टू चेंज एनीथिंग ओवर हियर? टैक्सी के लिए हम लोग 0.2 टन्स ऑफ फ्यूल यूज करेंगे। यार मुझे यहाँ पे याद है यार, कुछ तो यहाँ पे चेंजेस किए थे हमने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ग्राउंड वेट जो है 48.4 टन्स ऑफ, सॉरी 68.4 टन्स ऑफ ग्राउंड वेट है। सो या टेक ऑफ वेट वही है 68.3, विच इज़ करेक्ट। अरे भाई चालू करना, चालू ही है यार, यही तो एविएशन होता है उमेश सेठी। अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए, हम लोग फ्लाइट को प्रिपेयर करें। कब तक टेक ऑफ होगा ब्रो बता दो, नेट खत्म है भाई, टेक ऑफ से टेक ऑफ ही देखना है बस, और 10-15 मिनट लगेंगे हमें। ओके साइंस सरकार, 118.4 है क्या? बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। थैंक यू सो मच फैसी फिलो, बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस नेक्स्ट ड्रॉप दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई एम गिविंग यू गाइज द नेक्स्ट ड्रॉप हियर। और नेक्स्ट ड्रॉप जो होगा हमारा वो होगा हमारा इनक्यूबेटर वाउचर का, क्योंकि आप बहुत लोग जो है उसकी रिक्वेस्ट करते हो कि चिकी भाई इनक्यूबेटर वाउचर दो, इनक्यूबेटर वाउचर दो। सो ये ले लो भैया। अरे यार आज ना वो अपडेट का इशू नहीं होता ना तो हम लोग अभी तक टेक ऑफ कर चुके होते, बट नेवर माइंड। सो इनिट 1 हो चुका है, इनिट बी भी हो चुका है यहाँ पे। अब परफॉर्मेंस पेज पे जाएंगे, परफॉर्मेंस पेज के पहले मुझे यहाँ पे देखना है कि कंपनी मैसेज आया हुआ है क्या। अच्छा कंपनी मैसेज आया हुआ है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो लोड शीट को, ऐसे कुछ होता है यहाँ पे। सो एट्सू में जाएंगे, उसके बाद एओसी मेनू में जाएंगे हम लोग, रिसीव मैसेज में जाएंगे, लोड शीट हमारी आ चुकी है। ओके और इसको हमें एक्सेप्ट करना होता है लोड शीट को। सो जीरो फ्लूइड आप देख सकते हो 59.1 है, 61,000 का मैक्सिमम है, टेक ऑफ एट 68.2 है हमारा, कूल। इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ब्यूटीफुल, ये एक्सेप्ट हो चुका है हमारा, ये हमें करना होता है गाइज, ये हमने कर लिया। यार धीरे धीरे चीज़ें को मैं याद कर रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करनी होती है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर डूइंग। सो डेटा हमारा हो चुका है, IRS में अगर जाएंगे तो हमारे IRS जो है वो सेट हो चुका है। विंड को हमने रिक्वेस्ट नहीं किया था, सो विंड को रिक्वेस्ट कर देंगे, विंड रिक्वेस्ट करना हमारा रह गया था। हाउ टू डाउनलोड MSFS, आपको परचेस करना पड़ेगा आन, विंड रिक्वेस्ट हमने कर लिया है। यहाँ पे विंड डेटा भी हमारा आ चुका है, ब्यूटीफुल, हमें जल्दी जल्दी करना होगा गाइस, अदरवाइज लेट हो जाएगा हमें। सेकेंडरी फ्लाइट प्लान, यार मुझे ना कॉपी एक्टिव करना होता ना इसमें सेकेंडरी फ्लाइट, यार मुझे नहीं पता, ये मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, बेटर है कि कोई चेंज वगैरह जब होंगे तब तो हम लोग कर लेंगे। ओके गाइस तो फाइनल चीज़ हमारी परफॉर्मेंस पे आना है, हमें अभी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है। तो चलो गाइस परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, और परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें जाना होता है यहाँ पे, दिस इज द परफॉर्मेंस कैलकुलेटर, टेक ऑफ कैलकुलेटर हम लोग कह सकते हैं। सॉरी रियल में टाइम हुआ है 5 PM और टेम्परेचर हुआ है 14 डिग्री सेल्सियस। नहीं ये जो टेम्परेचर है रियल मेटर से लिया जा रहा है मयूक, तो ये भी जो भी हमारे पास आया हुआ है, तो वहाँ पे इस टाइम पे जो है वो अंधेरा हो जाता है, तो जो एक्चुअल वेदर है ना मयूक, वो एक्चुअल वेदर आपको इसमें मिलेगा गेम में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी है वो रियल है सब कुछ। ट्रिप विंड विल बी इन द फ्लाइट प्लान, ओके ट्रिप विंड फ्लाइट प्लान में रहेगी क्या? ठीक है नो प्रॉब्लम। ओके सो हमारा रनवे जो है हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे 3-4 लेफ्ट, सो 3-4 लेफ्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। रनवे सरफेस हमारा ड्रा है, फ्लैप कॉन्फिग हमारा ऑप्टिमल रहेगा, फोर्स्ड होगा नो, एंटी आइसिंग हमारी ऑफ रहेगी, पैक्स ऑन टेक ऑफ करेंगे हम लोग, और सिंक लोड शीट फाइनल को हम लोग कर देंगे सिंक। तो ये डेटा भी हमारा आ चुका है, वेदर कंडीशन को भी हम लोग यहाँ पे सिंक कर लेंगे। सिंक लाइव वेदर हो नहीं रहा है क्या? ओके सिंक लाइव वेदर भी हो चुका है। विंड 350 डिग्री 13 नॉट्स है, टेम्परेचर 16 है हमारा, QNH 1007 है, ये भी सिंक हो चुका है, एंड बस ऑल गुड गाइज, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड लेट्स कैलकुलेट गाइज। 34 लेफ्ट और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, और यहाँ पे हमारा जो परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो जाएगा
परफॉर्मेंस हमारा कैलकुलेट हो चुका है गाइस, V1 153, 153, 156, तो इसको डाल देंगे हम लोग 153 जो हमारा रोटेट स्पीड है एंड 156 जो है हमारा V2 स्पीड है, ये हमने डाल दिया है। ट्रांजिशन अल्टीट्यूड जो है हमारा वो मुझे चेक करना पड़ेगा, ट्रांजिशन अल्टीट्यूड लेट मी गो हियर एंड अप्रोच में जाएंगे हम लोग 3-4 लेफ्ट पे जाते हैं, और ट्रांजिशन अल्टीट्यूड हमारा होता है यहाँ पे 10,000 ही है, सो दिस इज करेक्ट गाइस। स्टार्ट में जाएंगे, एयरपोर्ट इन्फो पे जाएंगे और चलते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे। सो 10,000 यहाँ पे डाला हुआ है, थ्रस्ट रिडक्शन और एक्सेलरेशन 1020 है हमारा, सो 1020/1020 ब्यूटीफुल, ये हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें फ्लैप्स 2 टेक ऑफ करना है हमें, वाई फ्लैप्स 2, आर वी क्वाइट हेवी, फ्लैप्स 2 एंड डाउन 0.1 जो हमारा ट्रिम सेटिंग होगी, सो फ्लैप्स 2/down 0.2 ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। एंड फ्लेक्स टू टेम्प हम लोग देखेंगे, फ्लेक्स टू टेम्प 60 डिग्री है, सो 60 डिग्री यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एंड यहाँ पे 1020 यहाँ पे हमने सेट किया था। परफेक्ट गाइस, तो हमारा जो है वो परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो चुका है, वी आर ऑल सेट गाइस। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे अगेन हमारे फ्लाइट प्लान पेज पे एंड वी आर गुड टू गो गाइस, हम लोग आगे की चीज़ें भी कर सकते हैं। सो ये हमारा हो चुका है, हम लोग 1007 जो हमारा QNH है उसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, 1007 QNH को हमने सेट कर दिया है। इसको हम लोग जो है वो कैलिब्रेट कर लेंगे, इसको हमने कैलिब्रेट कर लिया है। परफेक्ट, ओवरहेड पैनल पे जाएंगे, यहाँ पे QNH 1007 सेट करेंगे हम लोग, ओ माय बैड, कंस्ट्रेंट्स को हम लोग यहाँ पे ऑन कर देंगे, दोनों को VOR 1 पे डाल देंगे हम लोग, VOR 1 पे हमने यहाँ पे डाल दिया है। ट्रांजिशन अल्टीट्यूड जो है हमारा 5000 है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ARPT सिलेक्ट कर लेंगे, इसको 1007 हमें सेट करना है, इसको भी हमने 1007 सेट कर दिया है। फ्लाइट डायरेक्टर्स हमारे यहाँ पे ऑन है, नीचे आएंगे हम लोग, एंटी स्किड हमारा ऑन है, ब्यूटीफुल। उसके बाद मुझे इसको रीसेट करना है, ये मैंने रीसेट कर दिया है, परफेक्ट। ऑल द नॉब्स एट द 12 पोजीशन विच इज़ गुड, 120.500 यहाँ पे हमने सेट की हुई है। मल्टी स्कैन को हम लोग यहाँ पे ऑटो पे रख देंगे, GCS को ऑटो पे रख देंगे, सिस्टम रडार 2-1 एंड प्रिडिक्टर 1-2, ओ वेट ये हो क्यों नहीं रहा मेरा कनेक्ट, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, प्रिडिक्टर विंडशील्ड इंटरेस्टिंग, इसको हम लोग जो अभी लॉक कर देंगे, इसको हमने लॉक कर दिया है। ओके गाइस, तो हमारा जो है वो बॉटम पैनल जो है पूरा हो चुका है, व्हाट वी कैन डू इज नाउ वी कैन गो टू ओवरहेड पैनल और हम लोग जो है वो हमारे APU को स्टार्ट कर सकते हैं। सो APU मास्टर स्विच को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है, Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, और यहाँ पे हम लोग जो अभी APU को स्टार्ट कर देंगे एंड वी हैव स्टार्टेड आवर APU। बिफोर स्टार्टिंग द APU हमें फ्यूल पम्प्स को भी ऑन करना है, जो मैं भूल गया था फ्यूल पम्प्स ऑन करना, फ्यूल पम्प्स मैंने ऑन कर दिया है, कूल। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग APU पेज पे, यहाँ पे भी APU स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, फ्लैप्स ओपन हो चुके हैं और यहाँ पे APU अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा, परफेक्ट गाइस, बाहर जाके देख लेंगे हम लोग। और यहाँ पे आप सुन सकते हो गाइस, यू कैन हियर द APU साउंड। यार मुझे ना कैमरा में जूम में थोड़ा सा लेट हो रहा है यार, कॉकपिट में अगर मैं जाऊँगा ना, जूम लेवल, फ्री लुक स्पीड, फ्री लुक मूवमेंट, अपर पोजिशन, वियर्ड है, पता नहीं। लिसन टू द ब्यूटिफुल APU गाइज, और पैसेंजर बोर्डिंग पूरी हो चुकी है तो, और अपना भाई कहाँ पे यार, दूसरे टर्मिनल गए, सीधा प्यारा लग रहा है देखो सिडनी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुछ ही समय में हमें जो है वो
डाउन 0.1 था क्या हर्ष? मैंने भाई मैं गलत चीजें क्यों पढ़ रहा हूँ? रुक जाओ एक मिनट, मुझे चेक करने दो। ओ डाउन 0.1 है, होली मोली चनिया चोली गाइस, माय बैड यार। अपनी ऑडियंस ओपी है, बट अपने व्यूअर्स ओपी है। इट वॉज 2/down 0.1। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सो ये हो चुका है मेरा, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ तो मेरा APU अवेलेबल हो चुका है गाइस। APU इज अवेलेबल, मैं APU ब्लीड को ऑन कर लूँगा अभी। विल स्विच ऑन द APU ब्लीड। APU ब्लीड को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है, फैंटास्टिक। मैं अभी APU ब्लीड ऑन होने के बाद हमें जो है यहाँ पे जाना है हमारे ग्राउंड कंट्रोल पे, ग्राउंड सर्विसेज पे, और यहाँ पे हमें जो है वो चॉक्स और कोन्स को हटा देना है। चॉक्स और कोन्स को हमने हटा दिए है, और GPU को हमें अभी जो है वो डिस्कनेक्ट करना है। सो ग्राउंड पावर को हम लोग यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो है यहाँ से एक्सटर्नल यूनिट को भी हम लोग हटा देंगे। परफेक्ट गाइस, तो सारे दरवाजे हमारे क्लोज हो चुके हैं, GPU हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है, चॉक्स और कोन्स हमने जो है यहाँ पे हटा दिया है। सो वी आर रेडी फॉर पुश एंड स्टार्ट गाइस, वी आर रेडी फॉर पुश एंड स्टार्ट। पुश एंड स्टार्ट करने के पहले हम लोग यहाँ पे बीकन लाइट्स को ऑन कर देंगे। बीकन लाइट्स हमारे ऑन हो चुके हैं, एंड परफेक्ट। 3-4 लेफ्ट कौन से साइड पे आता है एक बार मुझे चेक करना है। 3-4 लेफ्ट जो है वो कौन से साइड आता है भैया? सो हम लोग यहाँ पे है, एंड हमें जाना है 3-4 लेफ्ट। ओ माई गॉड गाइस, टैक्सी देख रहे हो भाई, बहुत लंबी होने वाली है टैक्सी, बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो चलो गाइस, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ हमारे टक को, कनेक्ट कर रहा हूँ मैं टक को, हमने कनेक्ट कर दिया है। मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ यार, कोई तो चीज़ जो है मैं भूल रहा हूँ। ओ स्कॉक मैंने सेट ही नहीं किया है, 4304 यही तो चीज़ थी इम्पोर्टेंट भैया, 4304। ओ नहीं नहीं नहीं, ओके 4304 स्कॉक मैंने सेट कर दिया है। कम ऑन गाइस, वेरी क्लोज टू 300 लाइक्स। टेक ऑफ के पहले हमें 300 लाइक पूरे करना है, किसी भी हालत में हमें टेक ऑफ के पहले जो है 300 लाइक पूरे करना है। ओके गाइस, हमारा टक कनेक्ट हो चुका है, मैं कॉल देता हूँ। जेटस्टार 770 रेडी फॉर पुश एंड स्टार्ट। टॉवर चला गया है क्या? ओ टावर चला गया है, माय बैड। उसने बोला नहीं क्या जाने के पहले कि उस पर चले जाओ करके, या फिर मैंने मिस कर दिया कॉल को? एनीवे 122.800 गाइस, 80 से नहीं अभी यहाँ पे। सो हम लोग जो यूनिकॉम पे चले जाएंगे, विल स्विच ऑन टू यूनिकॉम फ्रीक्वेंसी। सिडनी ग्राउंड, सिडनी ट्रैफिक, जेट स्टार 770 रेडी फॉर पुश एंड स्टार्ट। ओके पार्किंग ब्रेक को हम लोग जो है अभी रिमूव कर देंगे, पार्किंग ब्रेक को हमने रिमूव कर दिया है, और वी विल स्टार्ट गाइस। और हमने स्टार्ट कर दिया हमारा, अभी हमें इंजिन को जो है ऑन करना है सीक्वेंस में। सो इंजिन को हमने 1 पे डाल दिया है, इंजिन को हमने स्टार्ट मोड पर डाल दिया, इंजिन 2 को हमने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लेफ्ट इंजन अभी स्टार्ट होगा सबसे पहले, यहाँ पे हमारा लेफ्ट इंजन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होगा। एंड लिसन टू द ब्यूटीफुल साउंड गाइस, लिसन टू दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साउंड। ऑटो ब्रेक वगैरह सब इंजन स्टार्ट होने के बाद होते हैं, स्पॉयलर्स वगैरह एवरीथिंग इज वंस यू इंजन स्टार्ट, उसके पहले नहीं होते। इवन ट्रिम वगैरह भी सेट होता है वो बाद में ही होता है। Jetstar 770, this is Qantas, Jetstar 340, there's no ATC mate, you'll have to go to 122.0, 122.8, yeah, no departure.
ब्यूटीफुल पुशबैक गाइस भाई एकदम भाई क्या परफेक्ट किया हमने, क्या ही परफेक्ट किया है। लॉल जॉड और वॉट गाइस, जॉड और वॉट, इसको स्टॉप कर दिया मैंने, स्टॉप कर दे भैया, स्टॉप कर दे, इतना अच्छा है, स्टॉप कर दे। पार्किंग ब्रेक मैंने सेट कर दिया है, टक को डिस्कनेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। नॉट बैड गाइज, नॉट बैड। ओवरहेड पैनल पे जाएंगे गाइज और हम लोग यहाँ पे जो सीट बेल्ट साइंस को ऑन कर देंगे, सीट बेल्ट साइंस हमने ऑन कर दिया है और टैक्सी लाइट को भी हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है। ब्यूटीफुल, सो दिस इज डन, दिस इज डन। अभी हमें क्या करना है गाइज, अभी हमें जो टैक्सी लाइट्स भी हमारे ऑन हो चुके हैं, इंजन टू को स्टार्ट करना है, इंजन वन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने इंजन वन स्टार्ट कर दिया है, आपको मैं अंदर से आवाज़ सुनाता हूँ। लिसन टू द साउंड गाइज, ये ऑलरेडी चल रहा है ना मेरा, ये अभी स्टार्ट हुआ इंजन। साउंड सुनो गाइज, साउंड सुनो, से जेट 770 गोइंग गाइज, इंजन स्टार्ट हो रहा है गाइज, लिसन टू द ब्यूटीफुल साउंड। वाओ, ओके नाइस। इंजन मोड को हम लोग नॉर्मल कर देंगे यहाँ पे, इंजन मोड को हमने नॉर्मल कर दिया है। ओके तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे फ्लैप्स को टू सेट करेंगे, फ्लैप्स सेट टू टू, स्पॉयलर्स को हम लोग यहाँ पे आर्म कर देंगे, ऑटो ब्रेक टू मैक्स करेंगे, ऑटो ब्रेक सेट टू मैक्स, और ट्रिम को हमें करना है डाउन 0.1। लेट मी स्टिक टू राइट, स्टिक टू लेफ्ट, पुल चेक, पुश चेक, रडर टू राइट चेक, रडर टू लेफ्ट चेक, और डाउन 0.1 मैंने ट्रिम सेट कर दिया है, बढ़िया। एंड कूल गाइस, ये प्रेडिक्टर विंडशील्ड वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है मेरा, वियर्ड। ओके नो वरीज गाइस, यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे भी मुझे इसको ऑन करना है मुझे, एंड इसको TRA को हमें ये करना है, बाद में करना है। ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फ्लड लाइट्स वगैरह है हमारे, आई थिंक वी आर रेडी फॉर टैक्सी गाइस, आर यू गाइस रेडी फॉर द टैक्सी, आई एम रेडी। और पायलट ब्रीफिंग में जाएंगे और बस मुझे यहाँ पे पायलट ब्रीफिंग में नहीं यार, वेदर ब्रीफ, ये हमारा वेदर ब्रीफ है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, चेकलिस्ट है हमारी। सो आफ्टर सॉरी बिफोर आफ्टर स्टार्ट चेकलिस्ट में ग्राउंड इक्विपमेंट हमने रिमूव कर दिया, एंटी आईस हमारा ऑफ है, फ्लैप सेट टू टू चेक, APU इज ऑफ, हमें APU को ऑफ करना है, ये फायदा होता है चेकलिस्ट का। सो APU ब्लीड को हम लोग ऑफ करेंगे एंड APU को हम लोग यहाँ पे ऑफ कर देंगे, APU को हमने ऑफ कर दिया है। येलो इलेक्ट्रिक पंप स्विच्ड ऑन, ट्रिम सेट टू 0.1 डाउन, कैबिन डोर्स आर्म्ड, इकम स्टेटस चेक्ड, आफ्टर स्टार्ट चेकलिस्ट कंप्लीट, परफेक्ट। और माय फ्लाइट में जाएंगे हम लोग एंड आई थिंक वी आर ऑन टाइम राइट, 1007 है, ब्यूटीफुल। एक चीज़ हमें फिर से एक बार चेक करनी है, हमें एट्सू में जाएंगे, AOC में जाएंगे हम लोग, रिसीव मैसेज में जाएंगे और ये लोड शीट आती है फिर से एक बार, इसको मुझे एक्सेप्ट करना होता है। पैक्स 158 जीरो फ्यूल वेट टेक ऑफ वेट, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है। सब कुछ बढ़िया गाइस, सब कुछ बढ़िया हो चुका है हमारा, फ्लाइट प्लान भी हमने सेट कर दिया। ओके गाइस, सो वी आर रेडी फॉर टैक्सी, सिडनी ट्रैफिक जेटस्ट्रा 770 रेडी फॉर टैक्सी। ओके तो हमें अभी टैक्सी का रूट देखना है भैया, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे हम लोग और हमें यहाँ से डिपार्ट करना है बेसिकली। सो यहाँ से निकलेंगे सीधा और चार्ली वन पे आएंगे और चार्ली वन से ब्रावो करते 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 हम लोग जो है वो हमारा 3-4 लेफ्ट है ना,
या 3-4 लेफ्ट है हमारा। सो ब्रावो करते करते हम लोग वेट किलो पे आएंगे, किलो से नहीं, हमें ब्रावो 10 पे आना है, फिर ब्रावो 10 से हमें नहीं ब्रावो 10 पे नहीं लीमा पे आना है, लीमा से हमें जो है वो रनवे को क्रॉस करना है, रनवे को क्रॉस करके हमें अल्फा 6 पे आना है, और अल्फा 6 से हमें जो है वो टेक ऑफ करना है भाई 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 भाई। सो वहाँ से आते हुए पहला ही हमें जो है वो लेफ्ट लेना है। ठीक है, सॉर्टेड है, चलो फिर पार्किंग ब्रेक को हम लोग यहाँ पे रिलीज़ करेंगे। पार्किंग ब्रेक को हमने रिलीज़ कर दिया है, स्पॉयलर्स को हमने आर्म कर दिया है क्या, या वी आर स्विच वी आर आर्म द स्पॉयलर्स एंड लेट्स गो। थ्रॉटल देते हम लोग, झुकेगा नहीं साला। लोग गेम सुन के बोलते कि ये लोग तो गेम खेल के आसानी से पैसे कमाते हैं, पर उनको पता नहीं कि गेम खेल कितने हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड वर्ड वाला गेम है। आई नो यार, झुकेगा नहीं साला, थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए मेरे दोस्त। अच्छा लगता है कि लोग आके दो अच्छी चीज़ें बोलते हैं चैट में, दिल से अच्छा लगता है। गाइस 300 लाइक्स का आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है, गाइस 300 लाइक का आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है, वो हमें 300 लाइक्स पूरे करना है। मैं ड्रॉप दे रहा हूँ गाइस, नेक्स्ट ड्रॉप दे रहा हूँ हमारे भूया ऑडियंस के लिए। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट ड्रॉप। पैसेंजर्स यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ड्रॉप शेड्यूल कर दिया गाइस मैंने नेक्स्ट वाला। ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। ओवर बाहर जाएंगे हम लोग और एक्सटर्नल कैमरा में दिखाऊंगा मैं आपको कितना प्यारा लग रहा है। What? ये ATC क्यों क्यों बोल रहा है भाई, ये डिफॉल्ट ATC क्यों बोल रहा है। एक बेटा, वेर आर वी राइट नाउ, ओके, और आगे से मुझे यार मैं गोल्फ पे भी जो है वो ये कर सकता हूँ, गोल्फ पे भी जो है मैं राइट ले सकता हूँ। अरे यार ये कहाँ से चालू हो गई भैया, इसको बंद करो भाई पहले। अरे भाई इसको ATC को बंद कैसे करेंगे, ट्यून टू 122.80 किया तो है, 122.80 क्या हो रहा है गाइस, मैंने किया नहीं है क्या, अरे 122.80 किया था ना मैंने ट्यून, अरे मैंने ट्यून किया था ना 122.80। ये ऑटो ये कैसे हो गया, ये चेंज कैसे हो गई, अरे बट मैंने 80 पे ट्यून नहीं किया था, मेरे से हो गया था क्या, अरे यार ये क्या हो गया, रुक जाओ। ओके मैंने ये कर दिया है, वियर्ड, आई डोंट नो, ठीक है, ओके फैंटास्टिक। चलो गाइस आगे चलेंगे भैया, चलो ये कौन है बीच में, शाहरुख खान आया हुआ है, रास्ता रोक रहा है मेरा। ओके वहाँ पे कॉन्टस ने भी अपना नहीं, ये शो वाला एयरक्राफ्ट है। ओके यहाँ पे और एक जेट स्टार है गाइस, अपना भाई कहाँ पे जो हमारे साथ फ्लाई कर रहा है, वेरी इजी यार, कितना प्यारा लग रहा है देखो गाइस, एयरपोर्ट कितना ओपी लग रहा है। अब यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है राइट, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, या यू हैव टू टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर। ओए मेरा रडार क्यों नहीं काम कर रहा है, ओए मेरा रडार क्यों नहीं काम कर रहा है, ग्लिच हो गया था रडार मेरा। नाइस nice. अभी हमें गोल्फ पे जाना है, गोल्फ पे हम लोग राइट ले लेंगे, वी विल टेक अ राइट एट गोल्फ। ब्यूटीफुल सिडनी गाइस, ब्यूटीफुल सिडनी,
प्यारा नजारा गाइस। गाइस कोई तो लैंड कर रहा है सिडनी पे, आप वहां पे देख सकते हो गाइस, समवन इज लैंडिंग। वो लैंड कर रहा है या फिर एटीसी टावर है? एटीसी टावर तो वहां पे नहीं होगा यार, या वहां पे एटीसी टावर है सिडनी का? ये एटीसी टावर कहां पे बे? वहां पे सिडनी सिटी डाउनटाउन आप देख सकते हो, देयर इज अ सिडनी डाउनटाउन ओवर देयर। नहीं यार कोई तो टेक ऑफ ही कर, लैंडिंग लैंड ही कर रहा है। हमारे आगे और एक एयरक्राफ्ट टैक्सी कर रहा है। ब्रावो 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 पे जाएंगे हम लोग, और गोल्फ पे जो है वो नॉन कोलिजन मोड है भैया, वो क्या एआई चलाता है ना तो उतना वो परफेक्ट नहीं होता है। कम ऑन गाइस, वेरी क्लोज टू 300 लाइक्स, वेरी वेरी क्लोज। यहाँ से राइट लूंगा और गोल्फ होते हुए हम लोग जो है वो 3-4 थोड़ा सा थ्रॉटल देंगे हम लोग। बस इतनी छोटी है क्या? प्लेन के नीचे से गई भाई। हाँ हाँ भाई उतनी छोटी है बस। यार ग्राफिक्स देखो गाइज, सीनरी देखो, ब्यूटीफुल सिडनी एयरपोर्ट गाइज, फैंटास्टिक सिडनी एयरपोर्ट दिस इज। ओके दैट गाइज लैंडिंग गाइज, वो लैंड कर रहा है। यस नहीं यार वो एटीसी टावर है या फिर लैंड कर रहा है बंदा, कोई तो बताओ यार, कोई तो बताओ हमें, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ओके गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, कूल। सो यहीं से हम लोग जो है वो राइट ले सकते हैं ना, या आगे से लेना है हमें? आगे से भी ले सकते हैं हम लोग शायद, या यहाँ से ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस रडार कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है, हमारा रडार जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। ट्रैफिक जस्ट स्टार्ट 340 पुशिंग डोमेस्टिक गेट 8 फॉर रनवे 34 लेफ्ट सिटी। लेट मी होल्ड शॉट एंड लेट मी चेक वेदर दैट प्लेन इज लैंडिंग और नॉट। या एयरक्राफ्ट ही वो गाइज, एयरक्राफ्ट ही है वो, लैंड कर रहा है वो, बट उसने कॉल नहीं दिया हमारा, यूनिकॉम पे कॉल नहीं दिया। सो विल वेट फॉर हिम टू यू नो वेकेट द रनवे। हम यहाँ, ओ यहाँ से नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से रास्ता नहीं है। लॉल मुझे लगा कि हमें यहाँ से हम लोग क्रॉस करना, हमें नीचे से ही करना था, हमें जो नीचे से ही करना था। माई मिस्टेक, दैट वॉज माई मिस्टेक। तो हमें रनवे बैक ट्रैक करना पड़ेगा यहाँ से, जो कि शायद अलाउड नहीं है। आगे ना मुझे वो ग्रीन लाइट दिखा नहीं, दैट्स द रीज़न आई गॉट कन्फ्यूज। कि एक काम करते हैं, उसको वैकेट करने देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो मैं लाइट्स को ऑन कर देता हूँ क्योंकि हमें बैक ट्रैक करना है, तो स्ट्रोब लाइट्स को हम लोग ऑन कर देंगे। ओके ओके उसने विकेट कर लिया है। सिडनी ट्रैफिक जेट्स 770 बैक ट्रैकिंग फ्रॉम रनवे 3-4 लेफ्ट। हम लोग बैक ट्रैक करके तुरंत अंदर आ जाएंगे। भैया एग्जिट टू नियरेस्ट एग्जिट वही करूँगा मैं, वही करेंगे हम लोग, नियरेस्ट एग्जिट से एग्जिट कर लेंगे। या एक्चुअली बैक ट्रैक करने मतलब करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहीं से एग्जिट कर सकते हैं। सो वी डोंट हैव टू गेट ऑन टू द रनवे एक्चुअली। या सो दिस इज कूल।
This is cool. अभी यार मुझे ठीक से देखना है, मैं फिर से पीछे आ रहा हूँ और यहाँ से राइट जाएंगे हम लोग, और आगे से हमें जो है वो ये करना है, क्या बोलते हैं कि क्रॉस करना है। ठीक है भाई, क्लियर फॉर डिपार्चर कॉन्टैक्ट और 118.2, ऐसा है क्या जयेश? दिन का टाइम होता तो मज़ा आ जाता, बट रात का अपना अलग मज़ा है गाइस, रात का अपना अलग फीलिंग है। ओके हम लोग गोल्फ पे आ चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से जो है वो वैकेट कर सकते हैं, मतलब ये कर सकते हैं, रनवे क्रॉस कर सकते हैं। कम ऑन गाइस, लाइक बटन दबा दो यार, 300 लाइक्स चाहिए हमें टेक ऑफ के पहले, 2 लाइक्स चाहिए हमें 250 करने के लिए। कौन है वो दो बंदे जो हमारे 250 लाइक्स पूरे करेंगे? अपना बंदा कहाँ पे जो अपने साथ फ्लाई कर रहा है? वो दिख नहीं रहा है मुझे। ओके ओवर पैनल पे आऊँगा मैं, या फिर रनवे लाइट्स ऑन करेंगे हम लोग। नाइस, स्ट्रोब लाइट भी मुझे ऑन करना है, स्ट्रोब लाइट भी मुझे ऑन करना है, स्ट्रोब लाइट भी मैंने ऑन कर दिया बिकॉज वी आर क्रॉसिंग द रनवे, दैट्स द रीज़न। ओके सीधा जाना है मुझे, और सीधा जाके लेफ्ट लेना है, फिर ए पे लेंगे हम लोग और नीचे आएंगे और सीधा जाएंगे हम लोग। परफेक्ट गाइस, राइट चेक किया कोई नहीं है, लेफ्ट चेक कर लिया कोई नहीं है, नोबडी इज़ कमिंग। अरे देर इज़ ATC टावर, वो ATC टावर लग रहा है मुझे। फिर से ओवरहेड पैनल पे जाएंगे, रनवे लाइट्स ऑफ कर देंगे हम लोग। गाइस ड्रॉप जीत लिया अपने बंदों ने, मैं नेक्स्ट ड्रॉप दे रहा हूँ, 2 मिनट देना मुझे बस। सो विल बी टेकिंग ऑफ सून गाइज, वी विल बी टेकिंग ऑफ सून। मजा आ रहा है? आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द सिडनी टेक ऑफ? यहाँ पे भी सीधा जाना है हमें। Sydney traffic, Jetstar 340 departing at gate 8, taxiing taxiway Charlie, crossing runway 25, and over to Alpha for departure runway 34 left, Sydney. Okay, सीधा जाना है हमें, एंड तक जाना है गाइस, एंड तक जाना है हमें। परफेक्ट, प्यारा सा सिडनी एयरपोर्ट हमारा, बस देखते हैं कि टेक ऑफ जब करेंगे हम लोग तो क्या हम लोग डाउनटाउन के ऊपर से होते हुए जाएंगे, या फिर सिडनी सिटी के ऊपर से होते हुए जाएंगे, या फिर किसी और डायरेक्शन से जाएंगे, वो हमें देखना होगा। 300 लाइक्स गाइस, 25 लाइक्स चाहिए हमें 300 लाइक पूरे करने के लिए, क्या हम लोग 25 लाइक्स पूरे कर सकते हैं? एज अ पैसेंजर आप देख सकते हो मजे गाइस। वाव बिमल भाव, थैंक यू सो मच फॉर द 20 रुपीज सुपर चैट, आज के दिन का पहला सुपर चैट बिमल भाई की तरफ से, थैंक यू बिमल भाई, थैंक यू सो मच। बिमल टीयू डोनेटेड 20 रुपीज थ्रू सुपर चैट।
ओह गाइस टावर आ गया है क्या यहाँ पे? प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन 129.8. ओके, हमें 129.8 पे कॉन्टैक्ट करना है. 129.8. Melbourne Center, good evening. Velocity 425, passing flight level 229 for 240. Station calling, say again. Melbourne Center, good evening. Velocity 425, passing through flight level 265 for 240. Velocity 425, Center, good day. Are you climbing flight level 390? Climbing flight level 390, velocity 425. Velocity 425, you re-clear direct Nat, Nadia. Re-clear direct Nadia, velocity 425. Melbourne Centre, g'day, Jetstar 340 with you, just departing gate 8. Hey, Epsuike, thank you for the sir, welcome to the family. Adelaide has fog. Jetstar 340. Hello, Mohit, kaisa, welcome to the stream. Hello, Sunil Da Bruilo. Guys, ATC aa chuka hai. Correct, tower has just come online. Just switching to 120.5, Jetstar 340, cheers. Hum log backtrack kar rahe hain. 3 descend to 3000, clear ILS from my 34 right approach. Beautiful FPS, guys. Bahut badi FPS aa rahe hain hamare. Descend 3000, clear ILS, runway 34 right, Jetstar 553. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग. स्टॉप द एयरक्राफ्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट सेंटर कंट्रोल विल मोस्ट लाइकली गिव यू द IFR क्लीयरेंस. IFR क्लीयरेंस ऑलरेडी टुक. आई ऑलरेडी गॉट द IFR क्लीयरेंस. मोहित भाई, आई हैव ऑलरेडी गॉट द IFR क्लीयरेंस. आई विल जस्ट होल्ड शॉर्ट एंड देन आई विल कांटेक्ट देम. ओके बाय बाय लियोन अल्बर्ट, नो प्रॉब्लम बडी. Kiran Reddy, thank you for the 20. Bimal Tao, thank you for the 20. I think we are here. We can take off from Alpha 5 or Alpha 6 tak jaye hum log. End tak jaate guys. Risk nahi lenge hum log. We will go till Alpha 6. Melbourne Center, good evening. Velocity 318, radio check. Velocity 318, center, readability, pop. Thank you, Kiran Bhai. Guys, hashtag Kiran Bhai in the chat for the 20 rupees super chat. Kiran Reddy donated 20 rupees for super chat. Thank you, Kiran Bhai. Thank you, Kiran Bhai. Aaj plane ud jayega. Kyun nahi udega, Shubham? Real mein bhi yehi sab karna padta hai na. Jaise real life mein hota hai, waise humne kya itna hi time lagta hai real life mein bhi. Just ask them to report identified for a follow-up. Passing 1000, just 704. Just 704, thanks. Contact flight level 360. On 360, just 704. Just 770, good evening. Holding short of Alpha. Good evening, Velocity 318, requesting IFR clearance to Adelaide's fault. Why are you talking about this? I was talking about this. Velocity 318, Center, g'day. There's no reported IFR traffic, Hobart. Squawk 4011. And were you for a. Confirm a SID or were you going to track direct to Clark? When the duty, I believe it was Clark 2 departure. Velocity 318, Roger, you cleared enter control airspace on the Clark 2 departure. Climb initially flight level 200. Velocity 318 is cleared to Adelaide's Fylde. Cleared to Clark 2 departure. Climb the shore 200. Squawk 4011 at Velocity 318. 120.500. I'm in center, Qantas 738 with you here. We're at flight level 240 and we're currently just crossing waypoint Murray. 120.500. यार इसमें ना गेम ने बहुत कांड कर दिया यार सेटिंग का. सॉरी, वाज दैट 360? नेगेटिव, आई एम प्रोबेबल 370.
Jetstar 770 radio check. Cleared for takeoff, airborne contact 129.8. Okay. Cleared for takeoff. Jetstar 770. मेरा स्टिक का ये बटन काम नहीं कर रहा है गाइस सही से. I don't know. इसको बाद में कर लेते हैं. Okay guys, so before takeoff checklist, auto brake set to max, signs are on, cabin is ready, spoilers are on, flaps to take off, checklist completed. मेरा push to talk button work नहीं कर रहा है guys. TARA set कर देंगे हम लोग, overhead panel पे जाएंगे and we'll switch on the strobe lights, beacon lights off है, runway lights हम लोग यहाँ पे on कर देंगे. My push to talk button is not working somehow. Okay, cool. And Sydney Tower, Jetstar 340 crossing runway 25. Chalo guys, ready for takeoff. Switch over to the Sydney Tower and just let him know you are voice capable. Are mera push to talk nahi work kar raha hai. My push to talk is not working. Jetstar 766, you are clear to Adelaide via KDOM. Okay flight guys, aircraft are right, guys. Departure runway 34 left. Someone climb is by the seat 5000. Block 4077. Departures with center. भाई वो लैंड करने के लिए आ रहा है, उसके पहले हमें टेक ऑफ करना है गाइस. हम लोग जो है वो clear to Adelaide via KDOM flaps. Corona on कर दूंगा मैं. Corona on कर दिया मैंने. Throttle to 10 50%. Scott code 4. गाइस रोलिंग टेक ऑफ करना है एंड फ्लेक्स. हियर वी गो. ब्यूटीफुल टेक ऑफ गाइस, मतलब ब्यूटीफुल स्टार्ट, क्योंकि पीछे से एयरक्राफ्ट जो है वो लैंडिंग के लिए आ रहा था. V1 एंड रोटेट. पॉजिटिव क्लाइम. Gear up. Just up 340 on Lima cross runway. Flaps 1. City Tower, Jetstar 553, received information November. Final ILS runway 34 right. Flaps 1. Jetstar 553, still the center. Lever to climb. Apologies for that, Jetstar 553. मैं autopilot पे डाल रहा हूँ guys, क्योंकि मुझे माइक इशू को सॉल्व करना है मेरे. मुझे कहाँ पे कांटेक्ट करना था? 129.8. Are you clear to enter controlled airspace on the Clark discretion? You're cleared to Adelaide via Clark planned route. Clark 2 departure in controlled airspace. And climb initially flight level 200. Clear via flight plan route to Adelaide via the Clark 2 departure. Climb flight level 200. And to 430. Velocity 318 center. Velocity 318. Velocity 318, IFR traffic. No buzz, ANSET 430, and A320 taxiing. Also for the Clark 2 departure though, to Adelaide. Hey fam, we'll keep the truck on your site, Velocity 318. Melbourne Centre, Melbourne Control, good afternoon, PUA 67 with you, airborne, maintain 5,000 feet. And navy to 7 departure. Yes, sir, 770 center, g'day, identify, climb flight level 280. Climb to flight level 280, PUA 67. Yes, sir, 767 center, g'day, climb initially flight level 330. Climb
respond to flight level 330, Jetstar 727. Guys, हमें थोड़ा सा पुश टू टॉक सर्विस का प्रॉब्लम आ रहा है। Bossy 211 Center, g'day. Climb by 6, flight level 390. Climb by 6, flight level 390, Velocity 211. Star 770, identify climb flight level 280. Control PUA 002, airborne passing 3000. Station calling, say again the call. PUA 002. PUA 227 Center, g'day. Climb to flight level 260. PUA 002. अरे ये क्या हो रहा है, माउस का क्या प्रॉब्लम है यार ये? Fuck यार, ये कुछ भी नहीं हो करने दे रहा यार. Jetstar 704, can you check your armor? ये पुश ही नहीं करने दे रहा मुझे. ये क्लियर, ये भाई पुश करा दे यार. मैं वैक्सीन से डिस्कनेक्ट कर दूं क्या गाइस मैं? Yeah, 227 Center, climb flight level 260. ये माउस का ये कर्सर का ही प्रॉब्लम हो रहा है. 260 PUA 227. अरे यार. Control PUA 702 5000. मैं वाइट सिम से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ गाइस. हेलो 123. ये देखो वो कर्सर आता है ना क्लिक करने का, पुश और पुल का, वो कर्सर ही नहीं आ रहा है. आई एम नॉट एबल टू गेट दैट कर्सर. क्या प्रॉब्लम है भैया ये? हेलो क्रिश्चियन, वेलकम टू द स्ट्रीम क्रिश्चियन. आई एम रियली सॉरी ब्रदर, आई एम लिटिल बिट बिजी विद दिस प्रॉब्लम. क्या हो गया गाइस, इज देयर एनी इशू? मुझे किसी का चैट नहीं दिख रहा है. या दिस इज बग, आई वुडंट बी एबल टू फ्लाइट. व्हाट हैपेंड गाइस, कोई इशू क्रिएट कर रहा है क्या चैट में? मुझे उसका चैट नहीं दिख रहा है. कौन क्रिश्चियन है? कैन यू पुल द अदर वंस लाइक हेडिंग और स्पीड? नो आई कांट, आई कांट, आई कांट पुल एनीथिंग. कुछ पुल नहीं कर पा रहा हूँ मैं. कैसे फ्लाई करेंगे भैया, कैसे फ्लाई करेंगे? क्या ग्लीचे यार ये. भाई मैंने बहुत मेहनत की थी यार आज की स्ट्रीम के लिए. हेलो रेडन ब्रो, यू टू, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्रदर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल. But why I'm not able to see that Christian Michel's chat? Oh, why not get a real job as a pilot instead of flying with toys? Arre baap re. Oh my god, like. Some toxic shits are here. Dada off kar plane aani parat chalu kar. Chala bike ekade apli. Lol MSFS. Aur mera abhi push to talk bhi detect nahi kar raha hai, pata hai wo? मेरा पुश टू टॉक ही डिटेक्ट नहीं कर रहा है वो. दिस इज फॉर श्योर MSFS सिम. यार बहुत मेहनत जाती है यार ये सब करने के पीछे.
चेकी डिस्कनेक्ट द माउस एंड कनेक्टेड अगेन. नहीं नहीं माउस का प्रॉब्लम नहीं है, ये इन गेम का इसका प्रॉब्लम है. अरे वो मुझे पहले समझ आना चाहिए था, क्योंकि इवन ना देखो इसके ऊपर जो है ना वो अप और डाउन का जो है वो आता था. ओह वेट आई कैन डू दिस. नहीं फ्लाई नहीं कर पाएंगे गाइज अनफॉर्चुनेटली. यू डिडंट फाइल द फुल फ्लाइट प्लान एफ एम सी. आई डिड कनिष्क आई डिड. व्हाट हैपेंड? यू आर गिविंग योर बेस्ट. Sad life guys, sad life. I have to disconnect. Let me check again. Guys, don't worry, हम लोग एक छोटी सी फ्लाइट कर लेंगे, कहीं और पे कर लेते हैं. No worries. बड़े issue क्यों आ रहा है यार? Why the hell? Download has started in the background. कौन सा download start किया तूने background में? सब तो downloaded है भैया. क्या download कर रहे हो ये? Update available zero है यहाँ पे. यार सही है यार बेटा. एक मिनट गाइस, कहीं और पे जाते हैं, यहाँ पे अंधेरा हो गया गाइस. सूरज हमारा आगे बढ़ रहा है. कहीं और पे स्पॉन करके देखते हैं कि क्या सीन है. लेट मी गो टू मैंने पराग गुलशन में पराग एयरपोर्ट का. कैन यू क्लिक एंड होल्ड देन ड्रैग? नो 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 आई कांट डू एनीथिंग. आई थिंक हर जगह पे जो प्रॉब्लम आ रहा है. प्राग एयरपोर्ट का ये क्या है गाइस? कोड क्या है? आई थिंक मैंने प्राग एयरपोर्ट डाला हुआ है क्या? I have no idea. Like, डाला है कि नहीं. Sad life, guys. Barrages. एक मिनट चेक करते. अच्छे खासे फ्लाइट के लगा लिया यार. P3D करते तो शायद ये सब इशू नहीं होते यार. कितना मजा आता. और आज अपने बंदे नहीं थे 747 के लिए अनफॉर्चुनेटली. एलईएमडी. सॉरी गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड था एक्चुअली आज की फ्लाइट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया. बट करेंगे, अभी कुछ अलग कर लेते हम लोग. MSFS बिग MSFS. सीरियसली यार, मतलब दिस इज LEMD बाई LVFR हमने परचेस किया हुआ है. और इसमें LEMD होगा. LEMD इसको मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा. हमें एक ही यूज़ करना है. इसको डिलीट कर दिया हमने. एक्सप्लेन इज मच बेटर देन MSFS. MSFS क्या है कि इट्स नॉट स्टेबल, दैट इज द प्रॉब्लम. अभी ऐसे इशू हमें बहुत कम आए हुए हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, बट जब आते तो माइंडफक होता है. जब वो आते हैं इश्यूज तब साला माइंडफक होता है, और कुछ नहीं. आई जस्ट नीड टू चेक रे कि अब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. नॉट इंस्टॉल बता रही है. ये मेरा इंस्टॉल है, ठीक है. और अगर मैं LEMD में जाऊँ, ठीक है भाई. DCS का स्ट्रीम करो ना, करेंगे. DCS का भी करेंगे एक दिन, डोंट वरी. सो यहाँ से अगर मैं डिपार्चर करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास स्पेन में कौन सा एयरलाइन चलता है? ये आइबेरिया स्पेन का ही है ना गाइस? दिस आइबेरिया, थोड़ा बता देना यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. ओके एक बार स्पॉन करके देखते हैं कि इट्स वर्किंग फाइन और नॉट. फ्लाई इन फिनलैंड, टॉप गन चैलेंज करो ना. रुको गाइस, रुको ज़रा, सब्र करो. वोलंटा में जाएंगे, इसको एंड कर लेंगे हम लोग. एंड फाइल करने में आई एम एंडिंग द फ्लाइट कंप्लीट नाउ. कैंसिल कर देंगे इसको हम लोग. फ्लाइट सून टेलीपोर्टेटेड, कंप्लीट कर देंगे हम लोग. ये फिनिक्स ऐप बंद हुआ था? हाउ? अरे ऐप तो क्लोज नहीं होता, उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था. आइबेरिया ही ना स्पेन का, आई थिंक. मेरा फिनिक्स ऐप नहीं वर्क करता शायद. जब फिनिक्स ऐप वर्क नहीं करता है तो ये प्रॉब्लम तो नहीं होता है? ऐसा तो कुछ कनेक्शन नहीं है इसका. रुको चेक करते हैं, अभी जाके देखते हैं गेम के अंदर हम लोग. अभी हम लोग जाके देखते हैं गेम के अंदर. यहाँ पे हम लोग आ गए. ब्यूटीफुल
एयरपोर्ट दिस इज गाइस. और या लेट मी चेक. नो 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 वाई नहीं रहा, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा गाइस. इसको पुश और पुल ही नहीं कर सकते, इसको बस अप डाउन कर सकते हैं. प्रोसेसिंग वर्किंग ऑन डेटा. क्या क्या बवासीर है गाइस, ये क्या बवासीर है. P3D is much better than MSF. MSF is very unstable. Fly ऐसे FS Labs और PMDG 777 in Sydney. Yeah, I know Madhav. वो करने के लिए भी मुझे सारा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, जो कि it is a क्या बोलते हैं ना, टाइम कंज्यूमिंग होगा वो बहुत ज़्यादा. पता यार सेटअप के टाइम पे 100 की वॉचिंग थी, मतलब ऑडियंस इतनी लाइक आई थी यहाँ पे यार देखने के लिए. बुरा लगता है यार जब मैं व्यूअर्स को कुछ दिखा नहीं पाता अच्छा कुछ. ओके लेट मी स्टार्ट द सिम्युलेटर अगेन. हेलो एंड्रॉयड कैसे हो विथ या आई नो माधव, आई नो आई गॉट इट. RC22 खेलो, खेलेंगे सर RC22 भी खेलेंगे, जल्दी खेलेंगे हम लोग. अगेंस्ट ड्रॉप हो रहा है गाइस चैट में. वी ऑडियंस रेडी हो जाओ ड्रॉप के लिए. फुल टाइम स्ट्रीमर क्लाउड इज लाइव, बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है उसको लेके. आपकी थोड़ी फॉल्ट है. हाँ यार मेरा फॉल्ट नहीं है बट स्टिल बुरा तो लगता है. हाँ एक्सपी जिंदाबाद था है और रहेगा. हाँ 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 यार भाई देखो मैं मुझे तो सारे सिम्युलेटर पसंद है. अब अभी क्या करे यार क्या करे. सिक्सटी वन मंदिर देख रहे हैं यार चैट में. हाय हेलो बोल दो, कुछ तो बोल दो. बस दो लाइक चाहिए हमें, तीन लाइक चाहिए 300 करने के लिए. करा दो गाइस तीन लाइक पूरे. फ्लाई करेंगे, जल्दी फ्लाई करेंगे, डोंट वरी. एक छोटी सी फ्लाइट करते हैं एक घंटे की यूरोप में, ठीक है ना. एक छोटी सी फ्लाइट कर लेंगे. FS Realistic Connected. बस एक बार देख लेता हूँ कि ये ग्लिच हमारा सॉल्व हो जाए. अगर हो गया तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो कुछ और करते फिर हम लोग. फिनिक्स ऐप को स्टार्ट कर देता हूँ पहले. द ओनली थिंग MSF हैज ऑन द अदर सिम इज विजुअल्स एंड मे बी फ्लाइट डायनामिक्स फॉर GA, बट अदरवाइज एक्सपी इज वास्टली सुपीरियर एंड P3D हैज वाइड बॉडीज. एब्सोल्युटली यार गाइस अगेन यार आई एम लाइक न्यूट्रल टू ऑल द सिम्युलेटर्स. मुझे तो हर सिम्युलेटर में फ्लाई करने में मजा आता है. एक लाइक चाहिए गाइस अभी 300 के लिए, सिर्फ एक लाइक चाहिए. ये गेम का नाम है अदील, माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर है. माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट्स हमने सारे फ्लोज भी सही किए थे ना आज A320 के, जैसे रियल लाइफ में करते हैं. आई थिंक कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई होगी बट. हेलो ब्रो मैंने आपको इंस्टा पर मैसेज किया था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया. क्या मैसेज किया था यहाँ पे कर दो ना मैसेज. आपका सेटअप तो बराबर है, यू हैव एवरीथिंग स्टार्ट P3D. आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी सिमर्स दैट P3D हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इट कांट डू, वेयर एज द MSF हैज लॉट ऑफ लिमिटेशंस. माधव मेरे आज पहली बार आए हो क्या आप चैनल पे? Is it your first time on the channel? Wait. Let me show you something. देखो this is our channel. और अगर आप यहाँ पे देखोगे flight simulator के हमारे playlist में, तो हमने last stream जो की थी वो P3D में ही की थी, जहाँ पे हमने fly किया था हमारा 52 knots का 747 63 knots का. तो चले हमारे क्या हो गया. अरे ऐड आ गए गाइस. ये देखो ब्रदर अभी इंडेक्स पहले थ्रस्ट लिमिट से दबाओ. वहां पे थ्रस्ट लिमिट दबा दिया मैंने. ये करना पड़ेगा यार शॉर्टकट लगा. ये लो सर कितना थ्रॉटल और क्या क्या सीन है. ऑटो P3D हमारा 747 फ्लाई कर रहे हैं हम लोग P3D में. और यार इसमें क्या दबाना पड़ता है मैं भूल गया, कौन सा ये दबाना होता है ऑटो थ्रॉटल.
भाई आई एम बैक, थैंक यू सो मच मोनू खान, वेलकम बैक वी वन। काटरा वैष्णो देवी काटरा के एक्सप्रेस की जर्नी के लिए वो रूट अवेलेबल नहीं है यार, और रूट होता तो ज़रूर करता मैं, बट फ्यूचर में करेंगे हम लोग। ब्यूटीफुल टेक ऑफ गाइस, पॉजिटिव क्लाइंब, आई नो माधो आई नो, अरे मुझे सारे प्रोज एंड कॉन्स पता है हर सिम्युलेटर के यार, अब वो डिस्कशंस हुए हमारे प्रो कम्युनिटी के साथ, सो आई नो एवरीथिंग, सारे अपडेट आते रहते मेरे पास, किसमें कौन सी चीज़ अच्छी है, किसमें कौन सी चीज़ बुरी है, क्या है क्या नहीं है। हाय 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 हाय, ब्यूटीफुल टेक ऑफ गाइस हम लोग, कि आप श्री वैष्णो देवी, अरे रूट तो होना चाहिए ब्रदर, अगर रूट ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे कुछ भी खेलने के लिए, वो रूट तो होना चाहिए। मैं रूट मेकर थोड़ी हूँ, मैं रूट नहीं बनाता हूँ। तुला रियल फ्लाइट चालवायला दिला तर तू चालवशील का? नाही, कॅन नॉट स्पीक अबाउट एअरलाइन्स, आय आय हॅव फ्लोन लाईट एअरक्राफ्ट इन रिअल लाईफ अँड आय थिंक MSFS हॅज कम द क्लोजेस्ट टू रिप्लिकेट दॅट। येस, GA की बात करो ना, जनरल एविएशन के अच्छे यार उनके। ओके गाइस, एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। ये स्पेन है, स्पेन से पास में फ्लाई कर सकते हैं ना हम लोग, एक बार जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैंने इशू सॉल्व हो जाना चाहिए, अगर इशू सॉल्व हो जाएगा तो वी कैन डू एनीथिंग। गरम हो रहा होगा ना कॉस्प्ले करके? अरे नहीं यार, कॉस्प्ले मतलब थोड़ी कोई जैकेट वगैरह पहन के बैठा हूँ, नॉर्मल शर्ट ही तो है, क्या गरम, गरम तो ऐसे भी हो रहा है यार, नंगा बैठूंगा तो भी गरम होगा। हेलो अनदर गेमिंग, यार सब लोग ड्रॉप जीतेंगे यार हमारे स्ट्रीम पे, कॉफ़ी भी बहुत जल्दी लाई आज मम्मी ने, आज सारी चीज़ें गलत हो रही है इतना प्रिपेयर करने के बाद भी। ओके ए यूरोपा, ये हमारा जेटवे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है अब मैं देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है क्या नहीं। ब्रो ये वर्क ही नहीं कर रहा है, हेलो दिस इज नॉट वर्किंग। यार आपको भी प्रॉब्लम आ रही है क्या, जिनके जिनके पास MSF है ज़रा चेक कर लो, आई एम नॉट गेटिंग दैट एरो ओनली, इट इज समथिंग टू डू विद द कंट्रोल्स, जो कि अभी अपडेट आया हुआ है और मैंने जो जो चीज़ें की है। लॉल ये क्या है, व्हाट इज दिस, कॉकपिट इंट्रैक्शन मिड क्लिक बाय कॉकपिट व्यू डिफाइन द टर्शरी एक्शंस इन इंटरेक्ट विद द इंस्ट्रूमेंट्स। ओ ये मिड क्लिक करने के लिए बोल रहा है मुझे, ये क्या ये क्या छूतिया भाई है, ये बाहर पुल करे पुश कैसे करेगा भैया, और मिड क्लिक करने से चला जा रहा है, क्या बावा सी रही है। ठीक, डिड यू अपडेट द फिनिश? यस आई डिड, आई डिड, ये क्या है, व्हाट माउस फाई क्या होता है, कॉकपिटेशन माउस अप, कॉकपिटेशन डिक्रीज इंक्रीज, टर्शरी एक्शन मिड क्लिक है और माउस फाई है, ओके माउस फोर और माउस फाइव, ये नए कंट्रोल्स आए हुए हैं क्या, अभी ये समझ गया, माउस फोर और फाइव से हो रहा है पुल और पुश। ये भी नया चेंजेस किए क्या इन लोगों ने, उन लोगों ने ये हटा दिया है और ये पुल और पुश से होता है, इफ MSF सेटिंग दैट इट्स योर MSF सेटिंग दैट आर रिग्ड। वो एरो क्यों नहीं आ रहा यार,
मुझे वो पूछना कि वो एरो क्यों नहीं आ रहा है, दैट एरो शुड हैव कम ना, वो अप और डाउन करने के लिए होना चाहिए वो, उसके लिए क्या सेटिंग होती है? मोहित कैन यू शो मी योर सेटिंग प्लीज, मोहित यू आर देयर? आई डोंट रिमेंबर दिस बीइंग मेंशन इन द पैच नोट्स, दिस मस्ट बी द MSFS थिंग। मोहित एक बार चेक करो ना कि आपके यहाँ पे क्या है, लाइक कॉकपिट टर्शियरी एक्शन के लिए क्या क्लिक, आई वॉन्ट दैट एरो यार, दैट अप डाउन एरो, आई थिंक दैट इज मच मोर सिंपलिस्टिक। एक बार लाइक फायर अप योर गेम ना एंड लेट मी नो ना कि क्या है तुम्हारे सेटिंग, इफ यू कैन प्लीज, इफ यू कैन डू दैट। एंड मेरा ये पुश टू टॉक क्यों नहीं वर्क कर रहा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, व्हाई माय पुश टू टॉक इज नॉट वर्किंग। आई एम देयर बट आई एम अवे फ्रॉम माय पीसी सो आई कांट चेक। अरे यार Let me connect to VATSIM. Connect. And let me go to the setting and push to talk. Okay. Okay, now it's working. Hello? Hello? ये आवाज मुझे क्यों आ रही है? क्यों आ रही है भाई? आज क्या क्या हो रहा है यार, आज क्या क्या हो रहा है? इज इट बिकॉज कि मैंने अभी तक तो कुछ वो सेट नहीं किया है फ्रीक्वेंसी वगैरह? वन टू टू डेसिमल एट, हेलो हेलो, ओके हेलो, वन टू थ्री माइक चेक, वन टू थ्री माइक चेक, ओके माई पुश टू टॉक इज वर्किंग नाउ। P3 इज एक्सपेंसिव टू फ्लाई बट इट्स वर्थ द मनी विद ऑल द कमर्शियल। गुड मॉर्निंग, आई रीच यू 5। यहाँ पे कंट्रोलर है बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे, नहीं ये हमारा, ओके रेडियो 5 बोला ना उसने, आई थिंक कोई है यहाँ पे। ओ यहाँ से, ओके माय बैड गाइस, ठीक है। क्या आप हिसार, सिरसा, बठिंडा, फिरोजपुर इधर का ट्रेन वीडियो बना सकते हो? रूट आएगा तो बना लेंगे यार, रूट आना चाहिए तो बना लेंगे, रूट होना चाहिए उसके लिए। टाइम सुपर कंफ्यूज दैट, ठीक है ऐसी सेटिंग है तो ऐसी सेटिंग है। गो टू योर सेटिंग एंड डिलीट माउस फाय ऑन द मिड क्लिक ऑप्शन, आर यू श्योर? ओके लेट मी चेक, डिलीट माउस फाय ऑन द मिड क्लिक ऑप्शन, इसको डिलीट कर दूं मैं। कर दिया अभी, ठीक है। व्हेन विल यू फ्लाई A380? आई डिड आंसर यू दिस क्वेश्चन हंड्रेड ऑफ टाइम लियोनल, बट मैं हाउ आई विल गो नो फ्लाई A380? सपोज अब क्या बोलूँ यार तुम्हें,
जब तुम्हारे पास कार है ही नहीं है घर में, तो वह कार चला सकते हो क्या आप? नहीं ना, सेम चीज़ है, A380 नहीं बना है किसी भी सिमुलेटर के लिए, वो एयरक्राफ्ट नहीं है, तो कैसे हम लोग फ्लाई करेंगे? राजीव कुमार आवाज़ आ रही है सर आपको, आपकी आवाज़ चेक करनी है आपको, आपकी आवाज़ चेक करनी भैया, आवाज़ तो आ रही है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक बार सारे कंट्रोल्स डिफॉल्ट कर देना। कैन यू चेक द सेम प्रॉब्लम परसिस्ट इन PMDG 77? यस यस, सेम प्रॉब्लम्स विल बी देयर, बिकॉज ये जो है ना, दिस आर द बेसिक माउस सेटिंग फॉर द सिम्युलेटर, ये माउस की सिम्युलेटर की सेटिंग है, वो तो होगी होगी। अरे आपका, आपके पास क्या हो रहा है देखो ना ज़रा वैभव भाई, आपके A320NX में चेक करो एक बार कि वो एरो आ रहा है क्या पुल और पुश करने का। गुड आफ्टरनून बालू भाई, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? कॉकपिट इंटरेक्शन, प्राइमरी रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, जूम ऑन, ग्रैब द वर्ल्ड मैप, टॉगल इंस्ट्रूमेंट व्यू, फ्री लुक, आई कैन, आई एम नॉट, नो नो मोहित, आई एम टॉकिंग विथ वैभव। चलो ब्रो उड़ाओ एरोप्लेन, हैप्पी मियान व्लॉग सर। मन तो सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ाने का ही था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं उड़ा पाए हम लोग यहाँ पे कुछ इश्यूज़ की वजह से। ऑफिस पर हूँ भाई। अच्छा आप ऑफिस पे हो क्या अभी? ओके, ये अपडेट के बाद हुआ है या फिर क्या हुआ है? आई स्टिल डोंट रिमेम्बर कि पहले यहाँ पे क्या था, ऑप्शंस क्या थे। टर्शरी एक्शन, मिड क्लिक, इसको हटा दूं क्या मैं? टर्शरी एक्शन को हटा दूं क्या? ओके वो लीगसी करके ऑप्शंस है ना, वो चेक करो ना, लीगसी करके ऑप्शन, एक मिनट, कहाँ पे ऑप्शन लीगसी करके, कंट्रोल ऑप्शन, वेयर इज दैट लीगसी ऑप्शन? ये डिफॉल्ट है यहाँ पे, कॉकपिट इंटरेक्शन है यहाँ पे, वेयर इज द लीगसी ऑप्शन, कहाँ पे है, वेयर इज दैट ऑप्शन, वेयर इज दैट ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन, MSFA seems very complicated, would recommend you fly Qatar Airways 747-8F77F which you were learning to fly from Doha to Bangkok. करेंगे हम लोग, अरे मैं सब करूँगा, अरे कभी प्रॉब्लम नहीं आया सर MSFS में माधव मेनन, आज कुछ अपडेट आया हुआ उसकी वजह से देर इज सम इशूज, बट वो हो जाएगा, स्ट्रीम एंड हो चुकी है, होगी कि चलेगी अभी यार, थोड़ी देर में करूँगा, उसके बाद आई गोना एंड कि आज मतलब जो हमने प्लान किया था वो कुछ नहीं हुआ, ये MSFS के अपडेट में हमारे सारे लगा दिए, इवन वॉचिंग हमारी इतनी अच्छी थी, बट यार आई एम रियली रियली सैड, बहुत मेहनत की थी ये सेटअप करने के लिए हमने, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ओ एक ने टेक ऑफ कर लिया वहाँ पे, यार देखो अच्छी ट्रैफिक है यार यहाँ पे,
ब्रिटिश एयरवेज है, बोलना। हाँ पर हो कैसा हाल है? आज रात को स्ट्रीम नहीं होगी यार। यू कुड डू सम प्लेन स्पॉटिंग। हाँ यार वही कर रहा हूँ मैं अभी। लेट्स डू सम प्लेन स्पॉटिंग गाइस, लेट्स डू सम प्लेन स्पॉटिंग यार। वाओ ओके नाइस एंड हियर वी गो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वो क्या कर रहे हैं यार, दो एयरक्राफ्ट। व्हाट आर दे डूइंग? आर दे होल्डिंग शॉट और व्हाट? लाइक both are British Airways aircraft and why their engines are looking like this, I don't know. और ये भी यहाँ पे wait कर रहा है, but the runway is there. ये aircraft यहाँ पे stuck क्यों है? वो take off किया है, वो landing के लिए आ रहा है। यहाँ पे एक देख सकते हो कि taxi चल रही है, is taxiing and अच्छी खासी ट्रैफिक दिख रही है हमें इस एयरपोर्ट पे। ओके देयर इज वन मोर एयरक्राफ्ट, पर यहाँ पे ये स्टैटिक एयरक्राफ्ट है क्या? आर दिस स्टैटिक एयरक्राफ्ट और एक्चुअल वैटसिम के एयरक्राफ्ट से? ये यहाँ पे वन मोर आइबेरिया इज लाइक स्टार्टिंग इट्स टैक्सी, बट मैंने ग्राउंड व्हीकल्स को जीरो करके रखा हुआ है, आई डोंट नो। देयर इज वन मोर एयरक्राफ्ट, ओ लैंडिंग के लिए आ रहा है गाइस। लेट्स एंजॉय द लैंडिंग गाइस, लेट्स एंजॉय द लैंडिंग। इज अबाउट टू लैंड गाइस, ही इज अबाउट टू लैंड। बीए स्टोर देयर A380 इज एट मैड्रिड इज इट? आ तो वो वही है क्या, स्टोर किए हुए A380 है क्या जिनको पैक करके रखा हुआ है? ओके गाइस लेट्स सी, एंजॉय द ब्यूटीफुल लैंडिंग हियर। और वो वही डिफॉल्ट डिलीवरी आ रही है यार, ये डिफॉल्ट डिलीवरी क्यों आती है आई डोंट नो। कौन सा एयरक्राफ्ट है जो इसको? वाव नाइस लैंडिंग गाइस, नाइस लैंडिंग। वाओ हेलो बनी, क्या हो गया? दैट्स रियलिस्टिक। यस यार ये ब्रिटिश एयरवेज के A380 यहाँ पे उन्होंने पैक करके रखे हुए हैं। दीज येलो थिंग्स आर, मुझे लग रहा है कि उन्होंने इंजन को पैक करके रखा हुआ है, कवर करके रखा हुआ है। दिस इज रियलिस्टिक गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली रियलिस्टिक। आई थिंक दिस कम्स विद द पार्ट ऑफ, मुझे लग रहा है कि सीनरी ओनली। क्या बोलती पब्लिक? गाइज आज हमारे सब्सक्राइबर काउंट भी अच्छा खासा बढ़ गया पता है। गो टू दुबई एंड पुट अ ट्रैफिक डेंसिटी ऑन 100 एंड एंजॉय सम प्लेन स्पॉटिंग। नो बट ट्रैफिक डेंसिटी 100 डजंट लाइक, फॉर वैटसिम ट्रैफिक यू हैव टू पुट द ट्रैफिक डेंसिटी टू जीरो। And anyway, we do use the AIG traffic, so we don't need the traffic density option 200. Wow, yaar. Nice and easy. Chalo, chiki bhai, aaj late ho gaya kyunki major movie dekhne gaya tha. Yaar, bahut badhiya movie hogi. Guys, come on, guys, close to 400 likes. Very, very close to 400 likes, boys and girls, ladies and gentlemen. चलो गैटविक पे गाइस प्लेन स्पॉटिंग करते गाइस, लेट्स डू प्लेन स्पॉटिंग एट गैटविक। गैटविक चलते हम लोग। ओके एंड विल गो टू द मेन मेन्यू। ये गेम कितने का खरीदा है? ये मैंने इसका एक्सट्रीम वेरिएंट खरीदा था, मैंने 1000 रुपीज का था।
जब मैंने खरीदा 1000, क्या बोल रहा हूँ मैं, 8000 रुपीस का, 9000 रुपीस का था ये. ओके, आर यू गाइस रेडी फॉर सम ओपी प्लेन स्पॉटिंग एट गैटविक? गैटविक पे अभी ट्रैफिक ज्यादा होगी या फिर हीथरो पे होगी? आई थिंक गैटविक पे होती है ट्रैफिक, गैटविक पे ही ट्रैफिक होती है. और गैटविक को लेके मैं कहीं पे कोई कोने वाले में चला जाऊंगा. मैं यहाँ पे चला जाता हूँ मैं. अच्छा, ये कार्गो रैंप है क्या? मेरे पास कोई कार्गो लिवरी है क्या? A320 कोई कार्गो के लिए यूज नहीं करता ना. ये कौन से है? ये भी कार्गो रैंप है. आई थिंक ऑल दीज आर द कार्गो रैंप. यहाँ पे चलते गाइस, यहाँ पे रुकेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग. और लिवरी हम लोग रखेंगे हमारी थॉमस कुक की रखते हैं. यार मैंने इसको यूज़ नहीं किया है कभी, आई नेवर यूज. एक काम करते ब्रिटिश एयरवेज के लेके चलते हैं. PAW कॉल साइन होगा हमारा. ओके, दोनों ही हेवी ट्रैफिक एयरपोर्ट्स है. यस, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट. हेलो MF, कैसे हो ब्रदर? वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. ट्रेन की स्ट्रीम करो यार, इसको बंद कर दो. हैप्पी मियाना व्लॉग सर, हमारा वैरायटी सिमुलेशन चैनल है सर. सारे गेम्स को देखा करो, एंजॉय किया करो. मनीला एयरपोर्ट जाओ, वो भी जाएंगे गाइस. 400 लाइक्स करा दो जल्दी. हेलो लखन वर्मा, कैसे हो लखन भाई? स्वागत आपका स्ट्रीम पे, गुड टू सी यू ब्रदर. गाइज लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों ने अभी तक किया नहीं हो तो. हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. ओके, गैटविक आ चुके हम लोग. वेदर एकदम जबरदस्त है यहाँ पे. हम लोग कार्गो रैम में रुके हुए हैं, तो चलो वैट सिम कनेक्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे. लेट मी कनेक्ट द वैट सिम. कनेक्ट करेंगे हम लोग, ऑब्जर्व मोड में जाएंगे. PAW 1 2 3 एंड कनेक्ट एज ऑब्जर्वर. और हमने कनेक्ट कर दिया है वैट सिम पे. कूल, ब्यूटीफुल गाइस. तो चलो, आर यू गाइस रेडी फॉर द प्लेन स्पॉटिंग सम? चलो एंजॉय द डे बड़ी. थैंक यू सो मच गुलशन भाई, सेम टू यू. और हम चलेंगे अभी हमारे प्लेन स्पॉटिंग के लिए गैटविक पे. कैमरा स्पीड बढ़ा दिया मैंने और रोटेट मारेंगे और शुरू करेंगे हमारे पास से. ओके गाइस, हमारे पीछे ही जो है वो इजी जेट का A320 जो है वो यहाँ पे खड़ा है. वाव, इजी जेट यहाँ पे खड़ा है जो कि बहुत जल्दी अपना टैक्सी शुरू करेगा. अगर पीछे के साइड देखूँ तो वहाँ पे मुझे एक प्लेन टैक्सी करते हुए दिख रहा है, तो वहाँ पे चलते हैं गाइस. वेदर देखो बहुत ख़राब है यहाँ पे गैटविक पे, इट्स अ क्लाउडी वेदर. और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जेट एयरवेज का A320 जो है वो रनवे 08 लेफ्ट के लिए जा रहा है, टेक ऑफ के लिए. इट्स गोइंग फॉर द टेक ऑफ. तो इसका टेक ऑफ देख लेंगे हम लोग. बिल्कुल ना, वॉच द टेक ऑफ. और यहाँ पे देखते हैं कि और कोई ट्रैफिक हमें दिख रही है क्या. नहीं, वहाँ पे शायद एयरक्राफ्ट होंगे. बट ब्यूटीफुल वेदर हियर गाइज, ब्यूटीफुल वेदर हियर. चलो इसका टेक ऑफ देख लेते हैं. ब्रो मैंने आपको मेरी वीडियो पे मेंशन किया था, आपने उस पर कमेंट नहीं किया. नहीं यार, मुझे जिन जिन लोगों ने मेंशन किया था उन पर मैंने उनको ने रिपोस्ट तो किया हुआ है. बहुत बार जो है वो मेंशन में भी प्रॉब्लम होता है, मेंशन होता नहीं है. चलो गाइस, प्लेन स्पॉटिंग कर रहे हैं. ही इज़ होल्डिंग शॉर्ट ऑफ रनवे 08 लेफ्ट नाउ. बहुत जल्दी उसको जो है वो ये मिल जाएगा. दोनों वीडियोस भेज दिया, थैंक यू बनी, थैंक यू सो मच. मैं देख लूँगा.
Okay guys, he's holding short of runway 08 left now. Soon he'll be taking off. क्या आप लोग रेडी हो जेट एयरवेज इजी जेट A320 का टेक ऑफ देखने के लिए? यस, टेक ऑफ ही देखेंगे हम लोग. ओ वो 08 लिफ्ट पे नहीं टेक ऑफ करेगा, वो ये वाले से कर रहा है. ये अच्छा, ये एक्टिव रनवे है क्या ये? 08 राइट, ओके. सो 08 लेफ्ट एंड 08 राइट, देर आर टू रनवेज ओवर हियर. सो इसको जो है 08 राइट से जो है टेक ऑफ करना है. प्यारा वेदर है गाइज. भाई फन फैक्ट, मैंने आज ही ब्रिटिश एयरवेज का टिकट बुक की थी यूएसए जाने के लिए. कोइंसिडेंस अभी ओपी बोलते हैं. ब्रो आई सेंड यू रिक्वेस्ट रूट ऑन एससीआर रेलवे, डिड यू नोट इट? डन, प्लीज लेट मी नो. यस, मैंने नोट कर लिया यूमैन भाई, जब आएगा तब कर लेंगे हम लोग. तो चलो गाइज, ट्रेन स्पॉटिंग के लिए रेडी हो जाओ. और यहाँ पे रोलिंग टेक ऑफ कर रहा है, आई थिंक रोलिंग टेक ऑफ करेगा इजी जेट का पायलट. एंड यस गाइज, इट्स 100% रोलिंग टेक ऑफ. ऑल द लाइट्स आर ऑन, फ्लैप सेट टू 1, एंड इंजन पावर टू 50%, एंड फ्लेक्स, एंड हियर ही गोज गाइज, हियर ही गोज. And now V1 and rotate guys. और यहाँ पे ए सादिक शाह, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए. और यहाँ पे प्यारा सा टेक ऑफ पूरा करते हुए guys. और आप यहाँ पे देख सकते हो guys, he is airborne now. Ultimate guys, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये भी टैक्सी कर रहा है, बट इसकी लिवरी आई नहीं है. यहाँ पे डिफॉल्ट लिवरी आई हुई है. यहाँ पे इजी जेट की रेट्रो लिवरी वाला एयरक्राफ्ट है. दिस इज अ रेट्रो लिवरी ओवर हियर. भाई ये गैटविक इजी जेट का हब है क्या? यहाँ पे भी एक रेट्रो लिवरी दिख रही है हमें इजी जेट की. ये भी टैक्सी शुरू कर रहा है. सो अच्छी ट्रैफिक है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है. नाइस वन. और कोई एयरक्राफ्ट है यहाँ पे? ओके. और यहाँ पे गाइज 777 है क्या ये बोइंग का? ये रियल प्लेयर है या क्या है? तेजस गराज, थैंक यू सो मच तेजस, थैंक यू सो मच फॉर द सब, वेलकम टू द फैमिली मेरे दोस्त मेरे भाई. जिन लोगों ने अभी अभी सब्सक्राइब किया गाइज, लाइक और कमेंट कर देना, चैट में हाय हेलो बोल देना. गैटविक वो रियल प्लेयर है या फिर उसका सीनरी के साथ आया हुआ है वो मुझे पता नहीं है. बट नाउ ही इज गोना स्टार्ट हिज टैक्सी. ये अपनी टैक्सी स्टार्ट करेगा. ये ऑलरेडी टैक्सी कर रहा है. कोई इनकमिंग ट्रैफिक मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है. एटलीस्ट यहाँ पे अभी तो कोई इनकमिंग ट्रैफिक नहीं दिख रही हमें. ब्रो जू बीच के पास का एयरपोर्ट है, वहाँ जाओ. इन गैटविक 08 राइट 26 लेफ्ट रनवे इज यूज्ड स्टैंडर्ड फॉर डिपार्चर एंड अराइवल, बिकॉज वेर आर 08 लेफ्ट एंड 26 आर इज यूज्ड एज अ टैक्सी वेज फॉर द इंटरसेक्शन डिपार्चर्स और फुल लेन डिपार्चर्स. ओके माधव भाई, थैंक यू ब्रदर बताने के लिए. जेडी फैक्ट्स एंड गेमिंग कैसे हो जेडी? हेलो रवि भाई, व्हाट्सअप. फिलिपाइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाई प्लीज, फ्लाइट प्लीज, डेफिनेटली वेरी सुन विल डू दैट. आज बटर टेक ऑफ करने का मन था मेरा यार, कल होमवर्क कर रहा था मैं घर पे बैठ के. आई कुडंट डू दैट, लास्ट स्ट्रीम हम लोग कर नहीं पाए. ओके गाइस, हीथ्रो एयरपोर्ट पे जाए अभी. यू गाइस वांट टू सी द हीथ्रो एयरपोर्ट? क्या आप एटीसी हो? नहीं, मैं एटीसी नहीं करता कंट्रोल. कौन कौन चाहता है कि अभी हीथ्रो एयरपोर्ट पे करें हम लोग प्लेन स्पॉटिंग? कोई है चैट में जो हीथ्रो एयरपोर्ट पे प्लेन स्पॉटिंग देखना चाहता है? गाइस जल्दी से 350 लाइक्स कर दो. करीब आ चुके हम लोग 350 लाइक्स के. जिसने भी लाइक बटन दबाया, हिट दैट लाइक बटन. एटीसी ऑन है अभी, एटीसी ऑन है, ATC इज ऑन. आपको ATC सुनना है क्या? बट अभी यहाँ पे ATC नहीं है. ओके, EGLL अप्रोच है यहाँ पे. मुझे ये करना पड़ेगा पहले, मेरे फ्लाइट में जाना पड़ेगा. सो गाइज यू गाइज कैन लिसन. ये EGLL हमारा हीथ्रो है ना? EGLL इज हीथ्रो. EGLL करते हैं गाइज. चलो मैं वहाँ पे ATC भी आपको सुनाऊंगा.
यार प्लेन स्पॉटिंग की एक्चुअल डेडिकेटेड स्पीड स्ट्रीम हमें करनी चाहिए, क्या बोलते हो गाइज? मज़ा आता है प्लेन स्पॉटिंग में देखने में, इट्स फन गाइज। और अगर कंटिन्यू ट्रैफिक होती है तो कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस यस वी कैन स्पीक इंग्लिश। एडलेट से गैटर्स ये कैसे हुआ? अरे स्वप्निल, MSFS, क्रेडिट गोज टू MSFS, दे फक्ड अप द कंट्रोल्स यार। एंड वेन आई चेंज द कंट्रोल पैनल देन आई फाउंड दैट दे हैव कम्प्लीटली रुइन द कंट्रोलर सेटिंग्स। लाइक यहाँ पे देखा रहा, यू रिमेंबर यहाँ पे एरो आता था पुल और पुश के लिए स्वप्निल, अल्टीट्यूड नॉप के लिए पुल और पुश के लिए एरो आता था, तो अभी क्या बाइंड हुआ है पता है? माउस 4 एंड माउस 5। सो अगर माउस 5 करेंगे तो ये पुश होगा और माउस 4 करेंगे तो ये पुल होगा। पता ही नहीं था, मैं कर ही नहीं पा रहा था, मैं मतलब मैं अल्टीट्यूड चेंज ही नहीं कर पा रहा था, इतना मेहनत किया पता है इस फ्लाइट को रेडी करने के लिए मैंने कल, पूरा माइंड फक ब्रदर। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि सेकेंडरी एक्शन को मैं माउस 4 करता हूँ। इसको मैं क्लियर इनपुट एंड वेट स्टार्ट स्कैनिंग, इसको माउस 4, अरे क्या हो गया, कैंसिल करो भैया, इसको माउस 5 है, इसको माउस 4 करना है, ठीक है ना। क्लियर इनपुट वैलिडेट, ओके, इसको मुझे करना क्लियर इनपुट वैलिडेट, ओके, और इसको करेंगे हम लोग माउस, एक्सिस क्यों आ रहा है भैंचोद, माउस 4 करेंगे हम लोग वैलिडेट करेंगे और इसको करेंगे हम लोग माउस 5 वैलिडेट, इसको अप्लाई एंड सेव करेंगे, गो बैक करेंगे। अभी जो है ये माउस 4 से पुश होना चाहिए और इससे पुल होना चाहिए, ठीक है कूल। ओहो पायलट ड्रेस कहाँ से आया, हेलो टोटल गेमर कैसे हो। इफ़ यू वॉन्ट टू विटनेस वैटसिम ट्रैफिक ऑफ लंडन साइड स्विच ऑन P3D एट शार्प 9 PM इंडिया टाइम एंड यू कैन विटनेस द ट्रैफिक, बट देन वाई आई हैव टू स्विच ऑन P3D, लाइक आई कैन मॉनिटर एनी वेयर राइट, ऑन एक्सप्लेन 11, ऑन P3D, इवन ऑन MSFS। चलो गाइज हीथ्रो चलते हैं, स्वप्निल भैया थोड़ा सा प्लेन स्पॉटिंग करते यार। आज पता है लाइक कॉन्स्टेंट हमारी 100 से ज़्यादा वॉचिंग थी, आई वॉज सो पम्प्ड अप फॉर टूडेज टेक ऑफ मतलब डिपार्चर अराइवल, और कल रात से मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मुझे एकदम ध्यान से लैंडिंग करनी है, मुझे FD को देखना है, ND को देखना है और प्रॉपर फ्लेयर करना है, लेस देन 150 फीट पर मिनट, मतलब -150 फीट पर मिनट से कम की लैंडिंग मुझे करनी है, बहुत चीज़ें मैं लेके चल रहा था बट भगवान को ये मंजूरी नहीं था। ओके हीथ्रो पे जाएंगे हम लोग, और अगेन हीथ्रो पे हम लोग जो है कोई एक दूर के किसी यहाँ पे रुक जाएंगे। 564 पार्किंग कौन सी है, ये हेवी पार्किंग्स है, ये कोने वाली पार्किंग ले लेते यार, रैम GA मीडियम पे चले जाते, कोई टेंशन नहीं है। ओके अपने को ऑब्जर्वर मोड में कनेक्ट करना है, ओके लेट मी क्लिक ऑन फ्लाई, फिर से टाइम आउट हो यार, मत कर यार हाइड्रा स्पैम, मत कर, मैं बैन कर दूंगा यार, परमानेंट बैन कर दूंगा, डोंट डू दैट यार, मत कर यार स्पैम हाइड्रा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुझे। आज पायलट ड्रेस, कल कौन सा ड्रेस है, MSFS गया तेल लेने, यार तुम लोग आज अवेलेबल होते तो अपना प्लान तो आज अलग ही था स्वप्निल, 747 करना था आज हमें कहाँ से कहा, हम लोग करने वाले थे बीजिंग से हांगकांग, हाँ बीजिंग हांगकांग करने वाले थे ना हम लोग। अरे हमें वो लिवरी भी तो डाउनलोड करनी है स्वप्निल, वो कौन सी एयरलाइन करती है ये वाले ऑप्स, बीजिंग से हांगकांग, अरे बट छोटा नहीं हो जाएगा क्या बीजिंग टू हांगकांग स्वप्निल, कितने घंटे का होगा वो? यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे मास्टर। ओके गाइस तो हम लोग यहाँ पे आ गए, ओ भैया वेदर देख रहे हो, ये तो गैटविक से भी खराब वेदर है यहाँ पे, भाई 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 मज़ा आने वाला है गाइस। मैं जा रहा हूँ वी पायलट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अभी, कनेक्ट एज ऑब्जर्वर, एक मिनट कनेक्ट बोलूँगा, अच्छा हाँ कनेक्ट एज ऑब्जर्व कर दिया मैंने यार, ये डिफॉल्ट डिलीवरी ये वाली क्यों आती है ये मुझे पता करना यार, साली ये वाली डिफॉल्ट डिलीवरी क्यों आती है, दिमाग ख़राब करती है मेरी।
कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो हमारा, आई थिंक लोगों ने गलत भी वो फ्लाइट मॉडल डाल देते हैं ना यार, तो उसमें साला मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नो इश्यूज, ये 777 है क्या, कौन सा है ये? चलो गाइस चलते हम लोग पहले एयरक्राफ्ट को ना हम लोग ये कर लेते हैं, ग्राउंड पावर हमने ले लिए क्या, ताकि हम लोग ना इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पावर ले लेते हैं। और हम लोग ना टावर है या इस पर टावर, इजीएल टावर है हमारा, हीथ्रो टावर है, हीथ्रो 118 डेसिमल क्या है ये, 118.500 है ना, इस पर कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अभी मैंने ऑब्जर्वर कनेक्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 118.500 चलो गाइस चलते थोड़ा सा प्लेन स्पॉटिंग करते हैं हीथ्रो पे, एक ही प्लेन है हीथ्रो पे, शायद इसकी डिलीवरी नहीं आ रही है, इसकी डिलीवरी नहीं आ रही है शायद। ओह देयर इज वन एयरक्राफ्ट गाइस, लेट्स सी भाई कितना बड़ा है यार हीथ्रो, ये कौन सा है गाइस, ये टेक ऑफ कर रहा है शायद से, ए दिस इज आइबेरिया गाइस, दिस इज आइबेरिया, नो आई आइबेरिया, इज ही टेकिंग ऑफ, या ही इज टेकिंग ऑफ गाइस, क्योंकि रिवर्सल्स तो ऑन नहीं है सो वो टेक ऑफ ही कर रहा है, एंजॉय द टेक ऑफ बॉयज, एंड हियर हियर ही गोस गाइस, हियर ही गोस, trying to find him in the mucks, all those other ones there. Yeah, break off kar liya hai, aage badhenge. Ye kaun sa aircraft? Again, iski delivery nahi aayi hai. It's not pushing anymore, so push into approved face west, speedbird 346. Push into approved face west, speedbird 346, thank you. Okay, ye kaun sa hai? Ye kaun si delivery? Icon? Aisi airways hai kya koi? Swapnil bhai? नहीं ये क्या है? Speedbird 6 Lima Juliet push up approved face east. इसने push on start कर दिया। अरे P3D में लगा के देखेगा, connect करके देखेगा P3D में? P3D में मुझे लग रहा है कि livery सही आएगी। ओहो ये बंदा P3D में fly कर रहा है guys. He is flying in P3D 747 guys, British Airways का। Beautiful 747. यहाँ पे ब्रिटिश, ये ब्रिटिश एयरवेज का हब है ना गुलशन भाई, ये वाला टर्मिनल। ओहो ये भी पुशबैक कर रहा है गाइस, ओपी ट्रैफिक, स्मार्ट विंग्स का एयरक्राफ्ट है यहाँ पे, एयरलाइन है। ओके आई थिंक ही इज पार्किंग नाउ, जून, ओके ओ इट्स अ जॉन कार्डिफ ऑन एटीसी, लवली गीजर, अरे यार मोहित सबको जानता है यहाँ पे लग रहा है। वाओ फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू अमेरिका करेंगे, दिल्ली टू अमेरिका भी फ्लाई करेंगे। अभी अभी टाइम है, आप P3D में हीथ्रो से न्यूयॉर्क कर सकते हो अभी भी टाइम, नहीं मुझे जाना पड़ेगा यार, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट साढ़े कितने घंटे के, 3 घंटे क्या टाइम हो चुका है, हीथ्रो से न्यूयॉर्क तो करेंगे, बताओ कब करना है, वो मेरा एग्जाम है ना तो नहीं आ पाऊंगा देखने के लिए, इसलिए टाइम आउट और बैन कर दो। नहीं यार हाइड्रा ऐसे क्यों बोला, बैन करेगा तो फिर तू कैसे देखेगा, ऐसे मत करो रे। ओ यहाँ पे लुफ्तांसा भी है, वाओ नाइस गाइस, जिन लोगों ने सही से एयरलाइन कोड डाला हुआ है आई थिंक उनकी लिवरीज आ रही है, ये नूप की नहीं आ रही है। इसने भी पुशबैक स्टार्ट किया हुआ है, ये ऑलरेडी रेडी है ये डिपार्ट करने के लिए। यार ये टर्मिनल पे अच्छी खासी ट्रैफिक दिख रही है। कोई लैंडिंग तो नहीं हो रही है,
Speedbird 10 is on the box. It will be a happy Sunday morning, if not for your great ATC. Thank you and have a great day. Wow, okay, what a weather, guys. What a weather. Perfect camera angle. Hai ye. Gazab band hai. And November 2. Yeah, terminal 5, BA terminal. Ah, ye BA terminal. Okay. Yes, it's come through now. But what's the error? All looked fine my side, but just resubmitted it and seems to have worked this time. Alright, okay, it's weird, isn't it? गाइस वो 777 टेक ऑफ कर रहा है यहां पे दोनों रेडी है लंदन डीएमई 2 लंदन राइट हिटिंग 220 डिग्रीज क्लाइंब टू 6000 फीट एंड ये कहां जा रहा है भाई ये पता नहीं कहां जा रहा है यार जब ये आईएफआर क्लीयरेंस लेंगे तो हमें सुनना होता है ये लोग टैक्सी को नहीं स्टार्ट कर रहे Climbing to altitude 6,000 feet, squawking 3204 on November 228 Papa Delta. P3D में plane spot करो. Same उतने ही traffic दिखेगी ना P3D में हम लोग VATSIM पे connect करेंगे. Press 6 Lima Juliet right on Yankee and hold November Bravo 11. मैं बढ़िया Umesh Gaming आप कैसे हो? Right Yankee November Bravo 11. Okay guys, इसने टैक्सी स्टार्ट कर दिया है ब्रिटिश एयरवेज A320 ने गाइस 2 लाइक चाहिए हमें 350 लाइक्स पूरे करने के लिए कौन है वो दो बंदे जो हमारे 350 लाइक्स पूरे करेंगे Hello Sachin, good afternoon. Hello, Kofi Shibo, what's up? After the company head there has gone, it's turned in front of you, I suppose it's turning left in front of you. Yeah. Taxi Yankee, hold November Bravo. Okay, guys, ye banda start kar diya taxi, British Airways. Following the company traffic, Yankee and hold November Bravo 11, speed of 346. Can work out from your point of view whether he's telling them to right. Pushback and requesting pushback leg. Speedbird 2643, push and start approved, facing north. Push and start approved, facing north, Speedbird. Hello guys, dono ne taxi start kiya hai? 429, if it's, are you with me? 1809 left, clear to land, I can't remember. 429. ये पता है ना गाइस जो जो प्लेन स्पॉटिंग वाले होते हैं मोहित ऐसे एक जगह पे खड़े होके फिर जूम जूम कैमरा से मस्त रेल फैनिंग करते हैं अपना प्लेन स्पॉटिंग करते हैं दैट इडियट पुश बैक द रॉन्ग वे ब्रो गाइस डोंट कॉल देम इडियट यार दिस इज A310 राइट अच्छा मोहित दैट smartwing.com आई थिंक ही इज फ्लाइंग इन एक्सप्लेन I think that is Airbus A310. यार ऐसे idiot मत बोलो यार मैं भी बहुत mistake करता हूँ so बाकी के लोग भी मुझे idiot बोलते होंगे guys एक like चाहिए 350 के लिए oh वहाँ पे भी spawn हुआ एक oh ho nice traffic guys nice traffic at Heathrow nice traffic at Heathrow road down the bottom there and contact me I'm just sending the contact me message, so I'm just waiting. Oh, land हो रहा है ये. ओ उसने land कर दिया. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यार? Network issue or what? अच्छा अच्छा वो line up हुआ है अभी. ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? अच्छा इसका pushback ही हो रहा है. Okay. ये रिलैक्सिंग यार मस्त चिकन विकन लाके तंदूरी लाके मस्त हीथ्रो पे लगा देने का एक एंगल पे एक्टिव रनवे के यहाँ पे 737 7Q8 टू बी प्रिसाइज आय हाय 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 जॉर्ड और वॉट क्लियर टू रीगा ब्रुकलिन स्पार्क 6Q देयर डिपार्चर 6356 फॉर एस्ट्रो 55 टैंगो 55 टैंगो करेक्ट Speedbird 429 right bravo stand 537
Beautiful guys, beautiful view. My Bravo Sun. Hello Rishi, how are you? 7, Stephen 429. Thank you, good morning. Morning. चले टेक ऑफ कर ले बाबा निकल क्या टाइम ले रहा है तेरे वजह से ट्रैफिक हुई है यहाँ पे ये बाबा कांदे को कम चालू कोला क्या बोल रहा है ये बाय गेम ये चिकन ही खा के देख रहा हूँ मैं यार कॉफी अभी आनी चाहिए थी पता है गर्मा गर्म मजा आता बच खत्म हो गया यार कॉफी हीथ्रो इज गेटिंग बिजी हां हां हीथ्रो इज गेटिंग बिजी देखो ना यार कितनी ट्रैफिक है संडे ना आज ऊपर से यार बट आई विश कि मुझे अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश एयरवेज और कोई ट्रैफिक दिखे यहां पे अच्छा लगेगा थोड़ा सा वैरायटी ये क्या कर रहा है भैया ये कब निकलेगा फॉर संडे मॉर्निंग दिस इज वेरी बिजी इज इट ओके यूके स्काई इज 191 क्वेश्चन आई फॉर क्लियरेंस टू एम्स्टर्डम वी आर ए 320 विद इंफॉर्मेशन पापा एस्टारेज वमन ये काम करे क्या एम्स्टर्डम ब्रुकलिन पार्क 6 जूलियट स्कूल 3375 ये हमने टावर पे कनेक्ट किया हुआ ना तो वो उसको वो टेक ऑफ क्लीयरेंस वही देगा टॉवर राइट क्लियर टू एफएम एज फॉलोड बाय द पुटमन पार्क इतना बिकमिंग लिटरल बोले तो 3375 स्काईवेज 101 चिपक गया क्या गेम नहीं नहीं वो निकलेगा तभी तो ये पीछे के दो निकलेंगे वो क्यों रुका हुआ है समझ में नहीं आ रहा है वेदर खतरनाक है ना इतना में फुल खतरनाक वेदर है चलो भैया क्या कर रहे हो आओ ना गुलशन भाई इस पे आओ ना डिस्कॉर्ड पे आओ ना फिर हो तो मतलब है टाइम तो आ जाओ यार भाई ये कर क्या रहा है यार ये बंदा कर क्या रहा है इसको बोलो ना गालियां दो ना जरा और ये 7 मुझे सही है 737 को देखना यार निकल जाए अच्छा लगेगा ये गेम तो हैंग नहीं हुआ ना मुझे हैंग हुआ लग रहा है ब्रावो एंड देन एको 1 होल्ड ये मुझे लग रहा है गेम हैंग हुआ है मुझे लग रहा है कुछ तो कांड हुआ है यहाँ पे आई फील लाइक कि गेम हैंग हुआ है क्योंकि कोई भी मूव नहीं कर रहा है यार वेट लेट मी चेक गाइस शायद से हैंग तो नहीं हुआ है ओके Seabed 346 behind the departing company 8020 line up runway 09 right behind. Behind the company traffic, line up runway 09 right behind. No. Hang to nahi hua. Ye to koi abhi nikla hai. Wo line up kar raha hai abhi. Hang to nahi hai. Isne hug diya hai. Isne hi hug diya hai. Feeling exhausted. It's too freaking hot there. Okay, okay, no problem. Take care, yaar. Take rest. Right on. Also interesting that they are using the 09's BS. Don't have us spend 9 hours taxiing to the runway. Right, I'm flying PMDG 777 FSX from Doha to Hong Kong. I'm enjoying the views flying over India. Aare, Samad bhai, enjoy your flight. Bhai, wo na glitch maar gaya lag raha hai mujhe. Usko bola gaya ki uske andar se ghusa do. Correction, that speed bird 392. Trying to avoid the blockage on the runway there. Yeah, blockage on the runway. Yes. Correct. Apna koi problem nahi hai, guys. And then, oh, no, I've never done it again. They're Aspro 55 Tango for Fission Start 1016220. Wo glitch maar gaya. Aspro 55 Tango. Okay, guys, abhi hum log just like a real plane spotting, hum log zoom karke dekhenge. We'll zoom and we'll enjoy the... और ये हमने zoom कर दिया, guys. Real plane spotter बोलते, guys. Real plane spotter बोलते. और यहाँ पे, guys, हमारे British Airways के एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ कर लिया है ब्यूटीफुल टेक ऑफ गाइस ब्यूटीफुल टेक ऑफ ओए होए 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 प्रोफेशनल प्लेन स्पॉटर गाइस प्रोफेशनल प्लेन स्पॉटर गुलशन भाई एंड हियर ही गोस गाइस हियर ही गोस क्या बात है गाइस चेक स्विच ऑफ एमएसएफ एंड स्टार्ट पी3डी कांटेक्ट
अरे अभी प्लेन स्पॉटिंग ही कर रहे हैं ना यार, प्लेन स्पॉटिंग के लिए MSFS थोड़े से ग्राफिक्स लोगों को देखने में मजा आता है। 42-43 टेम्परेचर है दिल्ली में भैया, मजाक है क्या? ओ भाई ये भी निकला गाइस, ये भी निकला, ये भी निकल गया भाई। मेरा नाम लो बिग शॉट टू यू दिशांत मधिवाल आर्ट्स पायलट इज माय ड्रीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्रीम ब्रदर। जस्ट लाइन अप रनवे 09 राइट। हाय सर, बैक ब्लैक स्क्रीन, लाइन अप रनवे, कौन सी ब्लैक स्क्रीन? नवंबर पर डेल्टा। लेट्स डू रियल लाइफ एयरक्राफ्ट स्पॉटिंग विद द AIG, समझ भाई AIG भी करेंगे। AIG यार अभी भी थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस है रे, आई डोंट फील कि वो अभी भी फुल प्रूफ है, इतना बढ़िया है। मुझे लगता है कि कभी भी वैटसिम की एयर ट्रैफिक मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, या IVO की एयर प्लेन स्पॉटिंग मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। दीपा अभी 4:00 है कॉफ़ी के लिए, अरेंज माई UK वीज़ा लॉल। ओ ये कहाँ पे जा रहा है? वहाँ पे एक जो है वो, अच्छा इतना बड़ा रनवे है क्या हीथ्रो का कि आप जो है वो बीच में से भी आ सकते हैं? यार इसकी भी लिवरी हक दी है। इफ यू फील हैप्पी यू कैन टेक द लेफ्ट देयर ऑन नवंबर ब्रावो 1, वो पहले इंटरसेक्शन पे जो है वो आ रहे हैं, डिपार्ट फ्रॉम नवंबर ब्रावो 8 वो पहले टेक ऑफ करेगा, फिर मुझे लग रहा है ये टेक ऑफ करेगा और उसके बाद ये टेक ऑफ करेगा। फ्लाइट फैनिंग AIG में वैरायटी दिखेगा, ये दैट्स ट्रू यार, AIG में वैरायटी दिखेगा, बट ये रियल बंदे है ना यार, मजा आता है देख रहे। ओके गाइज ही स्टार्टेड हिज टेक ऑफ, बट मैं उसको जूम करके दिखूंगा बिकॉज ही डजंट हैव अ रियल लिवरी। ओके गाइज अब ये निकल चुका है, नाइस ट्रैफिक गाइज, नाइस ट्रैफिक। ये हक दिया है ना बीच में, अदरवाइज मज़ा आता। कोई लैंड नहीं कर रहा है क्या इतने रुपये? सैड। अरे अंदर क्यों आ रहा है? ओ हो हो, ये ऐसे आके घूम के जाएगा क्या, इसके पीछे लगेगा क्या? हेलो प्रणव का साइज भावा, वेलकम टू द स्ट्रीम। लाइन अप 09 राइट, इजी स्पीड बर्ड 390 November Papa Delta, report you're heading to Heathrow Director 119 decimal 725, bye bye. 119725, Papa Delta, bye bye. Nice. आपका एरोप्लेन कहाँ है? आई डू दिस प्लेन स्पॉटिंग IRL एज एयरपोर्ट इज नियर टू माय होम। लकी लोग यार तुम लोग भाई, अभी आपका फ्लाइट कभी टेक ऑफ करेगी? अभी हम लोग टेक ऑफ नहीं करेंगे दिशा, आज हम प्लेन स्पॉटिंग कर रहे हैं, बाकी लोगों को टेक ऑफ होते हुए देख रहे हैं। थोड़ा सा वैरायटी ट्रैफिक होता तो मजा आता। और अरे मोहित और क्या लग रहा है, और कौन सा एयरपोर्ट होगा जो कि अच्छा खासा बिजी होगा? ट्रैफिक संडे है आज तो, मैनचेस्टर पे होगा क्या? यू कुड हैव डन द सेम फ्लाइट इन XP इंस्टेड आज। नहीं समझा नहीं गुलशन भाई, कौन से फ्लाइट की बात करो? ऑस्ट्रेलिया वाली बोल रहे हो? यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट? Okay guys, professional plane spotter guys. Okay, that's fine. So it's right on Bravo, make it right on Alpha stand and hold November 7. Wait, Alpha, hold November 7. And here he goes guys, here he goes. Beautiful takeoff. Go to Frankfurt, Chigi. Amsterdam. That Amsterdam Delhi वाला बोल रहे हो? अरे मुझे आप लोग चाहिए यार बातें करने के लिए वगैरह, थोड़ा सा लॉन्ग हॉल होता है ना, अगर आप ऑन ऑफ भी रहोगे तो भी मजा आता है यार, आई फील कि, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं चिल मारूं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत टाइम से फ्लाई नहीं किया था। अबे ये कहा गया? और एक था ना इसके पीछे, वो कहां पे चला गया? हेलो, continue on, I think Hitro भी खाली हो गया guys, जो भी departures थे वो departures हो गए हैं। एक बार दूसरी जगह पे देखते हैं जाके। और कुछ है क्या traffic यहाँ पे? Oh here, oh यहाँ पे दो है। ये 747 तो आया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे British Airways है। Yeah, as long as it's the same, it's the modern one. ये वाला terminal देख लेते हैं। Okay, change the score 347. Oh, there is one more British Airways.
यहाँ पे और एक ब्रिटिश एयरवेज है, ये डिफॉल्ट डिलीवरी वाला आ गया यहाँ पे। ओ हो गाइस 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 वैरायटी डिफरेंट ट्रैफिक यहाँ पे। ऑस्ट्रियन एयरवेज स्विस एयरवेज यहाँ पे है, ऑस्ट्रियन स्विस है यहाँ पे। और इसके पीछे कौन सा है, इथियोपियन भी है गाइस, इथियोपियन। तो यहाँ पे गाइस हमें जो है वो वैरायटी ट्रैफिक दिख रही है। ये कौन सा है गुलशन भाई, ये इथियोपियन वाला कौन सा एयरक्राफ्ट है ये? आई थिंक ये P3D में फ्लाई कर रहा होगा। ये कौन सा है, ड्रीम लाइनर, ये है बोइंग 787-800 है ये गुलशन भाई। गाइस दिस इज बोइंग 787-800। वाओ, Austrian 4 Mike, stand 217, ready for push and start. Austrian 4 Mike, push and start approved, please start. Hello, Dada. Push and start approved, please start. Austrian 4 Mike. Count, what's going on? Today's a little bit. Must be all good. Aliye? Even 692, Victor, runway 9, right, clear, take off, wind is 0-1-0 degrees, 5 knots. Hello, please. Yeah, 787-800 is this current, guys. ओके, मुझे लग रहा है ये अभी इसने बीकन लाइट स्टार्ट कर दिया, हिल्स इल गोना स्टार्ट इज पुशबैक गाइस। ये जो अपना स्टार्ट करेगा ऑस्ट्रियन एयरलाइन जो है, ये अपना पुशबैक स्टार्ट करेगा। अरे MSFS पे गुलशन भाई एक्सप्लेन जैसा वो फ्लाइट नंबर दिखता नहीं है क्या? मतलब आपको तो मतलब आई गेस आपको नहीं पता होगा, बट आपने कहीं देखा है क्या ऐसे कर सकते या फिर नहीं? तो ये वाला टर्मिनल जो है वो इंटरनेशनल टर्मिनल है क्या, मतलब बाकी के एयरलाइंस के लिए है क्या ये टर्मिनल? वो बंदा P3D में है, 100% फ्लाई कर रहा है, ई मस्ट बी फ्लाइंग इन P3D क्योंकि 787 उसी में ही है। एंड आई थिंक ये ऑस्ट्रेलियन वाला जो है वो अभी पुशबैक स्टार्ट कर देगा। हेलो बिट्टू गेमिंग, कैसे हो? लॉन्ग हॉल PMT 777-300 में करो, करना है समर्थ। सर व्हेन यू प्ले ट्रेन गेम द व्यू विल बी हाई बट नॉट। ओ वहाँ पे और एक टेक ऑफ गाइस, और एक टेक ऑफ गाइस, जूम करेंगे इसको एंड एंजॉय द रेल फैनिंग गाइस, एंजॉय द प्लेन स्पॉटिंग नॉट रेल फैनिंग। ब्यूटीफुल टेक ऑफ, ब्यूटीफुल टेक ऑफ। Bird 2643, thank you. That's right on Bravo, Link 53. And here he goes, guys. Here he goes. Wow. Bye bye. Have a nice flight. गाइस प्रोफेशनल प्लेन स्पॉटर चीकी गाइस। ओ गाइस मैंने कैसे बोला, बीकन लाइट्स ऑन हो गए, दैट मींस पुशबैक स्टार्ट होने वाला है। और यहां पे आप ऑस्ट्रियन का पुशबैक देख सकते हो, नॉट अवेयर ऑफ दोज लेबल थिंग्स। ओके आपकी फ्लाइट का क्या हो गया? आप मेरी फ्लाइट MSFS ने मरवा ली, बट ठीक है, आई एम एंजॉयिंग द प्लेन स्पॉटिंग गाइस। गाइस मजा आ रहा है आपको प्लेन स्पॉटिंग में? पता नहीं, मेरे अंदर का छोटा बच्चा तो खुश हो रहा है प्लेन स्पॉटिंग करके। आपको कितना मजा आता प्लेन स्पॉटिंग का देखने में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सही, ऑस्ट्रियन अभी निकलेगा यहाँ से, उसके बाद स्विस भी निकलेगा। ओके गाइस, कोई तो लाइनअप हुआ है रनवे पे, देखते गाइस कौन लाइनअप हुआ है। समवन इज लाइंड अप एट रनवे 09 एंड लेट मी सी। ओए मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा इसको बोला क्या लाइनअप हो जाओ करके? ओके इज लाइनिंग अप। यार एक एयरक्राफ्ट लेबल वाला ऑप्शन है मुझे पता है, रुको रुको मैं चेक करता हूँ। असिस्टेंस में होगा वो, ट्रैफिक में वो जनरल ऑप्शन, उसके बाद हम जाएंगे ट्रैफिक में और एयरक्राफ्ट ट्रैफिक टाइप ऑफ शो एयरक्राफ्ट ट्रैफिक नेम प्लेट्स। अभी देखते हैं नहीं यार, ये ट्रैफिक ये अलग है, वो आई थिंक MSFS के ट्रैफिक के नेम प्लेट्स होते हैं, इसके नहीं होते। AIG में लाइक AI ट्रैफिक होती है ना यार, ये रियल ट्रैफिक देखने में मजा आता है, मतलब रियल बंदों को स्पॉट करने में मजा आता है।
स्पैम मत करो भानु रॉय, डोंट स्पैम. Departure runway 09 right, departure is Moody 1 Juliet and squawk 3277 for Swiss 38 Whiskey. Swiss 38 Whiskey, that's correct. Information Quebec, QNH 1016. 1016. Weather is fucking epic, I know, yaar, I know. Weather is epic. Sure, first, 8 vacated Alpha 9 Whiskey. Thank you, sorry, I left you there. Speedbird 428 right on Alpha, stand 507. अरे बट आप लोगों ने वो ऑस्ट्रेलियन का कॉल सुना क्या? वो 100% ऑस्ट्रेलियन ही है ना? उसने तो टैक्सी स्टार्ट कर दिया है. यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट का आवाज आ रहा है. यहाँ पे आवाज आ रहा है. इसका आवाज आ रहा है. ओके गाइस, यहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज स्टार्ट कर दिया यार. अच्छी ट्रैफिक है यार आज, सच में अच्छी ट्रैफिक है. यहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज वाला खड़ा है. हेलो आईटी प्रिंस गेमिंग, कैसे हो? नेक्स्ट फ्लाइट यू कैन डू दिल्ली पैरो ऑन फिनिक्स 320 विद द ड्रग एयर एंड इट विल बी अ गुड चैलेंज एंड यू कैन गो टू 320. यस, वी कैन ट्राई दिल्ली पैरो, डेफिनेटली वी कैन ट्राई. तो ये दोनों रनवे एक्टिव है क्या? ये वाला भी एक्टिव है. ओके, आई थिंक वो ऑस्ट्रियन भी यही आएगा लग रहा है. ये 08 है क्या? कौन सा ये? ये 09 लेफ्ट है. Should we start first rate? Can you confirm stand number? 507. It's just on the right hand side when you get onto when you turn left onto on the, you're in Alpha. And where is the Austrian? Please. Please. Pushback start kiya hai. He also started his pushback. 91 push and start approved face north. ओए वो ऑस्ट्रेलियन कहाँ गया? यहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज है. And speedbird 2603 at November 11. यहाँ पे हिल्टन गार्डन. AFM Roger, line up runway 09 right. ओ ये यही पे अभी भी. Landing up runway 09 right, speedbird 2603. अभी निकलेगा ये. I want to see his take off यार. इथियोपियन का take off देखना है मुझे. On stand 525, the type is Boeing 737 with information Quebec, QNH 1016. Request type for departure clearance to Geneva. They travel 033, roger, standby, break, speed is, 2643, one with 09, right, take off wind. One is landing on his takeoff, samjha nahi main. Badhiya White Prince Gamer, aap kaise ho? Sir, radio sound is real, yes, real bande hai wo. Travel 033, cleared to Geneva, modern V1 Juliet, departure scope 2733. Oh, yes, Swiss Airlines wala, Geneva wala. वो है वो स्विस एयरलाइन वाला. Departure cleared to destination, departure mode me 1 Juliet, squawk 2723, sky travel 033. Sky travel 033, correct. Stuart first rate, can you say and stand up again? I didn't think I heard you the first time. Did you buy quality wings? Yeah, I have quality wings 787. You go left on Alpha, continue on Alpha. So just on the right hand side, it's the second stand on the right hand side, 507. 507, that's what I was looking for. Thank you, Stuart, for joining. It's Ottawa, good morning. It's Ethiopia 701. 701, Delta, it's Ottawa, good morning. Pass message. Ethiopia 701, Boeing 788 with information Quebec, Kenish 1016. Stand 246, request I have clearance to Addis Ababa. 701 Delta cleared Addis Ababa, Delta 1 Juliet departure, scope 7573. Understand, Ethiopia 701 Delta is cleared to Addis Ababa as far as Delta 1 Juliet and to scope 7573. Ethiopia 701 Delta, correct. Break speedbird 2643, Squawk Mochelli. Squawk Mochelli, one moment, sir. There's 2643, thank you. Contact Heathrow Direct, question. Yeah, Heathrow Direct, 119.725, bye bye. 119.725, thanks for service and bye bye. मेंबरशिप गिफ्ट कब आ रहा है यार? मैंने अप्लाई किया हुआ है यार,
दीपक भाई, बट पता नहीं आ नहीं रहा अभी तक हमारे लिए मेंबरशिप गिफ्ट वाला ऑप्शन। चलो गाइस हम लोग ऑस्ट्रियन का टेक ऑफ देख लेंगे एंड देन विल गोना एंड द स्ट्रीम गाइस। 400 लाइक्स होने चाहिए गाइस ऑस्ट्रियन का टेक ऑफ होने के पहले। कैन वी हैव अ 400 लाइक्स? हिट दैट लाइक बटन गाइस, हिट दैट लाइक बटन। टैक्सी राइट ब्रावो एंड देन Alpha, hold November Bravo 10. ये 787 कब निकलेगा? Bravo and then Alpha, hold November Bravo 10. ये 737 कब निकलेगा? Okay, Bravo 033, stand 525. Ready to push out. आ रहा है यहाँ पे. Travel 033, push and start approved, face east. Push and start approved, face east. कॉमेडी वीडियो कैसे हो सर? बेंगलोर एयरपोर्ट का प्लेन स्पॉटिंग करो। बेंगलोर एयरपोर्ट पे अभी वैटसिम पे कोई ट्रैफिक नहीं रहेगा, इंडिया में बहुत कम ट्रैफिक होता है। आपको इंडिया लाइव देखने का मौका मिले तो पूरा दिन दिखोगे ना? पूरा दिन तो नहीं यार, बट यार एक डेढ़ घंटा बैठ के तो जरूर देखूंगा मैं। Taxi left on the Bravo and hold your gas. Skyway 101. Ethiopia 701 Delta, stand 246, request push and start. Ethiopia 701 Delta, push and start approved, face south. Push and start approved, face south, Ethiopia 701 Delta. Good day to Lufthansa 9FSK Lima on ILS 09 left. Lufthansa 9FSK Lima, hello, he's a tower. He asked for clearance. Chiki, Ethiopian will depart soon. He asked for clearance. Yo, let's go. But Ethiopian यहाँ पे आएगा फिर इस वाले पे जाएगा? I don't know. कौन से रनवे पे जाएगा Ethiopian? Ethiopian. Guys, Ethiopian निकल रहा है guys. There is the Austrian. Coming for the runway. ये कौन सा runway हमारा? 09 राइट है ना ये? या इज कमिंग फॉर 09 राइट। ओके गाइज, स्मार्ट विंग्स 737 इज स्टार्टिंग हिज पुश बैक और वहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज भी आ रहा है, ऑस्ट्रियन भी आ रहा है। फिर से एक बार ट्रैफिक देखने को मिलेगा नियर 09 राइट। पुश बैक कर रहा है कोई? यस, ही आस्क्ड फॉर द क्लियरेंस। यस, नाइस ट्रैफिक गाइज, नाइस ट्रैफिक। कम ऑन गाइज, एक लाइक चाहिए 275 लाइक करने के लिए। Question for Mike from November Bravo 8, runway 09 right, clear takeoff wind is 010 degrees 5 knots. Push and start approved, yes. 09 right, clear takeoff, Austrian 4 Mike. दोनों पैरेलल चल रहे हैं। ओके गाइस, ऑस्ट्रियन ने ऑस्ट्रियन इज होल्डिंग शॉर्ट नाउ। सेक्शन डिपार्चर हेड। फाइन नवंबर ब्रावो 10 लाइन अप एंड वेट 09 राइट। सीबर्ड 332। ये स्पीडबर्ड 332 है। इसको बोला गया है कि ऑस्ट्रियन का डिपार्चर चल रहा है। सो बी केयरफुल। वाओ। Guys, Smart Wings will be starting his taxi now. Austrian is ready for takeoff. British Airways is holding short of runway 09 right. And here we go. Rolling takeoff bolte guys. आपका कब है? मैं अभी फ्लाई नहीं कर रहा हूँ, खुनी का बाप। और ऑस्ट्रेलियन ने जो है वो थ्रॉटल देना शुरू कर दिया है। V1 and rotate. Sky Travel 033. Beautiful takeoff guys, Austrian nikal chuka hai. Sky Travel 033, take the next right on Yankee, hold November Bravo 11. Next right,
to Yankee and hold November Bravo 1. Austrian is airborne now. Right. Sky Travel 033. Now this British Airways will start. Hello, sir. Hello. Hello. Austrian 4 Mike. Contact Director 119.725. Director 119.725. Austrian 4 Mike. Cheers. Lufthansa 9 Whiskey Lima, right on Bravo, Foxtrot, hold Foxtrot 1, expect stand 223. Right on Bravo, Foxtrot, hold Foxtrot 1 and expect 223, Lufthansa 9 Whiskey Lima. Bird 332, runway 09 right, clear takeoff, wind 010 degrees, 5 knots. Clear takeoff, 09 right, see the 332. Tower, good morning, Speedbird 408 Victor. We had a crash to desktop and just reconnect. I just want to make sure PDC from previous is still current. It's still current, Speedbird 408 Victor, that's correct. When you're ready, report ready for push. Okay, yeah, just a few more minutes and we'll report ready for Speedbird 40 Victor. It's your 701 that request. Oops. Okay, guys, it's gonna take off. Kar liya hai shayad. And here he goes. इथोपियन कहाँ पे गाइस? क्या हमें इथियन पर इथोपियन का देखने को मिलेगा? आज पहला हमारा टेक ऑफ है. इट्स 701 डेल्टा रिक्वेस्ट टैक्सी. इट्स 701 डेल्टा टैक्सी लीमा राइट अल्फा होल्ड नवंबर ब्रावो. Sorry, right on Alpha, link 5-2, hold November Bravo 1-1. Taxi, right on, taxi link Lima, right on Alpha, link 5-2, and to hold the November Bravo 1-2 confirm? November Bravo 1-1, but it's right at the end there for you. Okay, cool. November Bravo 1-1, it is pass 701 Delta. Speedbird 3-2, contact you through director, 119.725, bye-bye. 119.725, Namaskar, namaskar guys, namaskar. Travel 033, line up runway 09 right. Lining up runway 09 right, Sky Travel 033. Speedbird 09 Delta Sierra, there's no voice, your microphone is disconnected. गाइस ये निकल चुका है भैया अपना smartwings.com. Skyway 091 continue taxi hold November Bravo 10. Ethiopian 787 अभी तो नहीं दिख रहा है. आई थिंक वो अपना प्रिपरेशन कर रहा होगा. इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम टू प्रिपेयर. Speedbird 09 Delta Sierra, stand 505 Airbus 320 information, come back on board requesting clearance to Geneva please. Seabird 09 Delta Sierra, Hito Tahoe, clear Geneva, Mod Me 1 Juliet, Squawk 5411. Mod Me 1 Juliet, departure, Squawk 5411, Speedbird 09 Delta Sierra. Seabird 09 Delta Sierra, correct. ट्विच में वीकेंड में एक स्ट्रीमर ऐसा प्लेन स्पॉटिंग वाला लाइव स्ट्रीम करता है. सारे बहुत लोग हैं. यूट्यूब पे भी बहुत लोग करते हैं. आई नो दैट. Cleared for takeoff runway 09 right, Sky Travel 033. चलो गाइस. अरे इसका कॉल साइन क्या है गाइस? इसका कॉल साइन क्या है? हेलो एजेंट वाइट, थैंक यू फॉर द सर, वेलकम टू द फैमिली ब्रो. This is Whiskey, good morning, cleared Zurich. Settling to
Juliet Departure Squawk 107. And guys, 787 700 ne guys अपना टेक ऑफ स्टार्ट कर दिया है। अरे क्या हो गया? इंटरेस्टिंग टेक ऑफ गाइस, इंटरेस्टिंग टेक ऑफ। Lufthansa 9 Whiskey Lima taxi, continue taxi left Bravo. Weather danger hai guys, weather bahut danger hai. Continue taxi left Bravo stand 223 Lufthansa 9 Whiskey. Skyway 033 contact Heathrow director 119.725 bye bye. 19.725 Ethiopian dikh raha hai kya hamein? Thank you. इथियोपियन अभी तक आया नहीं है गाइस, उसने स्टार्ट नहीं किया है। 191 रमे 09 राइट क्लियर टेक ऑफ सर्विस विंड 010.5 नॉट्स सेफ टेक ऑफ रमे 09 हाय फॉर स्पॉटिंग वी हैव टू बाय द गेम यस स्पॉटिंग के लिए भी गेम बाय करना पड़ेगा ना, गेम में ही स्पॉटिंग कर रहे हो। हेलो गेमर कैसे हो सर, स्मॉल सेक्टर कर लो दिल्ली टू मुंबई। अरे नहीं अभी मैं एनडी कर रहा हूँ, नाउ एंडिंग द स्ट्रीम ओनली। ओके गाइज ये निकल चुका है, ये भी 777 है क्या? इज दिस 777? हेलो दिशान मडिवल कैसे हो दिशान भाऊ। हेलो कविता व्हाट्स अप। और एक स्पीड बर्ड ने अपना पुश एंड स्टार्ट चालू किया है और इसने अपना डिपार्चर शुरू कर दिया है। हेलो हर्ष मुर्के कैसा है सर, क्या मंटोस भावा, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द स्ट्रीम भावा, वेलकम टू द स्ट्रीम। वाओ ओके गाइज, मुझे लग रहा है कि ये हमारा आज का फाइनल टेक ऑफ था। आई थिंक वी शुड एंड द स्ट्रीम और मैं आप सभी से मिलूंगा कल के स्ट्रीम में गाइज, कल फिर से फ्लाई करें गाइज। 10 लाइक्स चाहिए यार 400 करने के लिए, काश हमारे 400 लाइक्स हो जाते मज़ा। Skyways 191 contact Heathrow director 119.725 bye. The director 119.725 Skyways 214 correction Skyways 194 correction Skyways 191. Thanks guys, have a good day. Bye bye. इथियोपियन का वेट करोगे इसमें, इथियोपियन को जाके देखे क्या हम लोग क्या कर रहा है वो। Heathrow Tower, Osprey 9015, establish ILS 09LF. Osprey, correction 9015, Heathrow Tower, good morning, runway 09 left, click land, wind 010 degrees, 5 knots. Copy on the wind, clear to land, runway 09 left, Osprey 9015. Ethiopian 701 Delta, runway 09 right, clear takeoff, wind 010 degrees, 5 knots.
Left your column 09 right, it's Jupiter 701 Delta. सर तो कल P3D पता नहीं यार कल मैं क्या करूँगा, आई एम कन्फ्यूज्ड अ बीट. प्लीज़ सर नेक्स्ट वीकेंड को लॉन्ग हॉल कीजिएगा फ्रॉम दोहा टू बैंकॉक इन P3D. हम लोग बीजिंग से हांगकॉन्ग करने वाले हैं P3D में 747 के साथ, और आगे देखते गाइस एक राउंड मारते हैं. दिस इज स्पीड बॉय 65 स्टैंड 241 रिक्वेस्ट. स्पीड बॉय निकल रहा है. इथियोपियन का क्या सीन है? हेलो भाई, भैया क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग विजिबिलिटी 5. इथियोपियन का क्या सीन है? इथियोपियन निकल रहा या नहीं निकल रहा है? गाइस 400 के लिए. अबे वो इथियोपियन कहाँ चला गया? यूनिट 101 ऑन बोर्ड इंफॉर्मेशन क्वेबेक. भाई वो डिस्कनेक्ट कर गया. 658 क्लियर. अरे वो यही पे था. मॉड मी 1 जूलियट अबाउट टू स्कोप 5014. ही गॉट डिस्कनेक्टेड गाइस, ही गॉट डिस्कनेक्टेड. सैड सैड लाइफ गाइस, सैड लाइफ. 787 गया 09R से. ओ भाई वो 09R से गया. मैं अनफॉर्चूनेटली मैं कॉम्स को सुन नहीं रहा था. लॉल मॉड मी 1 जूलियट डिपार्चर 09 राइट एंड सिटी स्कोर 5014 स्पीड पर 658. अरे बट 09 राइट ही तो हम लोग देख रहे थे. 09 लेफ्ट से गया होगा वो गुलशन भाई. हम तो 09 राइट के तो प्लेन स्पॉटिंग कर रहे थे. 09 राइट से वो कैसे जाएगा? 09 राइट से वो कैसे जाएगा? Osprey 9015, he's a tie with me. Yes, Osprey 9015 here. Yeah? I can't remember. Runway 09 left, clear to land. Wind 010 degrees 5 knots. Roger, clear to land, 09 left, Osprey 9015. Ethiopian 01 Delta, monitor Unicom 122 decimal 8, bye bye. 122 decimal 8, that's a good news, Mr. Cardiff. Bye bye. जीटे सैन एंड्रेस भी ट्राई करना एक बार. एपिक एंड विंटेज सर, जिंदगी में 100 बार खेल चुका हूँ यार सैन एंड्रेस, और कितना खेलेंगे. ओके गाइस, तो मन नहीं कर रहा है मुझे ये रेल ट्रेन स्पॉटिंग को बंद करना, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक अनफॉर्चुनेटली PAW 211 ये मुझे नहीं आया. हैव अ गुड डे, बाय बाय. ओके गाइस, यहाँ पे आई थिंक सर्विस भी बंद कर रहे हैं लोग. इनका ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ होगा. तो गाइस मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया है. एंड करेंगे गाइज हम लोग हमारे रेल फैनिंग को. गाइज अगर आप चाहोगे तो एक डेडिकेटेड रेल फैनिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, डेडिकेटेड प्लेन स्पॉटिंग की भी स्ट्रीम करेंगे हम लोग. वी कैन डू दैट अगर आप चाहोगे तो, अगर आप बोलोगे तो हम लोग ज़रूर करेंगे इसको आने वाले किसी स्ट्रीम में. बट यार आज फ्लाई करने का इतना मन था मेरा. अनफॉर्चुनेटली शाम को मैं अवेलेबल नहीं हुआ, अदरवाइज आई वुड हैव फ्लोन इन द इवनिंग एज वेल. आज क्या जो कांड हुआ बट MSFS का तो मैंने फिक्स तो कर दिया है, बट आई नीड टू चेक यार ये अपडेट ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं. सर टुमारो MSTS पता नहीं यार MSTS करूँगा या नहीं करूँगा, कल क्या करूँगा, आई हैव नो आइडिया. गाइस देखो किसी एक चैनल से चैनल जब फास्ट ग्रो होता है ना, तो मैं उस गेम किसी एक गेम से चैनल बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो होता है ना, तो मैं उस गेम पे ब्रेक लगा देता हूँ. पता नहीं दैट्स वियर्ड, आपको सुनने में वियर्ड लगा कि क्या पागल बंदा है. लोगों ने उसको लेके जो है वो लाख लाख सब्सक्राइबर बना लिए, जिस गेम को उनको वॉचिंग मिलती है उसी गेम को वो रोज़ रोज़ खेलते हैं. बट आई विश कि मेरे चैनल पे डाइवर्सिटी रहो, वैरायटी रहे, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की ऑडियंस आए, इसलिए मैं एक ही गेम के पीछे नहीं पड़ा रहता. बट आई नो मैं 60% ट्रेन सिम्युलेटर करता हूँ और 40% में मैं बाकी के सिम्युलेटर करता हूँ. पता नहीं यार शायद से करूँगा मैं कल ट्रेन सिम्युलेटर. आई माइट डू ट्रेन सिम्युलेटर, नो आइडिया, अभी मैं कन्फर्म नहीं बता सकता. आज फैमिली के साथ है यार. यस बेटी जो है मेरी स्वरा जो है उसकी मौसी के घर है, कल सुबह से गई है तो उसको लेने जाना है आज. नहीं यार पार्टी बिटी कुछ नहीं, यार पार्टी बिटी कुछ नहीं है, नो पार्टी नथिंग. ओके गाइस सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे स्ट्रीम. आई होप कि आपको आज की स्ट्रीम अच्छी लगी होगी. आज हमारी कंटिन्यूस 100 की वॉचिंग थी गाइस मॉर्निंग में. आई विश कि हम लोग वो फ्लाइट पूरी कर पाते, बट नेवर माइंड. आई विल सी यू ऑल टुमारो विथ येट अदर ऑसम स्ट्रीम, आइदर प्लेन सिम्युलेटर, फ्लाइट सिम्युलेटर और ट्रेन सिम्युलेटर.
Till then, keep gaming and keep smiling, guys. Khelte rahe aur haste rahe because you guys are fantastic. Thank you so much. Bye-bye and have a nice day. Take care of yourself and your family. And happy weekend, boys. Happy weekend. Love you. Cheers. Take care. Bye-bye.